हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेंजू वर्ल्ड। और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वेंजू फैन फिक्शन मजबूरियत आपकी प्यार की। और कहानी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इसके बाकी के पार्ट नहीं देखे तो देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहानी में चल क्या रहा है। तो बिना किसी बकवास के कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है वैन से। वैन बस स्टॉप के ब्रेंच पे बैठा हुआ था। वैन के हाथ में एक लेटर था। वैन उस लेटर को अपने हाथ से मोड़ देता है। वैन बहुत ही गुस्से में था और गुस्से में ही उस लेटर को डस्टबिन के अंदर डाल देता है। फिर वैन अपना बाइक चालू करके वहां से चला जाता है। अब कहानी शिफ्ट होती है अपने भूत घाटी पे। भूत घाटी का लीडर वहीं पे होता है और फई भी वहां पे रहते हैं और बहुत सारे लड़के और रहते हैं। भूत घाटी का लीडर फई से कहता है, हम तुम्हें दूसरे लीडर की जगह देने वाले थे, पर तुम तो अपना मिशन पूरा ही नहीं कर पाए, अब तुम जगह कैसे ले पाओगे। फाई लीडर को देखता है पर कुछ बोलता नहीं है। लीडर कहता है कि अगर तुम अभी भी ये मिशन कंप्लीट कर दो, तुम उस बिजनेसमैन को मार दो, तब तुम लीडर बन सकते हो। फाई अभी भी कुछ भी नहीं कह रहा था, इसलिए लीडर फाई से कहता है बनना चाहते। फाई लीडर की तरफ देखता और कहता है, नहीं, मैं नहीं बनना चाहता, क्योंकि मैं उस बिजनेसमैन को नहीं मार पाऊंगा। लीडर कहता है, अच्छा। फई कहता है, हाँ। फिर वो लीडर सबसे कहता है, जो भी उस बिजनेसमैन को मार दिया, उसे यहाँ के लीडर का जगह मिल जाएगा। अब वहाँ के सारे लड़के खुश हो जाते हैं और कहते हैं, मैं मारूंगा, मैं मारूंगा। और अब वो लीडर फई को देख के मुस्कुरा रहा होता है। फिर फई कहता है, मारने जाने से पहले सुन लो, उस बिजनेसमैन का बॉडीगार्ड अपना वैन केजिंग है। और ये सुनते ही सब घबरा जाते हैं और सब कह रहे थे, मैं मारूंगा, मैं मारूंगा। और अब कोई भी कहने को तैयार नहीं था कि मैं उस बिजनेसमैन को मारने जाऊंगा। फई एक चेयर पे बैठा हुआ था। फिर फई उठ जाता है और लीडर के पास में ही जाके खड़ा हो जाता है और कहता है, शौक से मारने जाओ, पर तुम ये याद रखना, अगर तुम उस बिजनेसमैन को मारने जाओगे तो लाश तुम्हारी ही आएगी, क्योंकि वैन केजिंग से कोई नहीं जीत सकता। फिर पीछे से आवाज आती है। वो आवाज कहती है कि ऐसा कैसा तोप है वो वैन केजिंग। और एक आदमी अंदर आता है, उसने अपने पूरा चेहरा ढक रखा था, उसने एक ब्लैक मास्क पहना हुआ था पूरे चेहरे पे। फई उस आदमी को देखने लग जाता है। वो आदमी वही रहता है जिसने फैन बुजी को मारा होता है। फई स्माइल करता और कहता है, फिल्मी डायलॉग क्या चेपू, पर वैन केजिंग एक आग है, उसे छुओगे तो जल खुद जाओगे। वो आदमी कहता है, अच्छा, तो एक काम करो, तुम वैन केजिंग को ही मार दो, मैं वैन केजिंग को मारने के और पैसे दूंगा तुम्हें, क्या तुम तैयार हो उसे मारने को। फई कहता है, अपना पैसा अपने वहां पे डालो और चुपचाप निकल जाओ। वो आदमी कहता है, बड़े बदतमीज हो तुम। फई कहता है, बचपन से, शुक्रिया। और ये कहते ही वहां से जाने लगता है। तभी वो आदमी कहता है, तुम नहीं तो कोई और मरेगा, अब वो वैन केजिंग मरेगा, फिर वो बिजनेसमैन। फई एक स्माइल करता है और कहता है, तुम्हारे जितना भी दम है ना, लगा लो, पर मुझे पूरा यकीन है कि अगर वैन केजिंग उस बिजनेसमैन के साथ है तो तुम उसका बाल भी बाका नहीं कर सकते। और ये कहते ही फई वहां से चला जाता है। वो आदमी वहां के लीडर से कहता है, यही है तुम्हारा भूत घाटी, मैंने तो सुना था कि यहाँ पे जो काम कर पाओ वो होके रहता है, तुम एक बंदे को नहीं मार सके। वहाँ का लीडर कहता है, मरेगा वो बिजनेसमैन, जरूर मरेगा, अगर आप वैन केजिंग का पैसा दोगे तो वो वैन केजिंग भी मरेगा, अगर कोई मारने नहीं गया तो मैं खुद मारने जाऊंगा, पर ये आपका डील कंप्लीट करके रहूंगा। वो आदमी कहता है, गुड, तुम अब उन दोनों को मार दो और उन दोनों का पैसा मेरे से ले लेना, आधा अभी दे रहा हूँ और आधा मारने के बाद। वो लीडर कहते हैं, जी। और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अब अपने वैन को दिखाया जाता है जो जाओ के घर पहुँच गया होता है। वैन अंदर जैसे ही जाता है वैसे किन बोलता है, अरे जीजू आप आ गए, पर वैन बहुत ही गुस्से में रहता है और किन का जवाब नहीं देता है और चुपचाप अंदर चला जाता है। किन बोलते हैं कि वैन भाई बहुत गुस्से में है। अब वैन जाओ के कमरे में जाता है। जाओ वैन से कहता है कि आ गए तुम। वैन कुछ नहीं कहता है, बस कहता है, जाओ वैन की तरफ देखता है तो देखता है वैन बहुत ही गुस्से में है। जाओ कहता है वैन से, तुम्हें क्या हुआ, तुम बहुत गुस्से में लग रहे हो। वैन बोलता है, कुछ नहीं। जाओ बोलता है, कुछ तो हुआ है। वैन बोलता है कि यार ज्यादा फिक्र मत करो मेरी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं एकदम ठीक हूँ। वैन ने ये बात बहुत गुस्से में बोली होती है। जाओ फिर वैन के सर पे हाथ रखता है और कहता है, तुम्हें बुखार तो नहीं है, तुम काफी गुस्से में लग रहे हो। वैन जाओ के हाथ को झटक देता है और कहता है, यार छुआ मत करो मुझे। जाओ कंफ्यूज हो जाता है कि वैन इतने गुस्से में क्यों है। जाओ बोलता है, अरे क्या हुआ। वैन बोलता है, मैंने बोला ना मुझे कुछ नहीं हुआ है, तो क्या बार बार क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, मैं एकदम ठीक हूँ। और ये कहते ही वैन वहाँ से जाने लगता है। फिर जाओ पीछे से वैन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, जाने नहीं दूंगा, कुछ तो हुआ है, बताओ। वैन जाओ का हाथ फिर से झटक देता है और बहुत गुस्से में कहता है, बोला ना मुझे मत छुओ, क्यों छूते रहते हो बार बार। जाओ भी गुस्सा करता है ये सोच के कि वैन शांत हो जाएगा। जाओ गुस्से में बोलता है कि तुम्हें रोकने के लिए पता नहीं तुम्हें क्या हुआ है, पर वैन और गुस्सा हो जाता है और कहता है, मुझे क्या हुआ, इससे आपको क्या करना है। और ये कहते ही जाओ के बहुत करीब चला जाता है। जाओ अपना कदम पीछे कर रहा था और वैन उतना ही कदम आगे ला रहा था। फिर जाओ दीवार से जाकर टकरा जाता है। फिर वैन दीवार पे हाथ रखता है और कहता है, क्यों करते हो मेरी इतनी फिक्र, बोलो।
चाहते क्या हो मेरे से? कभी तो बहुत गुस्से में रहते हो, कभी प्यार जगाने लग जाते हो, क्या खिलौना समझ रखा है मुझे? जाओ तो घबराया हुआ रहता है और कहता है तुम पागल हो गए हो लावेन, तुम इतने गुस्से में क्यों? जाओ फिर अपना दीवार से हाथ हटाता है और कहता है कि मैं गुस्से में नहीं हूँ और मेरे से प्लीज़ बात मत करो, और ये कहते ही जाने लगता है। पर जाओ फिर से वैन का हाथ पकड़ लेता है। इस बार वैन जाओ का हाथ छुड़ाता नहीं है, उल्टा जाओ का हाथ पकड़ लेता है और खींच के बिस्तर पर लेटा देता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। जाओ नर्वस हो जाता है और कहता है तुम क्या कर रहे हो? वैन कहता है क्यों, ये तो तुम करते रहते हो ना। जाओ कहता है क्या मतलब है? वैन कहता है कितनी बार किस किया है मुझे? दो बार। मेरा परमिशन ली है आपने? जाओ बोलता है उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, अब छोड़ो मुझे। वैन फिर जाओ के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और उसके करीब जाने लगता है और कहता है क्या सॉरी, एक बात बताओ मास्टर सू, वैसे तो आप मेरे से नफरत करते हो, चाहते हो कि मैं घर से निकल जाऊं और सडनली केयर करने लग जाते हो, चाहते क्या हो मेरे से? जाओ कहता है कि मैं कुछ नहीं चाहता हूं और अब हटो मेरे ऊपर से। वैन कहता है क्यों? जाओ कहता है मेरे पास मत आओ लावेन, वैन उतना ही पास जा रहा होता है। और फिर वैन कहता है मैं करूँ किस आप जबरदस्ती? जाओ अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है और कहता है मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ लावेन, मैं आज से तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, मुझे माफ़ करो, मेरी गलती है, मैं जानता हूँ मुझे तुम्हें किस नहीं करना चाहिए था। वैन कहता है ऐसे ही माफ कर दो, और ये कहते ही जाओ को किस करने जाने वाला रहता है। पर फिर वैन देखता है कि जाओ हल्का सा रो रहा होता है। जाओ अभी भी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है और कहता है छोड़ो मुझे लावेन, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा, मुझे जाने दो। जाओ के आंखों का आंसू बिस्तर पे गिर जाता है। फिर वैन सडनली जाओ से हटता है और कमरे से चला जाता है। जाओ उठता है और वहीं बैठ के हल्का हल्का सा रोने लगता है। फिर जाओ अपने आंसू पोंछता और कहता है क्या हो गया था लावेन को, ऐसी हरकतें क्यों कर रहा था? अब अपने वैन को दिखाया जाता है जो नीचे जा रहा होता है। तभी वैन को किन मिलता है और वहाँ पे अन्नो भी रहती है। किन वैन से कहता है जीजू आप बहुत गुस्से में लग रहे हो। वैन वहाँ पे रुक जाता है और किन को भी डांटते हुए कहता है कि मुझे जीजू मत बोलो, किस हक से मैं तुम्हारा जीजू हूँ? किन बोलता है मैंने आपको बोला था ना। वैन कहता है देखो मेरी जिससे भी शादी होगी ना मैं कह दूंगा इस लड़के से तो दूर ही रहना, और अब तुम मेरे से भी दूर रहो, और आइंदा तुमने मुझे जीजू बोला तो मैंने उस दिन तुम्हें गलती से मारा था ना, अब मैं तुम्हें जानबूझ के मारूंगा। वैन कहता है फालतू में जीजू जीजू जीजू, और ये कहते ही वहाँ से चला जाता है। किन भी बहुत शौक रहता है क्योंकि वैन को पहली बार इतने गुस्से में देखा था। किन अपना बच्चों जैसा ही तो है, इसलिए किन को भी थोड़ा सा हल्का सा रोना आ जाता है और कहता है आज तक तो इतना गुस्सा नहीं किया, मैं छोड़ूंगा नहीं, और हल्के हल्के उसके आँख से आंसू आने लगते हैं। फिर अन्नो कहती है अरे यार तुम पागल हो गया, ऐसी बात पर रोओगे? फिर अन्नो कहती है और वैन जी का तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मैं अभी कह के भाई से इनको निकलवाती हूँ। और ये कहते ही जाओ के पास जाने लगती है, पर किन कहता है नहीं यार प्लीज़ ऐसा मत करो, अभी जीजू गुस्से में है, साफ साफ दिख रहा है, जब उनका मूड ठीक हो जाएगा तो खुद मेरे पास सॉरी बोलने आएंगे। अन्नो कहता है मतलब कहती है कि ठीक है पर आइंदा से तुम ऐसी ऐसी बातों के लिए रोए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, इनफैक्ट मैं तुम्हें छोड़ ही दूंगी। फिर अन्नो को किन गले लगा लेता है और कहता है छोड़ने की बात मत करना यार। अन्नो भी किन को गले लगाती है और कहती है कभी नहीं छोड़ूंगी। और अब अपने वैन को दिखाया जाता है, वैन किचन में जाता है और वहाँ पे किचन में जितने भी लोग होते हैं उनको बाहर निकाल देता है, वो सारे लोग बाहर निकल जाते हैं। फिर वैन एक कोने में बैठ के रोने लगता है और कहता है सॉरी। फिर वैन वहाँ से उठता है, अपनी आंसू पोंछता है और अपने हाथ पे देखता है। फिर वैन को जाओ का चेहरा याद आता है जो रो रहा होता है। वैन गुस्से में ही दीवार पे पंचेस मारने लगता है, वैन के दोनों हाथ से खून आने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे जाओ आ जाता है। जाओ वैन के हाथों में खून देख के बहुत घबरा जाता है। जाओ वैन के पास जाता है और कहते हैं तुम पागल हो गए हो क्या, इतना खून निकल रहा है तुम्हारा, चलो पट्टी करवा लो। और ये कहते ही वैन का हाथ फिर से पकड़ लेता है। फिर से वैन जाओ का हाथ झटकता है और कहता है कहाँ ना छुओ मत मुझे। जाओ तो थोड़ी देर शांत रहता है। जाओ फिर से वैन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है चुपचाप चलो, तुम्हारा बहुत नाटक हो गया है लाओ वैन। फिर वैन गुस्से में ही जाओ का हाथ फिर से झटकता है और कहता है मैंने कहाँ ना छोड़ो। फिर जाओ वैन को एक थप्पड़ मारता है और फिर वैन को गले लगा लेता है, और गले लगाते ही कहता है कि मुझे पता नहीं कि तुम किस बात से इतना गुस्सा हो, पर प्लीज़ पट्टी करवा लो, प्लीज़ अगर तुम्हारा मेरा पास रहना अच्छा नहीं लगता तो मैं तुमसे दूर भी हो जाऊँगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छूऊँगा, पर प्लीज़ पट्टी करवा लो। अब वैन के आंखों में हल्का सा आंसू आ जाता है। फिर वैन भी जाओ को कस के गले लगा लेता है। जाओ को तो समझ में नहीं आ रहा होता है, वैन अभी गुस्से में था और अभी कस के गले लगा लिया, पर फिर जाओ भी वैन को कस के गले लगा लेता है और
थोड़ी देर वो ऐसे ही गले लगे रहते हैं। फिर वैन जाओ से अलग हो जाता है। जाओ वैन की तरफ देखता है और कहता है चले, पर वैन कोई जवाब नहीं देता, इसलिए जाओ वैन का हाथ पकड़ के अपने कमरे में ले जाता है। फिर जाओ वैन का पट्टी करने लग जाता है और कहता है कि तुम्हें आज हो क्या गया है। वैन कुछ नहीं कह रहा होता है और जाओ की तरफ ही देख रहा होता है। फिर जाओ भी वैन से कुछ नहीं बोलता है और कहता है कि जब मन हो तब तुम मुझे बता देना कि तुम्हें हुआ क्या था। फिर वैन की पट्टी हो जाती है। फिर जाओ वैन से कहता है मैं हांग के पास जा रहा हूँ, तुम आराम करो, और ये कहते ही वहाँ से चला जाता है। फिर वैन भी वहाँ पे उदास बैठा रहता है और कहता है कि मेरी किस्मत में ही ये लिखा है, हमें अलग होना ही है, क्यों ना अभी ही हो जाए, दर्द ना हो शायद बाद में और दर्द होगा, इससे अच्छा अभी ही दूर हो जाए। और ये कहते ही बिस्तर पे लेट जाता है और वैन की आंखों से हल्का सा आंसू गिरता है जमीन पे, मतलब बिस्तर पे। अब कहानी सिर्फ अपने ये पे होती है, काफ़ी नाइट हो गया होता है और सर्द सर्द में प्रिंस ने बहुत ही ड्रिंक कर लिया होता है, इतना कर लिया होता है कि वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा होता है। फिर ये प्रिंस को अपने कार में बैठाता है और कहता है कि इसको तो मैं इसके घर पहुँचा नहीं सकता, इसके पापा पता चला तो इस पे बहुत ही गुस्सा होगा, ऐसा करता हूँ मैं आज इसको अपने ही घर पे ले जाता हूँ। प्रिंस बहुत ड्रिंक किए रहते हैं और कहते हैं ये मुझे वापस क्लब जाना है, मुझे और नाचना है और ड्रिंक करना है। ये बोलते हैं कि तुम पहले से ही इतना कर चुके हो, ढंग से खड़े तो नहीं हो पा रहे और तुम और पीने की बात कर रहे हो। प्रिंस कहते हैं मैं बिल्कुल नशे में नहीं हूँ। ये कहते हैं अच्छा, प्रिंस कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल नशे में नहीं हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। और ये कहते ही प्रिंस को उल्टी हो जाती है और प्रिंस कार के अंदर ही उल्टी कर देते हैं। ये बोलते हैं अरे रे रे, फिर ये कहते हैं कार खराब कर दिया। प्रिंस अपना चेहरा साफ करता है और कहता है ओप सॉरी, मैं नशे में नहीं हूँ। ये कहते हैं हाँ पता चल रहा है कितने नशे में हैं और कितने नहीं। फिर ये प्रिंस को अपने घर ले आते हैं। फिर ये प्रिंस को अपने गोद में उठाते हैं और घर के अंदर ले जाते हैं। नियो देखती है ये को और प्रिंस को, तो नियो पूछती है ये से कि ये कौन है। ये कहते हैं दोस्त है मेरा। तभी वहाँ पे ये बाई का डॉगी कमलेश भी आ जाता है और ये पे चढ़ने लगता है। फिर ये कमलेश से कहता है अरे यार अब भी तुम शांति रहो, ठीक है अभी मैं तुम्हारे सर पे हाथ नहीं फेर सकता क्योंकि मैं इसको पकड़ा हुआ हूँ। फिर अपना कमलेश चुपचाप वहीं पे बैठ जाता है। फिर ये भाई प्रिंस को अपने कमरे में ले जाते हैं और लेटा देते हैं और फटाफट करके अपने कमरे से फ्रेम हटाने लगते हैं जिसमें प्रिंस के फ़ोटो लगे हुए थे बचपन में, जब वो दोनों साथ में थे तब के फ़ोटो थे, इसलिए फटाफट सारे फ़ोटो को छुपा देता है ताकि प्रिंस देख ना सके और उसे पता ना चले कि वही बाई ही है। फिर ये उस एम्बलप को निकालता है जिसमें अपने वैन केजिंग का सच था। फिर ये उस एम्बलप को रख देता है और कहता है नहा के आता हूँ फिर इस एम्बलप को देखूंगा। और ये कहते हैं ये अपना नाइट ड्रेस निकालता है और नहाने चला जाता है। ये अपना नहा ही रहा होता है तभी प्रिंस की नींद खुल जाती है, मतलब वो थोड़ा होश में आ जाता है पर अभी भी वो नशे में ही रहता है। ये कहता है सॉरी, प्रिंस कहता है ये कहाँ है, और ये कहते ही प्रिंस वहीं पर घूमने लगता है। फिर प्रिंस वॉशरूम में चला जाता है जहाँ पे ये नहा रहा होता है, और ये अकेला रहता है इसलिए उसको कुंडी लगाने की आदत नहीं रहती है, तो वॉशरूम का गेट खुला रहता है और प्रिंस वॉशरूम के अंदर घुस जाता है। ये देख के घबरा जाता है कि प्रिंस अंदर आ गया। प्रिंस कहता है यहाँ पे हो तुम। ये प्रिंस को देख के शॉक हो जाता है और एक टॉवल लेता है और फटाफट पहन लेता है। ये बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। प्रिंस बोलता है तुमसे मिलने आया हूँ। ये बोलता है पर वॉशरूम में आने की क्या जरूरत थी। प्रिंस बोलता है तुम कहीं मिले नहीं, मुझे यहीं पे मिले। फिर प्रिंस ये की बॉडी को देखता है और कहता है ओह तुम्हारी बॉडी तो काफी अच्छी। प्रिंस ये की तरफ बढ़ने लगता है और उसकी बॉडी छूने लगता है और कहता है कितने घंटे जिम करते हो जो इतनी अच्छी बॉडी बनी हुई है तुम्हारी। ये प्रिंस का हाथ अपने शरीर से हटाता है और उसको ना बाहर निकालने की कोशिश करता है पर प्रिंस जा ही नहीं रहा होता है। ये बोलता है तुम बाहर जाओ मैं नहा के आता हूँ। प्रिंस कहता है मेरे सामने ही नहा लो ना। ये बोलता है पागल हो गए हो क्या तुम, बहुत ज्यादा ही नशा करके बैठे हो, निकलो। फिर ये फाइनली प्रिंस को बाहर निकाल ही देता है और प्रिंस ना ये के गेट खटखटाने लगता है कि खोलो मुझे अंदर आना है। ये कहता है सच्ची में बहुत ही नशा करके बैठा है। फिर ये कहता है उसको मेरी बॉडी अच्छी लगी, कुछ तो फायदा हुआ जिम जाने का। ये कहता है पर उसको अचानक से अंदर नहीं आना चाहिए था, उसने सब कुछ देख लिया मेरा। अपना प्रिंस थक हार के गेट खटखटाना बंद कर देता है और ये के कमरे में घूमने लगता है। ये ने सारे फ़ोटो हटा दिए थे पर अपने बेड के पास वाले साइडबोर्ड का फ़ोटो हटाना भूल गया था। प्रिंस उस फ़ोटो के करीब जाने लगता है तभी ये वॉशरूम से निकलता है और देखता है कि प्रिंस उस फ़ोटो के पास जाने वाला है, इसलिए ये फटाफट प्रिंस को पीछे से हक कर लेता है। प्रिंस वहीं पे रुक जाता है और फ़ोटो पे ध्यान नहीं देता है। फिर प्रिंस मुस्कुराता है और कहता है आहा
तुम्हें भी मैं पसंद हूँ ना, मुझे पता था। ये कहते हैं क्या मतलब? फिर प्रिंस ये की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मुझे तुम बहुत पसंद आने लग गए हो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? और अपना ये एकदम सीधा खड़ा हो जाता है। उसको तो समझ में नहीं आ रहा होता प्रिंस ने क्या बोल दिया। प्रिंस फिर ये को बेड पे लेटा देता है और उसे किस करने लगता है। पहले लिप किस करता है, फिर वो धीरे धीरे नेक के पास जाके किस करने लगता है अपने ये को। उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है, वो एकदम फ्रीज हो गया होता है। अचानक से प्रिंस ने उसको बॉयफ्रेंड बनने को कह दिया, अब प्रिंस उसे किस कर रहा है। ये प्रिंस को किस करने से रोकना चाहता था, पर अपना प्रिंस रुक ही नहीं रहा था। ये अपने हाथों से प्रिंस को हटाता है, पर प्रिंस उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और किस कर रहा होता है। ये प्रिंस को नहीं हटा पाता है, और देखा जाए तो ये प्रिंस से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो भी अपने आप को रोक नहीं पाता और उससे किस करने देता है। फिर प्रिंस नशे के कारण सो जाता है और ये को फिर सांस में सांस आती है। ये प्रिंस को ढंग से लेटा देता है और अपना चेहरा पकड़ के बैठ जाता है। फिर अपना ये उठता है, कांच के पास जाता है और अपने नेक पे देखता है तो वहाँ पे निशान पड़ गया होता है किसका। ये उस निशान पे अपने हाथ रखता है और कहता है, मेरा फर्स्ट लव बाइट पर ऐसे मिलेगा, ये सोचा नहीं था। प्रिंस तो अपने होश में भी नहीं है, वो तो सुबह होके सब कुछ भूल ही जाएगा। फिर अपना प्रिंस उस बेड साइड के फोटो को भी छुपा देता है। फिर अपने ये की नज़र उस एम्बलप पे पड़ती है जिसमें वैन के बारे में था। फिर ये उस एम्बलप को लेता है पढ़ने के लिए। ये उस एम्बलप को खोल देता है और देखता है कि वैन के बारे में लिखा था कि वैन भूत घाटी में रहा करता था और वो लीडर का खास था। और ये देख के ये भाई शौक हो जाते हैं कि वैन भूत घाटी का है। ये कहते हैं, वैन भूत घाटी का है, वो कहीं जाओ को चोट पहुंचाने तो नहीं आया है ना। आगे दिखता है कि वैन ने वो 8 साल की उम्र में ही भूत घाटी ज्वाइन किया था और 8 साल से वहीं पे काम करता है। उस एम्बलप में ये नहीं लिखा था कि वैन ने उस घाटी को छोड़ दिया है, इसलिए ये सोचता है कि वैन अभी भी उस भूत घाटी के लिए काम कर रहा है और वो जाओ को चोट पहुंचाना चाहता है। ये को बहुत गुस्सा आने लगता है, ये बोलता है, मैं उस वैन को तो छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे जान से मार दूंगा। ये टाइम पे ध्यान देता है, टाइम 12 बज गई होती है, पर ये बिना कुछ सोचे समझे वैन के पास चला जाता है। ये नीचे जाता है, तभी ये को नीचे नियो मिल जाती है। नियो बोलती है कि आप कहाँ जा रहे हैं? ये बोलते हैं कि मैं कहीं जा रहा हूँ और ऊपर जो मेरा फ्रेंड है उसको मेरे डॉगी का नाम मत बताना। नियो बोलती है, क्यों? ये बोलते हैं, बस मत बताना, और मेरा पूरा नाम भी उसे मत बताना, बस ये ही बोलना। नहीं, वो कहती है ठीक है। फिर ये अपना कार चालू करता है और वैन के पास जाने के लिए निकल जाता है। अब अपने वैन को दिखाया जाता है जो गार्डन एरिया में बैठा हुआ होता है। फिर वहाँ पे ये आता है और कहता है, ओह अच्छा है कि तुम मुझे बाहर ही मिल गए, जाओ की नींद खराब नहीं होगी अब। वैन कहता है, तुम इतने नाइट को क्या कर रहे हो? ये बोलता है कि ये दोस्त का घर है। वैन बोलता है, हाँ पर इतने नाइट को। ये बोलता है, चलो ना कहीं चलते हैं। वैन बोलता है, कहाँ इतने नाइट को, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। ये बोलता है, चुपचाप मेरे कार में बैठो। ये ने ये बात गुस्से में बोली होती है, इसलिए वैन कहता है, तुम मुझे धमकी दे रहे हो। ये कहता है, जो समझना है समझ लो, चुपचाप मेरे कार में बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वैन कहता है, यहीं पे कर लो। ये बोलता है, नहीं वो कुछ ज़्यादा ही पर्सनल है, यहाँ पे नहीं कर सकता। वैन भी फिर कहता है, ठीक है तब चलो। वैन जाके ये के कार में बैठ जाता है। फिर ये भी अपना कार चालू कर देता है। ये वैन को एक पार्क में लाया होता है। फिर वैन कहता है, पार्क में? ये कहता है, हाँ चलो ना। फिर वैन और ये उस पार्क के अंदर जाते हैं। ये कहता है, ये पार्क बहुत खास है मेरे लिए। वैन कहता है, ओह। ये कहता है, हाँ इस पार्क में मुझे मेरा जाओ मिला था, मेरा बेस्ट फ्रेंड। वैन कहता है, अच्छा। ये कहता है, हाँ वैसे वैन तुम्हें पता है ना कि अगर कोई जाओ को चोट पहुंचाएगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। वैन कहता है, हाँ पता है। फिर ये अचानक से वैन का गला पकड़ लेता है और कहता है, तो तुमने मेरे दोस्त से झूठ बोलने की हिम्मत भी कैसे की? वैन की सांस अटक रही होती है। वैन कहता है कि मेरा गला छोड़ो, पर ये छोड़ नहीं रहा था और कहता है, हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को धोखा देने की? वैन बोलता है कि मैंने कोई धोखा नहीं दिया है। ये बोलते हैं, अच्छा तो तुमने बताया है कि तुम बहुत घाटी में काम करते हो। और ये सुन के वैन एकदम शांत हो जाता है कि ये को ये बात कैसे पता चले। वैन कहता है, ये मेरा गला छोड़ो, पर ये छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था, इसलिए वैन कैसे तैसे करके अपने पाँव से ये को लात मारता है और ये को अपने आप से दूर करता है। वैन को बहुत खांसी आ रही होती है। कहते हैं, तुमने बताया है मेरे दोस्त को? वैन कहता है, नहीं। फिर ये वैन के पास
जाता है और एक बहुत तेज पंच मारता है। वैन नीचे गिर जाता है। फिर ये भी नीचे बैठ जाता है और वैन से कहता है, किस मकसद से आए हो? वैन कोई जवाब नहीं दे रहा होता है। फिर ये वैन को उठाते हैं और एक बहुत तेज पंच मारते हैं और कहते हैं, किस मकसद से आए हो? वैन अभी भी कोई जवाब नहीं दे रहा होता है। ये फिर से वैन को मारते हैं और कहते हैं, भूत घाटी के सारे लोग मर जाने चाहिए। फिर वैन कहते हैं कि मैं भूत घाटी कब का छोड़ चुका हूँ। ये कहते हैं, अच्छा? वैन कहते हैं, हाँ। ये कहते हैं कि झूठी सफाई देना बंद करो और वैन को फिर से मारते हैं। वैन कुछ भी नहीं कर रहा होता है। वैन ये को मारना नहीं चाहता था क्योंकि वो जाऊ का दोस्त था और दूसरा रीज़न ये था कि उसके हाथ में चोट लगी हुई थी। ये बहुत बुरी तरीके से वैन को मार रहे होते हैं और कहते हैं, किस मकसद से आए हो मेरे दोस्त के पास? पर वैन कोई जवाब नहीं देते। ये बहुत पूछते हैं पर वैन कोई जवाब नहीं देते, इसलिए ये को गुस्सा आ जाता है और वहाँ पर एक लोहे की रट पड़ी हुई थी, वो रट लेके आते हैं और वैन को मारने ही वाले रहते हैं। तभी वो रट कोई पकड़ लेता है, वो लड़का जाऊ रहता है। जाऊ को देख के ये और वैन दोनों शॉक हो जाते हैं। जाऊ कहते हैं, ये से मार डालोगी कैसे? देखो कितना खून निकल रहा है, छोड़ो इस रट को। पर ये रट को छोड़ते नहीं और कहते हैं कि इसने तुम्हें धोखा दिया है। जाऊ फिर उस रट को खींच लेते हैं और फेंक देते हैं और कहते हैं, इसने मुझे धोखा नहीं दिया है। ये कहते हैं, तुम्हें पता है ये कौन है? जाऊ कहते हैं, हाँ मुझे पता है कि ये भूत घाटी में काम करता था। पर ये काम करता था पर ये 3 साल पहले काम छोड़ चुका है। और ये सुन के वैन शॉक हो जाता है और जाऊ की तरफ ही देख रहा होता है कि जाऊ को सब कुछ पता था और उसने वैन से कभी कोई सवाल नहीं पूछा। ये बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। फिर ये जाऊ को पकड़ते हैं और कहते हैं, तुम्हें झूठ बोलने वालों से नफरत है ना? जाऊ एकदम शांत रहते हैं और कहते हैं, हाँ बहुत ज्यादा नफरत है, इतनी नफरत है कि मैं उन्हें जान से मार दूं। ये बोलते हैं, हाँ जाओ तो इसने भी तो झूठ बोला है। जाओ कहते हैं, पर इसके झूठ से मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, इसने मुझे कभी हर्ट नहीं किया है। मुझे झूठ से इसलिए नफरत है कि झूठ हर्ट करता है, पर इसका झूठ मुझे बिल्कुल हर्ट नहीं किया। ये भूत घाटी के लिए काम करता था, इसमें क्या बड़ी बात है? भाई जाऊ से बोलते हैं कि वहाँ के लोग जल्लाद होते हैं, जाऊ किसे भी मार देते हैं। जाऊ हंसने लगता है और कहता है, किसी को भी मार देते हैं, वैसे तो मैं भी जल्लाद हूँ, मैंने भी तो लोगों को मारा है। और ये बात सुन के ये एकदम शांत हो जाते हैं और अपना वैन जाऊ की तरफ ही देखा जा रहा होता है। फिर जाऊ वैन की तरफ देखता है और कहता है, 8 साल का था ये जब वो भूत घाटी में चला गया था, इसकी क्या गलती थी? फिर जाऊ ये की तरफ वापस देखते हैं और कहते हैं, जीने के लिए जल्लाद बनना पड़ता है। ये फिर बोलते हैं कि तुम पागल बन रहे हो, ये भूत घाटी में काम करता है। जाऊ बोलते हैं, करता था ये भूत घाटी में काम करता था, पर ये 3 साल पहले छोड़ चुका है। पता नहीं किस इंसान से तुमने ये सब पता लगाया है जिसने ये इम्पोर्टेंट बात नहीं बताई कि वैन काम छोड़ चुका है। ये फिर चिल्ला के बोलते हैं, तो ये तुम्हारे पास क्यों आया है? जाओ बोलते हैं, काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। वैन की एक छोटी बहन है और एक आंटी है जिनकी खुशी के लिए, जिनकी जरूरतों के लिए वैन को कमाना पड़ता है। ये अपने सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, तुम इसके प्यार में पागल हो गई हो, तुम सच नहीं जान पा रहे। और ये कहते ही वैन के सर पे हाथ रखता है और कहता है कि ये इंसान जैसा दिखता है वैसा है नहीं। ये ने वैन के शोल्डर पे हाथ रखा था और बहुत टाइट पकड़ रखा था जिससे वैन को बहुत दर्द हो रहा होता है। जाओ फिर ये का हाथ हटाते हैं और कहता है, ये जैसा दिखता है वैसा ही है। ये फिर गुस्से में कहते हैं, तुम हर बुरे इंसान के लिए मेरे से लड़ते हो, वो राजकुमार जिन तुम मेरे से लड़ते हो, वो बुरा है ये जानता हूँ मैं, तुम्हें कहता हूँ पर तुम मानते नहीं हो, मेरे से लड़ते रहते हो, ये वैन भी वैसा ही है। जाओ कहते हैं, ना राजकुमार ऐसे हैं ना ही वैन ऐसा है, तुम्हारी सोच ही ऐसी होगी है कि तुम सबको शक की नज़रों में देखते हो। ये कुछ नहीं कहते और कहते हैं, तुम वैन कहता है, क्या ये डुवान ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है, क्यों तुम उसे विलन मानते हो? वांग ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है, क्यों तुम उसे शक की नज़रों से देखते रहते हो? मैं तुमसे नहीं लड़ रहा ये, मैं तुम्हारे सोच से लड़ रहा हूँ जो सबको शक की नजरों से देखते हैं। जाओ कहता है, वैन कह रहा है वो किसी रीजन से मेरे पास नहीं आया है, तो तुम अभी भी उस पर शक क्यों कर रहे हो? माना वैन ने मुझे अपना सच नहीं बताया, पर मैंने उससे कभी पूछा भी तो नहीं कि वो क्या करता था। अगर मैं ये पूछता और फिर वैन नहीं बताता तब ये झूठ कहलाता, वैन ने मेरे से झूठ नहीं बोला है क्योंकि मैंने पूछा ही नहीं कभी वैन से, इसलिए ये मैं वैन को गलत नहीं मानता हूँ और तुम इससे अब और चोट नहीं पहुँचा सकते। अगर तुम्हें इससे मारना है तो मुझे भी मारना पड़ेगा क्योंकि ये जैसा है वैसा मैं भी हूँ, इसने अपनी मजबूरी के लिए लोगों को मारा और मैंने अपने शौक के लिए। ये जाओ की तरफ देखते और कहते हैं, शौक
वो ये राजकुमार तुमसे करवाता था। जाओ बोलते हैं तो इससे भी इसके लीडर काम करवाते थे, जानबूझ के नहीं करता था, ये पैसे के लिए किया है सब कुछ। और तुम जानते हो ये कि पैसा दुनिया में आजकल कितना इम्पोर्टेंट है। ये बोलते हैं हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये पैसे के चक्कर में तुम्हें भी मार देगा। जाओ बोलता है मुझे नहीं लगता कि वैन कभी मुझे हर्ट करेगा, अगर वैन को मुझे मारना ही होता तो ये मुझे बचाता नहीं दो दो बार, मुझे मरने देता। ये कहते हैं तुम पागल हो रहे हो। जाओ कहते हैं हाँ मैं पागल हो रहा हूँ ठीक है, पर तुम वैन को कुछ नहीं कर सकते। ये स्माइल करते हैं और कहते हैं वो तुम्हें धोखा दे रहा है, तुम बहुत पछताओगे। जाओ कहते हैं अगर वैन ने मुझे धोखा दिया तो मैं अपने हाथों से ही उसे जान से मार दूंगा, इसकी बहन को भी मार दूंगा और उसकी आंटी को भी मार दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और ये सुन के जाओ वैन को बहुत सीरियस देखने लगता है। फिर जाओ वैन की तरफ देखता है और कहते हैं पर अभी इसने मुझे कोई धोखा नहीं दिया है तो मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। ये कुछ नहीं कह रहे होते और पागलों की तरह हंस रहे होते और कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो। जाओ कहते हैं कितनी बार को, हाँ मैं हो गया हूँ ठीक है। ये जाओ फिर वैन का हाथ पकड़ते हैं और उसे उठाते हैं, और फिर जाओ ये से कहते हैं कि मैं तुमसे दुश्मनी नहीं कर रहा ये, और आज के लिए माफ़ करना। और ये कहते ही वैन को लेके चले जाते हैं वहाँ से। ये को बहुत ही गुस्सा आता है और वो ज़मीन पे ही पंच मारने लगता है। ये बहुत ही चिल्लाते हैं और ज़मीन पे ही लेट जाते हैं और कहते हैं कि तुम पागल हो रहे हो, जाओ सो तुम्हें बहुत बड़ा धोखा मिलेगा मेरे हिसाब से। फिर ये चिल्लाते हुए कहते हैं वैन अगर तुमने मेरे दोस्त को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें जान से मारूंगा अपने ही हाथों से। और ये कहते ही हंसने लगते हैं, और ये बात वैन और जाओ ने दोनों ने सुनी होती है। फिर जाओ वैन को अपने कार में बैठा देते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। जाओ वैन को फाइनली घर ला देते हैं, अपने कमरे में बैठाते हैं और उसके होंठ का लगा हुआ खून साफ करने लगते हैं। वैन सडनली बोलता है कब से पता था आपको। जाओ बोलते हैं जब तुमने वो न्यूज़ देख के स्माइल की थी, शक हुआ था उस समय क्योंकि तुम दुखी हो गए थे पर खुश भी। वैन बोलते हैं तो आपने मेरे से कभी पूछा क्यों नहीं। जाओ बोलते हैं क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि इंसान ने अपने अतीत में क्या किया, मुझे ये फ़र्क पड़ता है कि वो अब क्या कर रहा है। और तुमने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया तो मैं तुम पे क्यों ही शक करता और मैं तुम्हें क्यों ही बुरा मानता। वैन कुछ नहीं बोल रहा होता है। जाओ फिर वैन का खून साफ कर देता है और कहता है कि मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ लवैन। वैन बोलता है हाँ। जाओ बोलता है भूत घाटी क्यों ज्वाइन किया था तुमने। वैन कोई जवाब नहीं देता है। जाओ बोलता है अगर कोई पर्सनल है तो मत बताओ, कोई ज़्यादा जिद नहीं है। फिर जाओ बेड पे सो जाता है। वैन अचानक से बोलता है हम लोग बहुत खुश रहते थे, हमारी चार की फैमिली एक हैप्पी फैमिली थी, पापा मम्मी डॉक्टर थे, गुजियांग भी काफ़ी छोटी थी, 4 साल की थी उस समय और मैं 8 साल का। हमारी फैमिली एकदम परफेक्ट थी, हमारी बहुत इज्जत थी, मम्मी पापा यहाँ के सबसे बड़े हॉस्पिटल में काम करते थे, दोनों सर्जन थे, पर मम्मी काफ़ी अच्छी थी पापा से, पापा को कभी कभी इस बात से जलन भी होता था। और ये कहते ही वैन हंसने लगता है पर वैन की आंखों में आंसू रहता है। हमेशा संडे को हम पूरी फैमिली घूमने जाते थे, हम बहुत खुश थे पर हमारी खुशियों को पता नहीं किसकी नज़र लग गई। आधी नाइट को मम्मी के पास कॉल आता है, उस पेशेंट की बहुत सीरियस कंडीशन थी, जल्दी से ऑपरेशन करना था। मम्मी फटाफट ऑपरेशन के लिए जाती है, पापा मम्मी को बाय कहते हैं। नाइट को मम्मी यहाँ भी जाती है और कहती है ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, मैंने उस औरत की जान बचा ली। पापा मम्मी को गोद में उठाते हैं और गोल गोल घुमाते हैं और हेड पे किस करते हैं और कहते हैं कि मेरी वाइफ सबसे बेस्ट है। हम सब खुशी खुशी सो जाते हैं। अगले दिन मैं स्कूल से आता हूँ, मम्मी पापा को बात करते सुनता हूँ। मम्मी बोल रही थी कि मैंने उसकी जान बचाई थी और वो एकदम सही थी, उसकी मरने की कोई चांस ही नहीं थी तो वो मर कैसे गई। पापा कहते हैं छोड़ो उस सब बातों को। वैन की माँ कहती है ऐसे कैसे इन सब बातों को छोड़ू हनी, तुम जानते हो ये गलत है, उन लोगों ने जान ली है उस औरत की, जिसकी मैंने जान बचाई उसकी जान ले ली, मैं ये सब नहीं सह सकती। वैन के पापा कहते हैं कि अब कुछ मतलब भी नहीं है, हम उनके खिलाफ नहीं लड़ सकते। वैन की माँ कहती है लड़ सकते हैं, मैं लड़ूंगी, मैं ये नाइंसाफी नहीं देख सकती, पैसों के लिए किसी की भी जान ले लेंगे क्या ये, हम डॉक्टर है, हमारा हसूल है कि मरते दम तक सबकी जान बचानी है और वो जान ले रहे हैं पैसों के लिए, सबने ईमान बेच रखा है अपना। और वैन जाओ से कहता है मेरी माँ काफ़ी अच्छी थी, कभी गलत नहीं देख सकती थी, मेरी माँ इंसाफ की देवी थी, एक तरीके से मेरी माँ सबसे लड़ना जानती थी, मेरी माँ के सामने कुछ गलत होता हो मेरी माँ ये सहन नहीं कर सकती थी और मेरी माँ ने बगावत कर दी। वैन बोलता है पर अगले दिन, अब वैन का बचपन बताया जाता है जहाँ पे वैन की माँ गुजियान को खाना खिला रही होती है और उसके पापा बैठ के न्यूज़ पे पढ़ते हैं
और वैन बैठ के खेल रहा होता है। अब अचानक से वैन के घर पे कोई पत्थर फेंकता है और वो पत्थर की स्पीड बढ़ जाती है। बहुत से लोग वैन के घर पे पत्थर फेंक रहे होते हैं, उनकी फैमिली को कुछ समझ में नहीं आता है, वो एक जगह ना छुप जाते हैं। गुजन बहुत ही छोटी थी, वो तो बोल भी नहीं सकती थी। वैन बोलता है, ये क्या हो रहा है मम्मा, ये कौन है? वैन की माँ कहती है, कुछ नहीं बेटा, तुम कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूँ ना। वैन की माँ और बाप एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। फिर थोड़ी देर बाद पत्थरबाजी बंद हो जाती है और एक कॉल आता है वैन की माँ के पास, जो कहता है कि ये बगावत करने का जो तुमने सोचा है ना, अब तुम पे ही भारी पड़ेगा। कहा था पैसा लेके मुंह बंद कर लो, पर तुम्हें ही ना देवी बनना था, अब बनो देवी। खुद तो फंसी ही फंसी पर अपनी पूरी फैमिली को भी ले डूबी। बहुत अच्छी माँ हो तुम। और एक आदमी फोन काट देता है, वैन की माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो फोन पटक देती है। वैन बहुत घबराया हुआ था। वैन की माँ वैन को गले लगाती है, हेड पे किस करती है और कहती है, कुछ नहीं होगा बेटा। अब नाइट का समय होता है, वैन की माँ वैन को सुला देती है पर वैन को नींद नहीं आता है। वैन माँ के पास जाता है तो देखता है कि मम्मी और पापा उसके बात कर रहे थे। वैन के पापा कहते हैं, मैंने कहा था ना, अब वो हमें जान से मार डालेंगे। वैन की माँ बैठी हुई थी, वैन की माँ को बहुत रोना आ रहा होता है पर वो रो नहीं रही होती है। वैन की माँ उठती है और अपने पति से कहती है, तो क्या उनके सामने झुक जाऊँ, उनकी तलवे चाटूँ? बिल्कुल नहीं, मैं वैसी नहीं हूँ हनी, मैं अपने लिए लड़ सकती हूँ। वैन के पापा कहते हैं, तुम भूल रही हो कि तुम डॉक्टर से पहले एक माँ हो, मेरे बारे में तुमने नहीं सोचा। कोई बात नहीं, मेरे साथ कुछ भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर अपने बच्चों का क्या, गुजियान का क्या, वैन का क्या, उनके साथ क्या होगा तुम जानती भी हो। वैन की माँ बोलती है, कुछ नहीं होगा, तुम और बच्चे चले जाओ, तुम गांव चले जाओ, मैं यहाँ पे रुकूंगी। वैन के पापा कहते हैं, अच्छा मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूँ? वैन की माँ कहती है, हाँ प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, क्योंकि मैंने ये सब किया है, मैं तुम पे खतरा नहीं देना चाहती। वैन के पापा वैन की माँ को बहुत टाइट हग करते हैं और हेड पे किस करते हैं और कहते हैं, बेबी हम सब एक, जहाँ तुम वहाँ मैं, हम बच्चों को भेज देंगे पर हम दोनों साथ में ही रहेंगे, मेरी माँ वैन और बच्चों का अच्छे से ख्याल रख लेगी। वैन की माँ अपना आंसू रोक नहीं पाती और रोने लगती है और टाइट अपने पति को टाइट हग कर लेती है। वैन भी फिर कमरे के अंदर नहीं जाता और अपने कमरे में चला जाता है और गुजियान को हेड पे किस करता है और कहता है कि मैं तुम्हारा हमेशा रक्षा करूँगा बहना, और ये कहते ही उसके पास सो जाता है। अब नेक्स्ट डे हो जाता है, वैन की माँ वैन और गुजन का सामान पैक कर देती है ताकि वो अपनी दादी के पास जा सके। कि माँ वैन से कहती है, ठीक है अब चलने का टाइम हो गया बेटा। वैन कहता है, मैं नहीं जाऊँगा, मैं अपनी माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। वैन की माँ वैन के गाल पे हाथ रखती है और कहती है, पागल मत बनो बेटा, जाना है ना, दादी इंतजार कर रही है। वैन कहता है, दादी इंतजार कर रही है या फिर आप हमें बुरे लोगों से बचाना चाहते हैं? वैन की माँ एकदम शांत हो जाती है। वैन के माँ कहती है, बुरे लोग? वैन कहता है, हाँ जिनने हमारे घर पे पत्थर फेंका था, आप उन बुरे लोगों के डर से हमें दूर भेज रहे हो ना, पर मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं आपके साथ ही रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। वैन की माँ वैन को काफी जिद करती है, पापा भी जिद करते हैं कि वो दादी के पास चले जाए, जबरदस्ती भी करते हैं, पर वैन एक चीज पकड़ लेता है और जाने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर वैन के माँ बाप थक हार के उन दोनों को छोड़ देते हैं। वैन के माँ बाप एक कमरे में जाते हैं, तभी पापा कहते हैं कि हमारा बेटा कितना समझदार है ना, कितना छोटा है पर बहादुर कितना है, अपनी माँ को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। वैन की माँ कहती है, पर ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वैन के पापा कहते हैं, अब जो होगा वो देखा जाएगा, पर अब हम फैमिली एक साथ है। और तुमने तो वो सुना ही होगा ना कि जब लकड़ी एक साथ में हो तो उसे तोड़ा नहीं जा सकता, वैसे ही अब हमें कोई ही तोड़ सकता। और ये कहते ही वैन के पापा वैन की माँ को गले लगाते हैं। अब काफी दिन हो जाता है, वैन की माँ बिल्कुल नहीं झुकती। वैन की माँ ने पुलिस में रिपोर्ट भी करवाया था। अब पूरी फैमिली एक जगह बैठी हुई थी, वैन के पापा न्यूज चालू करके बैठते हैं, तभी वहाँ पे न्यूज में खबर आती है कि एक डॉक्टर ने एक पेशेंट की किडनी निकाल और उसे ब्लैक मार्केट में बेच दिया, और ये खबर उस वैन की माँ का था। वैन की माँ जब ये सुनती है, वैन की माँ खड़ी थी पर ये खबर सुनते ही वैन की माँ नीचे गिर जाती है। वैन फटाफट अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, क्या हुआ माँ? वैन की माँ कुछ नहीं कह पाती और फटाफट भाग के कमरे में जाती है। वैन की माँ कमरे में एक साइड में बैठ के रोने लगती है, तभी वहाँ पे उसका पति आता है और कहता है, क्या हुआ? वैन की माँ रोते हुए कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने किसी की किडनी नहीं निकाली है। वैन के पापा कहते हैं, मुझे पता है, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुमने हार नहीं मानी इसलिए उन लोगों ने तुम्हारे प्रोफेशनल पे दाग लगा दिया। वैन की माँ तभी वहाँ से उठ जाती है, अपने आंसू पोंछती है और कहती है कि मैं उस औरत के पति के पास जाऊँगी और कहूँगी कि वो भी रिपोर्ट करे, और ये कहते ही अपना सामान लेके वहाँ पे चली जाती है। काफ़ी नाइट हो जाती है, वैन अपनी माँ का
इंतज़ार कर रहा होता है। और फिर उसकी माँ आती है, उसकी माँ पूरी टूटी हुई रहती है, उसके बाल पूरे खुले हुए रहते हैं, वो एकदम जिंदा लाश की तरह चल रही होती है। और वो कमरे में चली जाती है सीधा, ना वैन से मिलती है ना ही पति से। वैन अपने पापा से पूछता है कि माँ को क्या हुआ, उसके पापा कहते हैं कुछ नहीं मैं अभी आता हूँ, और ये कहते ही अपने माँ के पीछे मतलब अपनी पत्नी के पीछे चले। वैन भी उनका पीछा करता है और कमरे के बाहर खड़ा हो जाता है। वैन की माँ बहुत गुस्से में थी, वैन की माँ कहती है सारे लोग बिके हुए हैं, उन डॉक्टर ने उसके पति को भी पैसा दे दिया होगा तभी उन लोगों ने रिपोर्ट करवाने से मना कर दिया। वैन के पापा कहते हैं क्या कहना चाहती हो तुम, वैन की माँ कहती है जिसका डेथ हुआ था उसके पति से मैंने बात की तो उसने कहा कि मुझे रिपोर्ट नहीं करना है। वैन की माँ गुस्से में बैठ जाती है और कहती है पक्का उसने ही अपनी पत्नी को मरवाया होगा। वैन के पापा कहते हैं ये क्या बातें कर रही हो, वैन की माँ कहती है कि सही कह रही हूँ मैं जो कह रही हूँ। वैन के पापा कहते हैं कुछ नहीं अब उनने रिपोर्ट करने से मना कर दिया है, तुम भी अब सॉरी बोलो और ये सब झमेला ख़त्म करो। वैन की माँ कहती है सॉरी किस बात की सॉरी, उनने मेरी इमेज तो ख़राब कर ही दी है अब सा हो पाएगी। वैन की माँ बहुत ही रो रही होती है और वो बहुत गुस्से में भी होती है। वैन के पापा अपनी पत्नी पे हाथ रखते हैं पर वो हाथ हटा देती है और कहती है मुझे छुओ मत दूर हो जाओ सब। वैन के पापा अपनी वाइफ से कहते हैं हनी, पर वो बोलती है कि जाओ प्लीज़ यहाँ से चले जाओ मुझे थोड़े देर का समय दो। वो भी कुछ नहीं कहता और कमरे से चले जाते हैं। वैन की माँ कमरा बंद कर लेती है और बहुत रोने लगती है और अपने पापा के फ़ोटो के पास जा कर कहती है सॉरी पापा मैं जीत नहीं पाई, आपने कहा था हमेशा सच्चाई का साथ देना पर मैं हार गई आज, उन लोगों ने मुझे बहुत बुरी तरीके से हरा दिया, आपकी सालों की बनाई हुई इज्जत एक मिनट में मैंने मिट्टी में मिला दी। वैन की माँ रोते रोते ज़मीन पर लेट जाती है और अभी के लिए इतना ही। वैन के पापा को दिखाया जाता है जो खाना बना रहे होते हैं अपने वाइफ के लिए और वैन भी उनका मदद कर रहा होता है। वैन कहता है मम्मी को क्या हुआ, पापा कहते हैं कुछ नहीं बस थोड़ी सी अपसेट है और थोड़ा सा तबीयत खराब है, देखना जल्दी सही हो जाएंगी वो। वैन कहते हैं ठीक है। और वैन के पापा अपनी वाइफ के पास जाते हैं और गेट खटखटाते हैं कि बाहर निकलो मैंने खाना बनाया है। वैन भी वहीं पे रहता है और बोलता है मम्मी बाहर निकलो मैंने खाना बनाया है, पर वो बाहर आ ही नहीं रही थी। फिर वैन कहता है प्लीज़ मम्मी बाहर आ जाओ ना, वो काफ़ी देर तक वहाँ पे खड़े रहते हैं पर वैन की माँ बाहर नहीं आती। फिर वैन की माँ कमरे का गेट खोलती है और उसके चेहरे पे एक बहुत अच्छी सी स्माइल रहती है और वो बाहर आती है और कहती है कि हाँ मैं आ गई सॉरी मैं लेट हो गई मेरे वजह से तुम्हें खाना बनाना पड़ा ना। वैन की माँ कहती है कोई बात नहीं एक दिन तुम लोग खाना ही बना दोगे तो कुछ नहीं चाहेगा, वैसे भी तुम्हें खाना बनाना सीख लेना चाहिए। वैन के पापा तो अपनी वाइफ को देख ही रहे होते हैं कि वो इतनी खुश क्यों है। अब पूरी फैमिली खाना खा लेती है, फिर हस्बैंड वाइफ कमरे में जाते हैं तभी वैन की माँ अपने पति से कहती है कि वैन का हमेशा ख्याल रखना। वैन के पापा कहते हैं हाँ हम दोनों हमेशा अपने बच्चे का ख्याल रखेंगे। वैन की माँ एक अजीब सा स्माइल करती है और कमरे से जाने लगती है। वैन के पापा तभी पीछे से कहते हैं तुम्हें पता है जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तब तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए, तुम हमेशा लड़ती रहती थी इसलिए, पर धीरे धीरे पता चला कि तुम जो लड़ती हो अच्छे के लिए लड़ती हो। वैन की माँ मुस्कुराती है और कहती है हाँ और तुम भी मुझे पसंद नहीं आते क्योंकि तुम बहुत फट्टू थे हमेशा डरते रहते थे। वैन के पापा कहते हैं कि पर कितना अजीब हुआ ना नियति ने हम दोनों को मिला दिया, हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और हम दोनों ने साथ में ही एक दूसरे को प्रपोज किया। वैन की माँ मुस्कुराती है और कहती है वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ, तुम कितने नर्वस थे जब मैंने तुम्हें प्रपोज कर दिया था पहले। वैन के पापा शांत रहते हैं और कहते हैं अपनी वाइफ से कुछ गलत करने का मत सोचना तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। वैन की माँ अपने हस्बैंड को देखती है और वहाँ से चली जाती है। वैन की माँ के आंखों में आंसू रहता है। फिर वैन की माँ वैन के पास आती है और कहती है कि कैसे हो तुम। वैन कहता है मैं ठीक हूँ मम्मा, वैसे मम्मा वो बुरे लोग हार गए क्या। वैन की माँ के चेहरे पे अभी भी स्माइल रहता है और कहती है नहीं इस बार मैं हार गई, पर ये तो किस्मत है ना बच्चा किसी ना किसी को तो हारना ही था मैं ही हार गई। वैन कहता है नहीं माँ आप जीते हो आप मेरी नज़र में जीते हो। वैन की माँ मुस्कुराती है पर वैन की माँ के आंखों में आंसू है। वैन की माँ फिर वैन से कहती है वादा करो अपनी बहन का साथ कभी नहीं छोड़ोगे और अपने पापा का भी ख्याल रखोगे। वैन की माँ वैन के सामने अपना हाथ देती है और कहती है वादा करो। वैन अपना हाथ रखता है और कहता है वादा मम्मा मैं अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। फिर वैन की माँ वैन के सर पे किस करती है और उसे हग करती है और कहती है कभी बुरा काम मत करना किसी की जान मत लेना सबकी जान बचाना। वैन हाँ कहता है। फिर वैन की माँ कहती है और अगर गुजियान को अच्छा लगे तो उसे डॉक्टर बनाना एक बहुत अच्छा डॉक्टर। वैन कहता है आपकी तरह मम्मा। वैन की माँ कहती है नहीं मेरे से भी अच्छा। वैन कहता है मेरी नज़र में तो आप ही सबसे अच्छे डॉक्टर हो
एकदम बेस्ट डॉक्टर है। वैन की माँ कहती है नहीं हूँ और उसके सर पे किस करती है और वहाँ से चली जाती है। किचन में जाती है और बहुत रो रही होती है। वैन की माँ अपने सीने पे हाथ रखती है और कहती है तुम सब मुझे बहुत प्यार है, तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी एकदम बेस्ट थी। और ये कह के उसकी आंखों में पूरा आंसू भर जाता है। अब अपने बड़े वैन को दिखाया जाता है जो जाओ से कहता है कि मैं समझ ही नहीं पाया कि माँ ने उस समय ऐसा क्यों कहा था। मैं अपनी माँ के हंसी वाले चेहरे के पीछे उनका दुख देख ही नहीं पाया। और ये कहते समय वैन की आँख पूरी भर गई होती है और वो रो रहा होता है। जाओ वैन को बहुत प्यार से देख रहा होता है। वैन कहता है कि मैं स्कूल से घर आया था, पापा भी काम पे थे, मैंने देखा कि पंखे पे मेरी माँ लटकी हुई है। वैन का बचपन दिखाया जाता है। वैन स्कूल से आया था, गुजियान अपने पापा के साथ कहीं गई हुई थी हॉस्पिटल चेकअप के लिए। वैन अपने माँ को हर जगह ढूंढता है। फिर वैन अपनी माँ का कमरा खोलता है तो देखता है उसकी माँ अपने कमरे के पंखे पर लटकी हुई थी। वैन तो छोटा ही था, वैन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वैन रोते रोते अपने माँ के पास जाता है, उनका पाँव पकड़ लेता है और कहता है मम्मा उठो। पर वैन की माँ मर चुकी थी उस समय। अब वहाँ पे वैन के पापा भी आ जाते हैं। वैन के पापा जैसे ही अपनी वाइफ को मरा हुआ देखते हैं वैसे ही वो अपने आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उनको हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी भी वहीं पे डेथ हो जाती है। वैन जाओ से कह रहा होता है मैंने एक पल में अपना सब कुछ खो दिया, मेरे हाथ में तो सिर्फ छोटी सी गुजियान थी जिसे कुछ नहीं पता था। वो तो अपनी माँ के लिए रो रही थी और अपने पापा के लिए कि कब वो आएंगे और उसे गले लगाएंगे, पर मेरी बहन को क्या पता था कि अब वो नहीं आने वाले। वैन और वैन की बहन अपने मम्मी पापा के फ्यूनरल में रहते हैं। वैन के हाथ में गुजियान रहती है और वैन कहता है कि मम्मी मैंने आपसे वादा किया था ना मैं अपनी फैमिली का ख्याल रखूँगा, मैं वो वादा निभाता हूँ, मैं अपनी गुजियान का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा और उससे एक अच्छा डॉक्टर बनाऊँगा। अब वैन और गुजियान अपनी दादी के पास जाते हैं। वैन की माँ की कोई फैमिली नहीं थी, वो बचपन में ही मर चुके थे उनकी फैमिली। वैन के पापा की फैमिली के नाम पर सिर्फ दादी ही थी और दादी भी उन मतलब अपने बेटे के पत्नी को नहीं करती थी क्योंकि वो बहुत लड़ाई करती थी और वो हमेशा साथ सच का साथ देती थी जिस वजह से वो हमेशा पंगा कर लेती। इसलिए जैसे ही वैन दादी के घर में जाता है वैसे ही उसकी दादी कहती है तेरी माँ ने ना मेरे बेटे को खा लिया और बहुत कुछ कहने लगती है दादी वैन की माँ को लेके। और वैन ये सह नहीं पाता और कहता है दादी माँ मेरी माँ बहुत अच्छी थी, वो इन सारे लोगों से अच्छी थी, वो सच का साथ देती थी। दादी बहुत गुस्सा आ जाती है और कहती है सच का साथ देती थी क्या हुआ अपने पति को लेके मर गई खा गई मेरे बेटे को। वैन की दादी ये नहीं सोच रही कि वैन अभी काफी छोटा है और गुजियान भी छोटी है, बस सुनाई जा रही थी। वैन को भी गुस्सा आता है और वो गुजियान को लेके वहां से चला जाता है। और वैन जाओ से कहता है कि काश मैं अपनी दादी की बात सुन लेता, काश मैं वहां से बाहर नहीं जाता। और ये कह के फूट फूट के रोने लगता है। तभी जाओ बेड से उठता है और उसे कस के गले लगा लेता है और कहता है अब आगे बताने की कोई जरूरत नहीं है तुम सो जाओ। वैन भी जाओ को टाइट हग कर लेता है और जाओ भी हग किया हुआ ही रहता है। स्टार्ट होती है अपने छोटे वाले वैन से जो एक बस स्टॉप पे खड़ा था। तभी वहाँ पे एक बड़ा आदमी आता है और कहता है क्या हुआ बच्चा तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो, तुम्हें कहीं जाना है। वो आदमी भूत घाटी का तीसरा लीडर था। वैन कहता है हाँ। वो आदमी कहता है कहाँ जाना है। वैन कहता है पता नहीं। वो आदमी कहता है घर से भाग के आए हो क्या। कहता है नहीं तो। भूत घाटी का तीसरा लीडर देखने लगता है तो वैन कहता है हाँ। वो आदमी कहता है तब कि चलो मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाता हूँ जहाँ पे बहुत मज़ा आता है। वैन उतना बेवकूफ़ नहीं रहता, वैन मना करता है कि मुझे नहीं जाना, पर वो आदमी जिद करने लगता है। वैन उससे बच के भागने लगता है पर वो आदमी उसका पीछा करता है और अपना वैन छोटा ही तो था क्या कर पाता उतना। और वो आदमी ज़बरदस्ती वैन को भूत घाटी ले जाता है। वो आदमी ने एक हाथ से वैन को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से गुजियान को। भूत घाटी लाते ही वो आदमी वैन को तेजी से जमीन पे पटक देता है। वहाँ पे भूत घाटी के सारे लीडर थे। भूत घाटी की लेडी लीडर कहती है अरे ऐसे कौन करता है, इतने छोटे बच्चे को ऐसे कौन पटकता है। फिर वो लेडी वैन के पास जाती है और उसके गाल पे हाथ फेरती है और कहती है तुम छोटे हो पर काफी खूबसूरत हो, बड़े होगे तो यहाँ के चांद बनोगे। फिर वो लड़की गुजियान के पास जाती है और कहती है और ये लड़की तो यहाँ की रौनक बनेगी। वैन उठता है और फटाफट गुजियान को अपने पास ऐसे ना पकड़ लेता है, अपने आप से ही ढक लेता है और कहता है मेरी बहन को कोई हाथ नहीं लगाएगा। तीसरा लीडर कहता है अच्छा और तू रोकेगा कैसे, और ये कहते ही वैन पे पांव रख देता है। तभी वहाँ का दूसरा लीडर जिसकी मौत हो चुकी है वो कहता है कि बच्चे के साथ ऐसे कौन करता है, पांव हटाओ अपना। उस दूसरे लीडर से कोई बहस नहीं करता क्योंकि वो सीनियर है, इसलिए वो तीसरा लीडर अपना पांव हटा लेता है। वहाँ का फर्स्ट लीडर जो वहाँ का
एक्चुअली लीडर था, वो कहता है इसको कहाँ से लाया है। तीसरा लीडर कहता है कि बस स्टॉप पे था, घर से भागा हुआ, मुझे मिला तो मैंने ला दिया। दूसरा लीडर कहता है तब तुमने इससे इसकी परमिशन नहीं ली। तीसरा लीडर कहता है नहीं ली और लेने की क्या जरूरत है, वैसे भी आप जानते हो ये दुनिया कैसी है, ये बाहर ठोकरे खाता, इससे अच्छा मैंने ला दिया इसे। दूसरा लीडर गुस्सा हो जाता है और कहता है पर तुम किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। पर फर्स्ट लीडर कहता है जो किया इसने सही किया, वैसे भी हमें यहाँ पे बच्चों की जरूरत थी ड्रग्स की तस्करी के लिए, अब ये ड्रग्स बेचेगा, बड़ा होते ही इंसानों को मारेगा, अच्छा है ना। वैन कहता है मैं किसी को नहीं मारूंगा। लीडर कहता है, फर्स्ट लीडर कहता है अच्छा तो मैं तुम्हारी और तुम्हारी बहन को मार दूंगा। वैन ये सब काम नहीं करना चाहता था पर उसकी बहन उसके लिए जान से भी प्यारी थी, इसलिए वो सब काम करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पे चार लीडर थे, एक फर्स्ट लीडर तो था इसलिए यहाँ पे तीन लीडर थे, एक फीमेल थी जो यहाँ पे लड़कियों का तस्करी करती थी, एक है जो किलिंग डिपार्टमेंट में था, एक है जो ड्रग्स बेचता था और बॉक्सिंग का लीड था, बॉक्सिंग करवाता था। दूसरा लीडर बॉक्सिंग करवाता था, तीसरा लीडर किलिंग के ऑर्डर देता था, मतलब लेता था। वैन को तीसरे लीडर के हाथों सौंप दिया जाता है वैन को ट्रेनिंग देने के लिए, ताकि अगर वो पकड़ा जाए ड्रग्स के केस में तो भाग सके, और किलिंग का भी काम बचपन से ही सिखाते थे वहाँ पे बच्चों को। वो औरत गुजन को लेने लगती है, वैन चिल्ला के बोलता है कि मेरी बहन को कोई नहीं छुएगा। वो लेडी लीडर कहती है कि अरे तेरी बहन को मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस इसका ख्याल ही रख रही हूँ, तू ट्रेनिंग करेगा तो इसका कौन ध्यान रखेगा, इतनी छोटी है चल बोल तो सकती नहीं है, डायपर कौन चेंज करेगा, तू ट्रेनिंग करेगा या फिर डायपर चेंज करेगा, और अगर तूने ट्रेनिंग नहीं किया और हमारा काम नहीं किया तो तुझे खाने को तो मिलेगा नहीं, तो तू भी भूखा रहेगा और अपनी बहन को भी भूखा रखेगा, इससे अच्छा तो कुछ काम कर ले ताकि तुझे कुछ खाने को मिल सके। फिर वो तीसरी लीडर गुजन को रख लेती है अपने गोद में और वैन से कहती है अरे मैं इतनी भी हरामी नहीं हो रही, एक बच्ची के साथ ऐसा नहीं करूँगी, 10 साल की हो तब सोचने की बात है, अभी तो ये 4 साल की लग रही है मुझे, इसके साथ मैं ऐसा नहीं करने वाली, तो चिल मार, और ये कहते ही गुजन को ले जाती है। फिर वहाँ का फर्स्ट लीडर वैन को एक जगह पे ले जाता है, वहाँ पे एक अधमरा आदमी था। फिर फर्स्ट लीडर वैन को एक बंदूक देता है और कहता है इससे मार। वैन बंदूक तो ले लेता है पर उससे मार नहीं पाता, इसलिए फर्स्ट लीडर वैन को ही बहुत मारता है। तभी फर्स्ट लीडर वहाँ पे कहता है कि मरो या फिर मारो, यहाँ का यही नियम है, अगर तू मार नहीं पाएगा तो तू मरेगा, और तू मरेगा और तेरी बहन भी मरेगी। और ये कहते ही फर्स्ट लीडर उस अधमरे आदमी को मार देता है, बंदूक चला के मार देता है। फिर वैन को पकड़ के ले जाते हैं और एक जगह पे फेंक देते हैं और कहते हैं तुझे खाना नहीं मिलेगा। वैन को अपनी फिक्र नहीं थी, वैन कहता है मेरी बहन को, वो आदमी कहता है तेरी बहन को मिल जाएगा पर तुझे नहीं मिलेगा, यहीं पे रुक। वैन भी कुछ नहीं कहता और वहीं पे बैठा रहता है। तभी वहाँ पे एक बच्चा आता है वैन के पास और उसे ना कुछ खाने को देता है, वो लड़का और कोई नहीं फई रहता। फई वैन से कहता है ले खा ले। वैन कहता है पर ये तो तुम्हारा है ना। फई हंसता है और कहता है तेरा मेरा क्या रे, तू भूखा मैं भूखा, आज मैं तेरा मदद कर रहा हूँ, आगे चल के तू मेरा मदद करेगा, अरे जिंदगी का नियम है मैं तेरा मदद कर रहा हूँ तुझे भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। वैन कहता है कैसी मदद। फई वैन को बहुत तेज मारता है, मजाक में मारता है और कहता है वक्त आएगा तो बता दूंगा। वैन कहता है ठीक है। अब वैन को अगले दिन ऐसे ही वैन के साथ किया जाता है, एक अधमरे आदमी को रखा जाता है और कहता है मारने को, पर वैन फिर से नहीं मार पाता, इसलिए वैन को वहाँ पे बहुत मारा जाता है और फिर से एक अंधेरी जगह पे पटक दिया जाता है। वैन को गुजन से भी मिलने नहीं दिया जाता है। वहाँ के लीडर वैन से कहते हैं जब तक तू किसी को मारेगा नहीं, जब तक तुम्हारे काम नहीं आएगा तब तक हम तेरी बहन को तुझसे मिलाएंगे भी नहीं। वो वहाँ से चला जाता है, वैन वहीं पे बैठा रहता है। तब फई वहाँ पे वापस आता है और कहता है तू मार क्यों नहीं रहा। वैन कहता है मेरी माँ ने कहा था कि किसी को जान से मत मारना। फई कहता है तो तेरी माँ ने ये नहीं कहा था कि अपनी फैमिली का ध्यान रखना। वैन कहता है कहा था। फई कहता है तो तू एक ही बात सुन रहा है, दूसरी बात नहीं सुन रहा, तू जानता नहीं है यहाँ के लोगों को, तेरी बहन को बेच देंगे बचपने में ही। वैन कुछ नहीं कहता, इसलिए फई वैन को बहुत तेज मुक्का मारता है और कहता है वास्तविकता के साथ जाओ। वैन कहता है क्या मतलब। फई हंसता और कहता है अच्छा तो इंग्लिश चोचला है ना। फई कहता है उतना तो आता नहीं है पर शायद ये कहते हैं बैकअप टू रियलिटी। अरे साफ साफ मतलब यही है कि जैसा तुम इस दुनिया को समझ रहे हो वैसा नहीं है, ये दुनिया बहुत ही कमीनी है, तुम्हें भी कमीना बनना पड़ेगा। अब वैन तू ही सोच ले, मैं तो तुझे ज़्यादा खाना भी नहीं दे सकता, आज फिर से लाया हूँ पर कल नहीं ला पाऊँगा, अब तुझे अपनी और अपने बहन के लिए खुद ही जीना पड़ेगा और जीने के लिए मारना पड़ेगा। जानवर भी तो यही करते हैं, अपना पेट भरने के लिए किसी को मारते हैं, और यहाँ के सारे लोग जानवर हैं जो अपना पेट भरने के लिए किसी ना किसी को मार देते हैं, तो तुझे भी जानवर बनना पड़ेगा बहन। और ये कहते ही फई वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे फिर से वैन के साथ यही किया जाता है, एक अधमरा आदमी और हाथ में बंदूक। वैन फिर से उस आदमी को नहीं मार पाता है, इसलिए लीडर वैन को बहुत मारता है। वैन पूरा खून खून हो गया था, वैन जमीन पे बैठा हुआ था, उसके शरीर पे पूरा खून
खून हो गया था, हाथ में बंदूक था। फिर वैन अचानक से उस बंदूक को उठाता है और कहता है सॉरी मम्मी, और ये कहते ही बंदूक चला देता है उस आदमी पे। वो आदमी वहीं मर जाता है और लीडर खुश हो जाता है और वैन को गले लगाता है और कहता है देखना तू यहाँ का ना हीरो बनेगा, नहीं नहीं यहाँ का तू विलन बनेगा, सब तेरे आगे झुकेंगे। अगर तू ऐसा ही चलता रहा ना तो मुझे पूरा यकीन है कभी तू इस लीडर की जगह ले पाएगा। वैन कुछ नहीं कहता, वैन को फाइनली गुजियान से मिलने दिया जाता है। फई भी वहीं पे रहता है। गुजियान को देख के फई बोलता है अरे यार ये कितनी क्यूट है, और गुजियान के गाल पे हाथ डालने लगता है और कहता है अरे यार ये कितनी सॉफ्टी है। वैन से पूछता है इसका नाम क्या है, वैन कहता है गुजियान। फिर फई कहता है अरे इसका नाम भी कितना प्यारा है। फिर वो गुजियान के पास जाके कहता है कि ये देखो मैं, मेरा नाम फई है, फई आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा वैन की तरह, ये वादा है मेरा। अब काफी समय हो जाता है, वैन भी अब 15 साल का हो गया था। वैन अब ड्रग्स के काम छोड़ के किलिंग के काम लेना स्टार्ट कर दिया था। वैन के साथ वहाँ पे कोई अच्छा बिहेव नहीं करता था पहले, पर जैसे जैसे वैन बड़ा होता गया, उसके काम अच्छे होते गए, वैसे वैसे सब वहाँ पे उसकी तारीफ करने लग गए। पर शुरुआत से ही वहाँ के लीडर वैन को बहुत तंग करते थे, पर दूसरा लीडर ही उसको तंग नहीं करता था जो दूसरे नंबर पे था, इसलिए वैन उस दूसरे लीडर की बहुत इज्जत करता था। वो ना किसी लीडर को नहीं मानता था, बस दूसरे लीडर के। वैन वहाँ के लेडी लीडर से बहुत नफरत करता था क्योंकि वो लड़की चाहती थी कि गुजियान ना ऐसे उसी काम में आ जाए जिस काम में वो लीडर है। वो लीडर गुजियान को बेचना चाहती थी, पर वैन तो ऐसा कभी नहीं होने देता। वैन एक बार मिशन पे गया था, तब उस लेडी लीडर ने गुजियान को ना ऐसे बेचने की जगह पे रख दिया था और उसका भाग आ रही थी कि कौन कितने में खरीदेगा, और उसकी बहुत अच्छी रेट सारे के सारे लगा रहे थे। वही भी उस समय काम के लिए बाहर गया था। वैन अपना काम करके जल्दी ही आ जाता है। वैन को पता चलता है कि लड़कियों की तस्करी लग रही है और वहाँ पे गुजियान भी है। ये सुन के वैन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वैन एक बंदूक लेके वहाँ पे जाता है। वैन अपनी गुजियान का हाथ पकड़ता है और जाने लगता है, तभी वो औरत कहती है वहाँ की लीडर कहाँ ले जा रहा है, मैं इसे बेचना चाहती हूँ। वैन को बहुत गुस्सा आता है और वैन फर्स्ट टाइम किसी लड़की पे हाथ उठाता है। वैन वहाँ की लीडर को मारता है और कहता है मेरी बहन के पास भी आए ना तो मैं तुम्हारी टांगे काट दूंगा, मैं यहाँ पे काम इसलिए नहीं करता कि मेरी गुजियान को बेच दिया जाए, मैंने पहले से ही कहा है गुजियान को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। वो लीडर कहती है अच्छा आज तो तेरी बहन बिक के ही रहेगी, और ये कहते ही अपने वहाँ के सारे लोगों को गुजियान को रोकने को कहती है और वैन को भी। पर वैन वहाँ के सारे लोगों को बहुत मारता है, तभी वहाँ का दूसरा लीडर आ जाता है और उस औरत पे हाथ उठाता है और कहता है हमारा ना एक ही जुबान होता है और हमने कह रखा है कि गुजियान को कोई नहीं छुएगा, तो तू ऐसी हरकतें करती ही क्यों है। वो लेडी लीडर कहती है पर भाई गुजियान कितनी अच्छी है, उसकी कितनी अच्छी कीमत मिलने वाली है। वो दूसरे लीडर की बहन होती है पर वो उसकी तरह बिल्कुल नहीं होती है। उस लीडर का भाई कहता है हमने कह दिया है तो कह दिया है, पर आइंदा तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और ये कहते ही वैन और गुजियान को वहाँ से ले जाते हैं। इस हादसे के बाद से वैन ने सोच रखा था कि फई जब मिशन पे जाएगा तब वैन नहीं जाएगा और वैन जब मिशन पे जाएगा तो फई मिशन पे नहीं जाएगा। गुजियान अब काफी अच्छी खासी बड़ी हो गई होती है और वैन को गुजियान के लिए टेंशन हो रही होती है क्योंकि यहाँ का माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं था गुजियान के लिए। अब वैन अपना 23 साल का हो गया था और फिर वैन को एक मिशन मिलता है। जो मिशन कंप्लीट करने वैन जब जाता है तो वहाँ पे उससे अपनी माँ की फ्रेंड मिल जाती है, उनका नाम फूमोंग है। फूमोंग वैन को पहचान लेती है और पूछने लग जाती है कि कैसे हुआ, क्या हुआ, मैंने सुना था कि तुम मर गए हो। वैन कहता है सही सुना था, मैं मर चुका हूँ, और ये कह के जाने लगती है। फूमोंग उसको रोकती है और कहती है तुम करते क्या हो बेटा। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और वैन को पकड़ने के लिए ही आई होती है क्योंकि वैन अभी हाथों हाथ किसी को मार के आया होता है। वैन वहाँ से भागने लगता है और फूमोंग उसके पीछे भागने लगती है। फिर फूमोंग वैन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम करते क्या हो, पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है। वैन कहता है मैं लोगों को मारता हूँ, मैं भूत घाटी का लीडर का बहुत खास हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मार भी दूंगा तो मुझे केस नहीं होगा, तो दूर रहो मेरे से, और ये कह के वहाँ से चला जाता है। फिर 3 महीने बाद वहाँ पे एक लेडी आती है जो कहती है कि वो वैन और उसकी बहन को यहाँ से आजाद करना चाहती है। यहाँ से आजाद करने का मतलब बहुत ही पैसे चाहिए होते हैं। वैन जो कमाता है वो तो उसको आधा ही मिलता है, अगर वैन 50 कमाता है तो उसको सिर्फ 10 ही मिलता है, बाकी सारे के सारे वो लीडर रख लेते हैं। अब वैन बाहर जाना चाहता था, वो जाना नहीं चाहता, वो गुजियान को बाहर जरूर भेजना चाहता था, पर गुजियान वैन के सिवा नहीं जा सकती थी। अब फई और वैन एक दूसरे को देखने लगते हैं। वैन कहता है फई से तुम चलना चाहो तो तुम भी चल सकते हो। फई कहता है इतना पैसा थोड़ना है। फई कहता है और मैं नहीं जाना चाहता, और ये कहते ही वहाँ से दूर चला जाता है और रोने लगता है। वैन और गुजियान वहाँ से चले जाते हैं। गुजियान फई से मिलना चाहता
जाती थी और वैन भी, पर फई उनके सामने नहीं आना चाहता था। फई उनको दूर से ही जाते हुए देख रहा था। और ऐसे ही वैन और गुजियान वहाँ से आज़ाद हो जाते हैं। और हाँ गाइस, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही हो। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है ना, तो कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि आपका कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। अगर आपको इस कहानी में कुछ खराबी भी लग रहा है ना, तो वो मुझे कहिए, ताकि मैं आगे किसी स्टोरी में सुधार सकूं कि मुझे ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। एंड बैक टू स्टोरी, अब अपने बड़े वैन को दिखाया जाता है जो जाओ को अभी भी हग किया हुआ था। वैन ने अपनी पूरी बात जाओ को बता दी होती है और वैन वहाँ पे बहुत रो रहा होता है। जाओ वैन से अलग होता है और अपने हाथों से वैन के गाल पकड़ता है और वैन का फिर आंसू साफ करता है और एक हेड पे किस करता है और कहता है, मैं तुमसे एक बात कहूँ लाओ वैन? वैन रोते हुए ही कहता है, बोलिए ना मास्टर सू। जाओ कहता है, तुम बहुत स्ट्रांग हो। जब मेरे माँ बाप मरे थे ना, तब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तुम्हारी तो ये मजबूरी थी ना किसी को मारना, पर मैं बिन मतलब का लोगों को मारने लगा था। तुम मेरे से काफ़ी अच्छे हो, तुम बहुत ही स्ट्रांग हो, मतलब मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ। तुम 8 साल की उम्र में अपना सब कुछ खो बैठे, फिर भी तुम इतने स्ट्रॉन्ग बने, इतने अच्छे बने, और मैं जब बड़ा होके भी अपना सब कुछ खोया, तभी मैं तुम्हारी तरह नहीं बन पाया, मैं कमज़ोर रह गया, और तुम इतने स्ट्रॉन्ग, मतलब आई प्राउड ऑफ यू। जाओ कहता है, इसलिए तुम मुझे इतने पसंद हो। वैन जाओ की तरफ ही देखा जा रहा था। जाओ कहता है, सॉरी लाओ, मुझे माफ़ करना, और ये कहते ही वैन को किस करने लगता है। और इस बार वैन भी नहीं रुकता और जाओ को किस करने लगता है। वो दोनों बहुत ही ब्रूटल तरीके से किस कर रहे होते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। वैन जाओ की तरफ ही देखा जा रहा होता है। फिर वैन जाओ के नेक पे किस करने लगता है। फिर धीरे धीरे करके वैन जाओ को बेड पे लेटा देता है और उसका शर्ट खोल देता है और पूरे बॉडी पे किस करने लगता है। फिर जाओ भी वैन का शर्ट खोलता है और उसे किस करता है, पर वैन फिर से जाओ को किस करने लगता है। वैन जाओ के नेक पे किस कर रहा होता है। जाओ का हाथ वैन के बाल पे था। फिर वैन रुक जाता है किस करना और जाओ पे ही सो जाता है और जाओ भी वैन को पकड़ के सो जाता है। अब मॉर्निंग हो जाती है। अब मॉर्निंग ये भाई से होती है। ये भाई नाइट को ही घर आ गए थे और अपने सोफे पे सो रहे होते हैं और प्रिंस को बिस्तर पे सुलाए हुए रहते हैं। प्रिंस की नींद खुलती है और उसे याद आता है कि उसने नाइट को क्या हरकतें की। प्रिंस को शर्म आ रही होती है, इसलिए प्रिंस चुपचाप वहाँ से जाने का सोचता है, पर ये भाई की नींद खुल जाती है। ये भाई प्रिंस का हाथ को कस के पकड़ लेते हैं और अपने गोद में बैठा लेते हैं प्रिंस को और कहते हैं, और जाना, तुम तो नाइट को बड़े होने हो रहे थे, अब क्या हुआ, मेरे से चुप चुप के जा रहे हो? प्रिंस ये के वोट से हटता है और कहता है, छोड़ो मुझे, और क्या फालतू की बातें करो, मैं उस समय होश में नहीं। ये कहते हैं, अच्छा होश में नहीं थे, कल तो तुम कहे जा रहे थे मैं होश में हूँ, और देखो ना होश में रह के तुमने क्या कर दिया। फिर ये भाई अपना शर्ट खोल देते हैं, एक बटन मतलब शर्ट का खोल देते हैं और नेक पे जो निशान था वो दिखाते हैं, और वो निशान बहुत ही गहरा हुआ था, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग लव बाइट दिया था प्रिंस ने अपने ये को। प्रिंस को शर्म आ रही होती है और थोड़ा सा अजीब भी लग रहा होता है, इसलिए प्रिंस कहते हैं, वो मैं नशे में था, तुमने भी मुझे क्यों नहीं रोका? ये कहते हैं, अच्छा नहीं रोका? फिर ये अपने हाथ को दिखाते हैं। प्रिंस ने ये का हाथ इतना टाइट पकड़ रखा था कि ये के हाथ में निशान पड़ जाता है और कहते हैं, देखो रोकने का नतीजा क्या हुआ, देखो पूरे हाथ में निशान पड़ गया है, इतना टाइट पकड़ा था तुमने और मुझे किस तरीके से किस कर रहे थे। ये भाई अपने पूरे ऐसे ना शरीर को अपने हाथों से पकड़ लेते हैं और कहते हैं, हाय मेरी इज्जत नाइट को लूट ली, और ये कह के हल्का सा रोने की नाटक कर रहे होते हैं। प्रिंस बोलते हैं, ऐसी हरकतें मत करो, तुम कैसी हरकतें कर रहे हो, और ये कहते हैं गुस्से में जाने लगते हैं। प्रिंस जा रहे होते हैं, तभी ये उनको पकड़ लेते हैं और दीवार के साइड खड़ा करवा देते हैं और दीवार पे हाथ रख लेते हैं ताकि प्रिंस कहीं जा ना पाए। फिर ये कहते हैं प्रिंस से, तुमने कहा था कल कि तुम मुझे पसंद करते हो, सच्चे में मुझे पसंद करते हो क्या? प्रिंस को स्माइल आ रही होती है ये बात सुन के, और ये को भी ये देख के अच्छा लग रहा होता है, पर प्रिंस कहते हैं नहीं करता, और ये कहते ही जाने लगते हैं। ये फिर से प्रिंस का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं नहीं करता, पर इतनी प्यारी स्माइल। प्रिंस कहते हैं छोड़ो मुझे, और ये कहते हैं ये का हाथ छुड़ा लेते हैं। ये कहते हैं कि चले जाना, पर जाने मन खाना खा के जाना। प्रिंस को शर्म आ रही होती है और जाने जाना सुन के उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है, पर प्रिंस कहते हैं कि जाने जाना मतलब है? ये कहते हैं तुमने ही तो कहा था बॉयफ्रेंड बन जाओ मेरे, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ये कहते हैं
पर मैं पहले ही कह देता हूँ मैं टॉप रहूँगा, मुझे बॉटम नहीं। प्रिंस बोलते हैं फालतू की बातें मत करो। ये कहते हैं ठीक है फालतू की बातें नहीं करूँगा, मेरा ड्रेस ले लो और नहा लो और तुम बोलो तो मैं भी चल लूँ, क्योंकि कल तुम्हें मेरी बॉडी बहुत अच्छी लग रही थी ना। प्रिंस गुस्से में बोलते हैं बदतमीज हो तुम, और ये कहते हैं वॉशरूम में चले जाते हैं। ये कहते हैं अरे कपड़े तो लेते जाओ या फिर तुम चाहते हो कि मैं अंदर आऊँ। प्रिंस कहते हो अपना मुँह बंद रखो। और अभी के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। अगर हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल वेंजू वर्ल्ड, और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वेंजू फैन फिक्शन मजबूरी तब की प्यार की। और कहानी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इसके बाकी के पार्ट नहीं देखे तो देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहानी में चल क्या रहा है। तो बिना किसी बकवास के कहानी स्टार्ट करते हैं। अब कहानी शिफ्ट होती है अपने वैन पे। वैन थोड़ा अपना नींद में ही हाथ हिलाने की कोशिश करता है तो उसके हाथ पे भार पड़ता है। वैन अपना आँख खोल के देखता है तो देखता है कि जाओ उसके हाथों पे ही सो रहा था, इसलिए वैन अपना हाथ बिल्कुल नहीं हिलाता। वैन कल की बात सोच के मुस्कुरा रहा होता है और जाओ की तरफ देख ही रहा होता है। पर काफी टाइम हो गया था, जाओ के लिए वैन को कुछ बनाना भी था, इसलिए वैन धीरे धीरे करके अपना हाथ हटाने की कोशिश करता है, पर जाओ नींद नहीं उसका हाथ पकड़ लेता है। वैन बोलता है कि मास्टर साहब सोते हुए कितने क्यूट लगते हो, मैं कैसे जगाऊं आपको, पर कुछ बनाना भी तो है आपके लिए। इसलिए वैन जाओ का हाथ हटाता है और धीरे धीरे करके अपना हाथ निकाल देता है और वहां से शर्ट पहन के चला जाता है। अब अपने जाओ को दिखाया जाता है जो अपना आंखें खोलता है और एक प्यारी सी स्माइल करता है और तकिए को पकड़ के फिर से सो जाता है, मतलब अपना जाओ जगा हुआ था। और वैन किचन में जाता है जहाँ पे किन था। वैन किन को कहते हैं ओ साले जी कैसे हो तुम। वैन साले जी सुन के शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, कल तो तुम मुझे डांट रहे थे, और आज साले साहिबा ने तो कल मुझे कहा था कि मुझे जीजू मत बोलना, तो तुम भी मुझे साला मत बोलना। वैन किन के गर्दन पे हाथ रख लेता है और कहता है सॉरी ना, वो मैं कल थोड़ा गुस्से में था। किन वैन का हाथ उठाता है और बोलता है किस बात के लिए। वैन जवाब नहीं देता और कहता है अरे माफ भी कर दो। किन तो वैन को माफ करने के लिए तैयार ही नहीं था और बिन कुछ कहे वहां से चला जाता है। वैन कहता है कि अब इसको मनाना पड़ेगा, मुझे कितना टेंशन है। अब थोड़ी देर बाद वैन जाओ के लिए आधा ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेता है और आधा बाकी था वो जाओ को जगा के नहला धुला के बनाएगा ताकि खाना ठंडा ना हो। वैन चला तो जाता है जाओ को जगाने, पर वैन जाओ को जगा नहीं पाता क्योंकि वो सोचता है कि कल जो उनके बीच में किस हुआ वो उसको लेके जाओ क्या बोलेगा, मतलब क्या होगा। वैन को वही डर था कि किस करके भूल ना जाए, कि बोले बोले इस बारे में कुछ बात ही ना करे वो, फिर वो सिचुएशन बहुत अनोइंग सी हो जाती। इसलिए वैन सोच ही रहा होता है क्या करे। फिर वैन सोचता है कि चलो जगाना तो है, अब कुछ भी हो जगा ही देते हैं। वैन अटकते अटकते घबराते घबराते जाओ को जगाता है। वैन बोलता है मास्टर शू उठ जाइए सुबह हो गया है, पर अपना जाओ उठने के लिए तैयार ही नहीं था। वैन जाओ के सर पे हाथ रखता है और थोड़ा हिलाता है और कहता है मास्टर श्री उठ जाइए सुबह हो गई, पर अपना जाओ वैन का हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ पकड़ के ही वापस हो जाता है। जाओ ने वैन का हाथ पकड़ा होता है इसलिए वैन को अजीब लग रहा होता है, मतलब अच्छा लग रहा होता है पर थोड़ा नर्वस भी फील कर रहा होता है। वैन फिर भी कहता है मास्टर श्री उठ जाइए, तब जाओ कहता है क्या लाओ वैन कभी तो मुझे सही से सोने दो। वैन कहता है कि मास्टर शू दवाई लेना है ना, आप दवाई लोगे फिर मैं भी तो दवाई लूंगा, हम दोनों को ही दवाई लेना है ना। जाओ फिर उठ जाता है, बेड पे बैठ जाता है, फिर बेड से उठता है, अपना आँख ऐसा ना मसल रहा होता है, फिर कपड़ा निकालता है अपना और नहाने चला जाता है। वैन सोचता है कि जाओ ने कल के बारे में कुछ नहीं कहा। वैन को अजीब सा लगता है कि जाओ ने कुछ भी नहीं कहा, वो एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा था। फिर वैन भी वहाँ से चला जाता है किचन में ताकि वो आधा ब्रेकफास्ट अपना कंप्लीट कर सके। वैन जैसे ही किचन में जाता है तो वैन देखता है कि अन्नो खाने में कुछ मिला रही होती है, इसलिए वैन फटाफट जाता है और अन्नो का हाथ घी के ऐसा ना फोल्ड कर देता है, अन्नो का हाथ एकदम पीछे कर देता है और काफ़ी कस के पकड़ा हुआ रहता है। अन्नो को दर्द हो रहा होता है, अन्नो कहती है तुम पागल हो गए हो क्या, मेरा हाथ छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। वैन कहता है तुम मिला क्या रही हो। तभी वहाँ पे किन आ जाता है और वैन पे बहुत गुस्सा आता है, कहता है हाथ छोड़ो इसका, और वैन का हाथ अन्नो से छुड़ा देता है और अन्नो का हाथ ना एकदम बहुत ध्यान से देखने लगता है। किन अन्नो से कहता है ये वही हाथ है ना, अन्नो हाँ में सर हिलाती है। किन कहता है बहुत दर्द हो रहा होगा ना, अन्नो कहती है नहीं उतना नहीं हो रहा मैं ठीक हूँ। किन वैन की तरफ देखता है और बहुत गुस्से में बोलता है कि आप पागल हो गए हैं क्या। वैन बोलता है पहले उससे पूछो कि वो खाने में मिला क्या रही थी। किन कहता है पहले आप अपनी आंखें साफ करो और ये देखो कि वो किस खाने में मिला रही थी, आपने जो जाओ भाई के लिए आधा तैयार करके रखा था उसमें नहीं, ये हम दोनों ने बनाया था और उसमें अन्नो अपनी दवाई मिला रही थी। फिर वैन खाने पे ध्यान देता है तो सच्ची में वो अलग खाना बना था, जाओ के लिए जो बनाया था वो वैन ने
अलग रख रखा था। वैन सॉरी बोलता है और कहता है पर ये दवाई किस चीज का मिला रही थी अपने खाने में। किन कुछ कहने वाला रहता है तभी अनु कहती है छोड़ो ना गलती हो गया, और फिर वैन से कहती है आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है पर आइंदा से ध्यान दीजिएगा, सोच समझ के कुछ कीजिएगा नहीं तो सब आपको पागल कहेंगे। किन अनु से कहता है कि तुम जाओ मैं खाना लेके आता हूँ। अनु कहती है नहीं हम साथ में चल लेंगे ना। किन कहता है नहीं तुम जाओ। फिर अनु वहाँ से चली जाती है। किन कहता है वैन से कि जीजू मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ पर मैं अनु से भी उतना ही प्यार करता हूँ, और अनु को आपने हल्की सी भी चोट पहुँचाई तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि आप अनु को बहुत अजीब तरीके से देखते हैं, आप उसे हमेशा ऐसे देखते हैं जैसे आप उस पर शक कर रहे हैं। मुझे पता है जीजू कि आपको मेरे भाई की फिक्र है पर इतनी भी फिक्र मत कीजिए, और इतना भी दूसरों पर शक मत कीजिए कि सब आपको पागल समझे, आप सब पे शक करते फिर रहे हैं मुझे तो ऐसा लग रहा है। फिर किन उस दवाई को उठाता है और वैन को दिखाता है और कहता है ये उसकी हड्डी मजबूत करने के लिए दवाई है। किन कहता है अनु का 1 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से उसकी एक हाथ पूरी डैमेज हो गई थी, ऑपरेशन करके उसकी हड्डी जोड़ी गई है तो उसके लेफ्ट वाले हाथ से दूरी रहिएगा। और जीजू अगर अब अनु को आपने बिल्कुल भी हर्ट किया तो मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा। और ये कहते ही प्लेट लेके अनु के पास चला जाता है। किन के जाते ही वैन कहता है ये मैंने क्या कर दिया, दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो दवाई आखिर मिला कौन रहा है और किसके खाने में मिला रहा है। वैन ये सब सोच ही रहा होता है तभी वहाँ पे वांग आ जाता है। वैन को सोचता देख वांग पूछता है वैन भाई क्या सोच रहे हो आप। वैन अब सोचना बंद करता है और कहता है नहीं मैं कुछ नहीं सोच रहा। वांग कहता है कुछ तो सोच रहे हो। वैन बोलता है नहीं कुछ नहीं। वैन वांग से कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वांग कहता है खाना लेने आया हूँ और अपने और हांसर के लिए। वैन कहता है ओ। फिर वहाँ से वांग अपना खाना और हान सर का खाना लेकर चला जाता है। वैन के दिमाग में अचानक से कुछ आता है। वैन कहता है हान हिंग वो दवाई हान हिंग को खिलाई जा रही है। तभी हान हिंग सही नहीं हो पा रहा है। वैन कहता है पर आखिर उसे वो दवाई खिलाएगा कौन और क्यों खिलाएगा। फिर वैन के अचानक से दिमाग में कुछ आता है और वैन कहता है अच्छा मतलब वो यहीं पे है। वैन को गुस्सा आता है और वैन दीवार पे एक पंच मारता है। वैन को पहले से ही हाथ पे बहुत चोट लगी हुई थी इसलिए वैन के वहाँ से फिर से खून निकलने लगता है। वैन गहरी सी सांस लेता है, अपने आप को शांत करता है और कहता है पर वो आखिर होगा कौन। वैन कहता है अन्ना मुझे लगती है, पर अन्ना तो अभी आई है और हैन को वो दवाई कब से खिलाई जा रही है, मतलब अन्ना तो नहीं है। फिर वैन कहता है डुआन हो सकता है पर उसको मैंने कभी किचन में देखा ही नहीं है। फिर वैन कहता है कहीं वो इंसान वांग तो नहीं। फिर वैन कहता है नहीं नहीं वांग ऐसा नहीं कर सकता, वान हैन को बहुत मानता है। फिर वैन अपने पे ही सवाल उठाता है और कहता है गुजन ने भी तो कहा था वो पति अपनी पत्नी को मानता था पर वो फिर भी उसे वो दवाई दे रहा था। वैन कहता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये चल क्या रहा है, पर अगर वो शख्स यहीं पे है तो मेरी। फिर वैन आगे कुछ और नहीं कहता और जॉब के लिए खाना मतलब अपना जो आधा ब्रेकफास्ट था वो कम्प्लीट करने लगता है। फिर वैन अपना ब्रेकफास्ट कम्प्लीट कर लेता है और जॉब के कमरे में जाता है। तब तक जॉब भी वहाँ से नहा के निकल रहा होता है। वैन अभी भी कुछ सोच ही रहा होता है। वैन के हाथ से अभी भी खून निकल रहा होता है। जॉब वैन के हाथ पे जब देखता है तो बहुत टेंशन जाता है और फटाफट वैन के पास जाता है और कहता है तुम्हें चोट कैसे लगी फिर से। फिर जाओ कहता है तुमने फिर से दीवार पे हाथ मारा, तुम पागल हो गए हो क्या वैन। और ये कहते ही वैन के हाथ का प्लेट नीचे रखता है और फटाफट उसको बेड पे बैठाता है, फर्स्ट एड किट लाता है और उसके हाथ को अच्छे से साफ करके वापस पट्टी बांध देता है। वैन तो जाओ को देखा जा रहा था। जाओ वैन से कहता है ऐसे क्या देख रहे हो तुम। वैन एकदम शांत था और जाओ को देखा जा रहा था। वैन कहता है कुछ नहीं। जाओ गुस्से में कहता है कुछ नहीं, अगर तुमने फिर से अपना हाथ दीवार पे मारा ना तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। जाओ कहता है क्या फालतू की हरकत है लाओ वैन, तुमने फिर से क्यों अपना हाथ दीवार पे मारा, देखो ना कितना खून निकल रहा है, तुम्हें अपनी फिक्र है कि नहीं है। वैन हल्के सा स्माइल करता है और कहता है आपको मेरी फिक्र क्यों है मास्टर शू, चोट मुझे लगा है पर ऐसा लग रहा है दर्द आपको हो रहा है। जाओ अपनी नज़रें हटाता है, गहरी सांस लेता है और कहता है तुम्हें पता है लावन मैं तुम्हारे वजह से ना बिजनेसमैन कम डॉक्टर ज़्यादा हो गया हूँ, हमेशा तुम्हारी पट्टी करता रहता हूँ। वैन स्माइल करता है, वैन को स्माइल करता देख जाओ भी स्माइल करता है और कहता है आज से अपना हाथ दीवार पर मत मारना, कोई टेंशन हो तो मेरे से आके बातें शेयर कर सकते हो तुम। वैन कहता है या फिर तुम्हारा वांग है ना उससे भी बातें शेयर कर सकते हो तुम। वैन मुस्कुराता है और कहता है वो मेरा वांग नहीं है। फिर वैन कहता है वैसे वांग यहाँ पे कब से काम कर रहा है और वो कैसा इंसान है। जाओ कहता है बड़ा जानना चाहते हो उसके बारे में तुम। वैन कहता है बता भी दो। जाओ कहता है ठीक इंसान है वो, मतलब सच बोलूँ तो काफ़ी अच्छा इंसान है वो, हाँ पर कमज़ोर और डरपोक काफ़ी ज़्यादा है वो, खून खराबा हुआ देख नहीं पाता।
वैन कहता है ओह, जाओ कहता है फिर जाओ अपना हाथ धोता है, खाने की प्लेट लाता है और एक बाइट खुद लेता है, फिर दूसरा बाइट वैन के आगे करता है। वैन खाने से मना करता है तो जाओ कहता है चुपचाप खा लो, नहीं तो मैं जबरदस्ती कर सकता हूँ। वैन मुस्कुराता है और कहता है कर लो जबरदस्ती, कर सकते हो तो। जाओ कहता है तुम और तुम्हारी फ्लर्टी बातें, चुपचाप खाओ। वैन भी फिर कुछ नहीं कहता, अपना मुंह खोल लेता है, फिर जाओ वैन को खाना खिला देता है। ऐसे ही करके दोनों खा रहे होते हैं, तभी जाओ अचानक से वैन से पूछता है वैसे कल जो तुमने मुझे किस किया वो। वैन के गले में खाना अटक जाता है, वैन खांसने लगता है। जाओ फटाफट वैन को पानी देता है और कहता है तुम ठीक तो हो ना लो। वैन पानी पीता है और कहता है ओह सॉरी, कल मैं बहुत इमोशनल था, आपने मुझे सहारा दे दिया, मैं अपना आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया, आई एम रियली सॉरी मास्टर सू, मैं अंदर से आपको नहीं करूँगा, मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। वैन ने जाओ की एक बात नहीं सुनी होती और फटाफट कुछ ना कुछ बोल दिया होता है। जाओ फिर चुप हो जाता है और कहता है माफ़ किया, पर अगर तुमने आइंदा से मुझे किस किया तो मैं समझ लूँगा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो। जाओ मुस्कुराता है, वैन की तरफ देखता है और कहता है इसलिए आइंदा से किस्मत करना। वैन और जाओ ने खाना खा लिया होता है। जाओ थोड़ा उदास सा रहता है और वैन भी ये नोटिस कर लेता है। जाओ फिर प्लेट साइड में रखता है और हाथ धोने चला जाता है। जाओ जैसे ही हाथ धो के आता है वैसे ही वैन जाओ को गले लगा लेता है। जाओ को तो कुछ समझ में नहीं आया होता है कि वैन ने अचानक से गले क्यों लगा लिया। फिर वैन जाओ से थोड़ा सा दूर होता है और वैन जाओ का गाल पकड़ लेता है और उसके लिप पे किस करने लगता है। जाओ की तो आंखें बड़ी हो जाती है, जाओ को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है। फिर वैन जाओ को किस करते करते ही अपने गोद में उठा लेता है और उसको बेड पे ले जाता है। वैन बेड पे बैठ जाता है और जाओ उसके लेग पे बैठा रहता है। फिर जाओ भी वैन को किस करने लगता है। फिर वैन धीरे धीरे करके जाओ को बेड पे लेटा देता है। वैन जाओ के ऊपर रहता है और दोनों ही बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रहे होते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करना बंद करते हैं। जाओ एक अच्छी सी और प्यारी सी स्माइल देता है, फिर वैन भी स्माइल करता है। जाओ कहता है इसका मतलब जानते हो ना लवेन, आज से तुम मेरे हो। तब वैन अपना हाँ में सर हिलाता है। फिर जाओ वैन को बेड पर लेटा देता है और उसके ऊपर हो जाता है और उसके शर्ट का एक बटन खोल देता है और उसके नेक पे किस करने लगता है। जाओ धीरे धीरे वैन के सारे शर्ट के बटन खोल देता है और उसके पूरी बॉडी पे किस करने लगता है। वैन की आंखें बंद रहती है और वैन अपने बेडशीट को पकड़ के उसे खींच रहा होता है। जाओ वैन की तरफ देखता है और वैन के चेहरे के पास अपना चेहरा ले जाता है और कहता है लवेन आंखें क्यों बंद है, कुछ ज़्यादा ही फील में आ रहे हो। वैन अपना आंखें खोलता है और कहता है मास्टर सो आप किस करते समय ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, पूरा फील खराब कर दिया आपने। जाओ मुस्कुराता है और कहता है अच्छा। फिर जाओ वैन से कहता है वैसे आज से तुम मेरे हो तो इस बात का ख्याल रखना। वैन जाओ को हक कर लेता है और बहुत ही प्यार से उसके हेड पे किस करता है और कहता है हाँ बोलो कि मुझे किस बातों का ध्यान देना है। जाओ स्माइल करता है, वैन से दूर हो जाता है। फिर जाओ वैन को बेड पे ही बैठा देता है। जाओ वैन का गाल बहुत तेजी से पकड़ लेता है एक हाथ से। वैन कहता है ये क्या कर रहे हो। जाओ फिर कहता है वैन की आंखों में आंखें डाल के अगर मुझे छोड़ के किसी के करीब गए तुम लव वैन तो मैं उसकी जान ले लूंगा। वैन तो पहले थोड़ा सा डर गया था क्योंकि जाओ ने जिस हिसाब से उसका गाल पकड़ा था उस हिसाब से तो जाओ ऐसा लगता कि वैन को मार ही डालता, बहुत गुस्से में है। पर ये बात सुन के वैन को हंसी आ जाती है और कहता है हाँ हाँ ठीक है माय जेलसी हस्बैंड, मैं किसी के करीब नहीं जाऊंगा तुम्हारे सुबह। जाओ तो एकदम शॉक था। जाओ कहता है हस्बैंड। वैन कहता है हाँ हुआ। वैन बहुत ही प्यार से कहता है क्या मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ क्या मास्टर शो। जाओ कोई जवाब नहीं देता है और वैन का गाल छोड़ देता है और उसके पास में ही साइड में जाके बैठ जाता है। वैन तो स्माइल कर रहा होता है। फिर वैन कहता है ओके ओके बॉयफ्रेंड। बस बॉयफ्रेंड सुन के जाओ कहता है बॉयफ्रेंड और उदास हो जाता है। वैन कहता है हस्बैंड जब कहा तब तो तुम हक्के वक्के हो गए, बॉयफ्रेंड कहा तब तुम उदास हो गए, तुम्हें बताओ मैं तुम्हारा हूँ क्या। जाओ इस बात का कोई जवाब नहीं देना चाहता था इसलिए जाओ कहता है ठीक है ये सब बातें छोड़ो। फिर से जाओ वैन का गाल पकड़ लेता है उसी तरीके से और कहता है मैं तुम्हें ना बहुत मानता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरा गलत फ़ायदा उठाओगे, मेरे से कभी झूठ मत बोलना लाओ वैन, नहीं तो मैं तुम्हें चांद से मार दूंगा। वैन कहता है आपके हाथ से मरना तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी और वैन स्माइल कर रहा होता है। जाओ वैन का गाल छोड़ देता है और वैन के लेग पे बैठ जाता है और उसे हक कर लेता है और कहता है पर मैं तुम्हें मार के कुछ नहीं रह पाऊंगा ना लव वैन। अरे बात सुन के वैन बहुत शांत हो जाता है। फिर जाओ वैन की आंखों में देखता है और कहता है झूठ मत बोलना यार कभी भी, जो भी बात हो ना मुंह पे बोलना,
जैसा भी क्यों ना हो, तुम्हारी कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा अगर तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला तो। पर अगर तुमने मुझसे थोड़ा सा भी झूठ बोला तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें माफ़ कर पाऊंगा, और तुम्हें मारने के बाद मैं खुद भी अंदर से मर जाऊंगा, तो मेरे से कभी झूठ मत बोलना। ये बात सुन के वैन बहुत ही इमोशनल हो जाता है और ज़ाओ को फिर से किस करने लगता है। वैन की आंखों में भी हल्की सी आंसू आ गई होती है। फिर वैन ज़ाओ को किस करना छोड़ता है, उसके सर पे अपना सर रख लेता है और ऐसा ना नाम में सर हिलाता है। फिर वैन ज़ाओ को अपने से थोड़ा अलग करता है, उसे बेड पे बैठाता है और कहता है मैं अभी आता हूँ, और एक एक के वॉशरूम में चला जाता है। वैन कांच में देखने लगता है वॉशरूम के। वैन स्माइल तो कर रहा होता है पर उसकी आंखों में बहुत आंसू रहते हैं। वैन एक पल में ही हंसता है तो एक पल में ही रोता है। फिर वैन अपना चेहरा साफ करता है पानी से और बाहर चला जाता है। ज़ाओ वैन को देखता है तो ज़ाओ को पता चल जाता है कि वैन अंदर रो रहा था। ज़ाओ वैन के पास जाता है, उसके गाल पे हाथ रखता है और कहता है लाओ वैन तुम फिर से रो रहे थे क्या, क्या हुआ बताओ मुझे। वैन तो पहले मना करता है पर वैन की आंखों में आंसू बढ़ने लगते हैं जब ज़ाओ ने ये पूछा होता है। तो ज़ाओ कहता है देखो तुम फिर से रोने वाले हो, बताओ क्या हुआ है। वैन की आंखों से आंसू आ जाता है और कहता है मैं आपके काबिल नहीं हूँ, मैं किसी चीज़ के काबिल नहीं हूँ, कि मैं आप दोनों के काबिल नहीं हूँ, मैं आप दोनों को डिज़र्व नहीं करता हूँ। और वैन रोने लगता है। ज़ाओ वैन को गले लगा लेता है और कहता है पागल हो क्या लाओ वैन, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। वैन कहता है कुछ नहीं बस लगता है। वैन अभी भी रो ही रहा होता है। ज़ाओ फिर वैन से अलग होता है, उसके गाल पर हाथ रखता है और सर पर अपना सर रखता है और कहता है तुम मेरे ही हो, तो मेरे सोलमेट हो लाओ वैन, और देखना हम दोनों शादी भी करेंगे। शादी बात सुनते ही वैन थोड़ा शांत सा हो जाता है, उसका रोना बंद हो जाता है। फिर ज़ाओ वैन की आंखों में देखता है और कहता है रो मत, तुम्हें रोता हुआ देख के मुझे कभी अच्छा नहीं लगता, पहले पूछ नहीं पाता था पर अब तुम्हें रहा क्या तुम पे, इसलिए रोना मत प्लीज़ मेरे लिए। फिर वैन भी स्माइल करता है, फिर ज़ाओ भी स्माइल करता है, और ना ज़ाओ फिर वैन से अलग हो जाता है और वो प्लेट नीचे ले जा ना चाहता था जिस प्लेट से उनने खाना खाया था। वैन कहता है मैं ले जाता हूँ ना मास्टर सू, आप क्यों जा रहे हैं। ज़ाओ कहता है तुम आराम करो लाओ वैन, मैं रख देता हूँ, और ये कहते ही प्लेट लेके कमरे से चला जाता है। वैन स्माइल कर रहा होता है और कहता है आप कितने अच्छे हो मास्टर शू। बस के कहानी और अभी के लिए इतना ही। कहानी स्टार्ट होता है, ये भाई और प्रिंस है। ये भाई प्रिंस को उसके घर छोड़ने गए होते हैं। ये भाई हमेशा की तरह प्रिंस के घर के थोड़े दूर अपना कार रोक लेते हैं और कहते हैं यहाँ से तुम पैदल ही जाओ। प्रिंस कार से उतर जाते हैं तो ये भाई पीछे से रोकते हैं और कहते हैं प्रिंसू। प्रिंस रुक जाते हैं और ये से कहते हैं कौन है ये प्रिंसू। ये कहते हैं तुम हो ना, मैं तुम्हें प्यार से प्रिंसू कह सकता हूँ। प्रिंस कहते हैं फालतू की बातें मत करो, और वहाँ से चले जाते हैं। ये चिल्ला के कहते हैं वैसे तो मेरे बॉयफ्रेंड तो हो ना जैसे तुमने बोला था, पर प्रिंस कोई जवाब नहीं देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। पर प्रिंस के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल रहती है और ये के चेहरे पे भी। फिर ये अपना कार चालू करके वहाँ से चले जाते हैं और प्रिंस अपने घर पहुँच जाते हैं। प्रिंस जैसे ही घर के अंदर जाते हैं वैसे उनके पापा ज़ाओ सिंह कहते हैं बेटा तुम इतने लेट तक आए हो, नाइट को कहाँ पे थे तुम। प्रिंस घबरा से जाते हैं। ज़ाओ सिंह कहते हैं और ये ड्रेस किसका है, तुम्हारे पास तो ऐसा ड्रेस नहीं था। प्रिंस कहते हैं वो मैं अपने दोस्त के घर था। ज़ाओ सिंह कहते हैं वाह तुम्हारा दोस्त भी है, तुमने मुझसे मिलाया नहीं, कभी बुलाओ ना उसे घर पे, मैं भी तो देखूँ तुम्हारे दोस्त को, मेरे बेटे ने पहली बार दोस्त बनाया है। प्रिंस कहते हैं पहली बार नहीं पापा दूसरी बार, पर पहली बार वाला गलत था पर ये काफ़ी अच्छा है। प्रिंस घबराते हुए कहते हैं एक्चुअली में पापा मैं उससे प्यार करने लगा हूँ, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। ज़ाओ सिंह थोड़े अटकते हुए कहते हैं और कहते हैं क्या वो कोई लड़की है क्या, तुम्हारी एक फीमेल फ्रेंड बनी है। प्रिंस कहते हैं नहीं वो मेल फ्रेंड ही है पर वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ज़ाओ सिंह थोड़ी देर शांत रहते हैं और ये देख के प्रिंस को अजीब लगता है। प्रिंस को लगता है कि ज़ाओ सिंह उसके और ये के रिश्ते को मना कर देंगे। ज़ाओ सिंह फिर प्रिंस के चेहरे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं मेरे बेटे को जो पसंद है वो उसके साथ ही रहे, मुझे कोई टेंशन नहीं है। प्रिंस खुश हो जाते हैं और अपने पापा को गले लगा लेते हैं और कहते हैं सच्ची में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है पापा। ज़ाओ सिंह कहते हैं नहीं तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। प्रिंस बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं थैंक यू सो मच आई लव यू पापा। ज़ाओ सिंह कहते हैं आई लव यू टू बेटा। फिर ज़ाओ सिंह कहते हैं पर ऐसे वैसे हाँ नहीं बोल दूंगा, तुम्हें उसे घर तो बुलाना पड़ेगा, पहले देखूँ तो मैं भी कि वो मेरे बेटे के काबिल है कि नहीं। प्रिंस खुश हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है मैं पक्का उन्हें बुलाऊंगा। ज़ाओ सिंह कहते हैं ठीक है जाके अपने कमरे में आराम कर लो, और प्रिंस अपने कमरे में चले जाते हैं।
जावजिंग वहाँ पे खड़ी हुई लू और साव को घूर के देखते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं। आज फिर से साव के शरीर पे बहुत ही चोट रहता है। साव के शरीर में बहुत चोट था, फिर भी साव मुस्कुरा रही होती है और लुओ उसे बस देखी ही जा रही होती है। अब कहानी सिर्फ अपने काउ वेनिंग पे होता है। काउ वेनिंग का दादा आज फिर से उसे मिलने आया था और कहा था कि गुजियन के बारे में पता लगाया, वो अमीर है ना, क्योंकि उसने सबसे महंगा कमरा ले रखा है यहाँ का, जो मैं तुम्हारे लिए अफोर्ड नहीं कर पाया, वो उस कमरे में रह रही है। काउ वेनिंग कहता है, मुझे पता नहीं, मैंने पूछा नहीं। उसके दादा कहते हैं, एक काम करो, तुम उसे शादी के लिए प्रपोज कर दो। मुझे पता है कि वो अमीर है, पर वो ऐसे दिखा रही है जैसे कि वो गरीब है, क्योंकि शायद उसे वो लड़के पसंद नहीं जो अमीर को देख के ही पसंद करें। काउ वेनिंग अटकते हुए कहता है, पर दादाजी आप भी तो वही कर रहे हो ना। दादा कहते हैं, चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। काउ वेनिंग कहता है, क्या आपको मेरे पे इतना विश्वास नहीं है क्या? मैं कमा नहीं सकता क्या जो आप एक अमीर लड़की देख के मेरी शादी करवा रहे हो? आप तो मुझे एक लड़की की तरह ट्रीट कर रहे हो कि कमाए वाला लड़का हो तो अपनी बेटी का हाथ उस पे दे दो। दादा कहते हैं, तुम बहुत बोलने लगे हो। फिर वो कहते हैं, वैसे भी तुम्हें वो लड़की पसंद है, तुम्हारा भाई कह रहा था, तो क्या जाता है अगर तुम उसे प्रपोज भी कर दो तो? काउ वेनिंग कहता है, पर दादाजी। उसके दादा कहते हैं, मुझे कुछ नहीं सुनना, उसे जाके प्रपोज कर दो ठीक है, और कुछ दिन डेटिंग करो, फिर बाद में उससे शादी के लिए पूछ लेना, फिर वो तुम्हें मना भी नहीं करेगी। अभी तो मना भी कर सकती है, बाद में नहीं करेगी तुम्हें जान के, क्योंकि मेरा पोता है ही इतना अच्छा। काउ वेनिंग कुछ कहता है उससे पहले उसके दादा कहते हैं, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हें उसे प्रपोज करना पड़ेगा। और ये कहते ही वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पे काउ वेनिंग का भाई आता है। मुँह काउ का भाई काउ वेनिंग से कहता है, अगर तुम उसे प्रपोज भी कर दोगे तो क्या जाएगा, दादाजी खुद चल के कह रहे हैं, और अगर वो गरीब भी निकली तो उसमें दादाजी की गलती है, तुम उसे फिर नहीं छोड़ सकते क्योंकि तुमने तो बोल दिया है ना। काउ वेनिंग कहते हैं, पर ये तो गलत होगा ना। उसके भाई कहते हैं, प्यार और जंग में कुछ गलत नहीं है, जाके प्रपोज कर दो ठीक है। वैसे भी तुम दादाजी का बात टाल तो नहीं सकते, पर ये एक अच्छा बहाना है, तुम उसे प्रपोज कर दोगे और शादी के लिए मान जाएगी वो, तो तुम शादी कर सकते हो उससे, और वो अमीर हो या फिर गरीब, फिर तुम दादाजी से बोल भी सकते हो कि आपने ये बोला था, अब मैं शादी नहीं तोड़ सकता, और अपने घर की रिवाज भी है, दी हुई जुबान पीछे नहीं जाती। और ये कहते ही काउ वेनिंग का भाई मुंह उसके गाल पे हाथ रख लेता है। काउ वेनिंग खुश होकर कहता है, ठीक है तो मैं कर दूंगा। अब कहानी अपने वुशी और युवान पे शिफ्ट होती है, जो एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश रहते हैं, वो बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो गए होते हैं, वो एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं। आज उन दोनों ने होटल से छुट्टी ली थी और वुशी अपने युवान को खाना बनाना सिखा होता है। युवान सब्जी काट रहा होता है पर उसकी उंगली कट जाती है, ये देख के वुशी फटाफट उसकी उंगली अपने मुंह में डाल लेता है और वो दोनों एक दूसरे के आंखों में देख ही रहे होते हैं। फिर वुशी युवान का हाथ छोड़ता है और वहाँ से चला जाता है। युवान अपने उंगली को ही देख रहा होता है और मन में ही सोचता है कि अब तो मैं इसे प्रपोज पक्का कर दूंगा, मुझे यकीन है ये मुझे मना नहीं कर पाएगा। अब अपने वुशी को दिखाया जाता है जो मन में ही कह रहा होता है, मैं युवान के करीब आता हूँ तो मुझे इतना अजीब क्यों लगने लगता है, कहीं मैं उसे पसंद तो नहीं करने लग गया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब ना वुशी भी युवान को पसंद करने लग गया होता है, पर कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है ना कि पसंद करते हैं कि नहीं, वही कंफ्यूजन में अपना वुशी था। अब कहानी अपने वैन पे शिफ्ट होते हैं, जो बेड पे बैठ के सोच रहा होता है कि अगर वो दवाई वांग मिला रहा है तो मतलब वो इंसान वांग ही है, अगर मैं वांग का सच सबके सामने ला दूँ तो मैं और जाओ सर हमेशा खुश रह सकते हैं, हम सब खुश रहेंगे, फिर कोई टेंशन नहीं रहेगा। वैन यही सोच रहा होता है कब से, और उसके चेहरे पे टेंशन साफ साफ दिखाई दे रहा था। वैन फिर सोचता है कि पर इसका सच्चाई सबके सामने लाऊं कैसे, पहले तो मुझे शोर करना पड़ेगा कि असली में वो इंसान वांग है या फिर नहीं। वैन ये सब सोच ही रहा होता है तभी जाओ कमरे में आ जाता है और जाओ वैन को स्ट्रेस में देख के सोच रहा होता है कि अब मेरे लव वैन को क्या हो गया। लव वैन को आवाज देता है और कहता है लव वैन, पर वैन जाओ की बात सुन ही नहीं रहा होता है, इसलिए जाओ वैन के शरीर पर हाथ रखता है। तब वैन कहता है, हाँ मास्टर शु आप यहाँ पे? जाओ कहते हैं, तुम भूल रहे हो ये मेरा ही कमरा है, सॉरी ये हमारा कमरा है आज से, पर ये मेरा भी तो है और मैं अपना कमरा छोड़ के कहाँ जाऊँगा, और दूसरी बात अब किस बात का स्ट्रेस ले रहे हो? तो वैन कहता है, नहीं मैं कोई स्ट्रेस नहीं ले रहा। जाओ बेड पे बैठ जाता है उसके बहुत ही करीब और कहता है, तब तुम्हारे चेहरे की 12 क्यों बजे हुए हैं, तुम्हारा चेहरा तो ऐसा नहीं है। वैन अटकते अटकते कहता है, वो एक्चुअली जाओ कहता है, हाँ बोलो
वैन कहता है मुझे भूख लगा है। जाओ सो को जाता है और कहता है क्या तुमने अभी तो खाना खाया था ना। वैन कहता है हाँ पर मुझे फिर से खाना है। जाओ कहता है ठीक है बताओ क्या खाना है मेरे लव वैन को। वैन मुस्कुराता है और कहता है बता दूं। जाओ कहता है हाँ बताओ तुम्हें जो खाना होगा मैं मंगवा दूंगा या फिर तुम्हारे लिए बना दूंगा। वैन कहता है मास्टर शू आप ना उसको बना सकते हो ना ही मंगा सकते हो। जाओ कहता है ऐसा क्या खाना है तुम्हें। वैन जाओ के ऊपर आ जाता है। जाओ बेड पर लेट जाता है और वैन उसके ऊपर रहता है और कहता है मुझे आपको खाना है क्या खा लूँ ऐसे कह के उसके नेक पे ऐसे ना हल्का हल्का बाइट करने लगता है। जाओ मुस्कुराता है और कहता है छोड़ो लव वैन। वैन कहता है क्यों आप भी तो उस समय किस कर रहे थे तो मैं क्यों नहीं कर सकता मुझे भी तो करने का हक होना चाहिए। जाओ कहता है हाँ पर अभी नहीं। वैन कहता है अभी क्यों नहीं इसके लिए भी कोई मुहूर्त होता है क्या। जाओ कहता है लव वैन अभी गेट भी खुला है कोई आ जाएगा कि ना गया तो। वैन कहता है ओ इस बात का है ना मैं अभी गेट बंद करके आता हूँ। और ये कहते ही फटाफट वैन उठता है और गेट बंद कर देता है और फिर से अपने जाओ के ऊपर बैठ जाता है। वैन कहता है अब मैं आपको खा सकता हूँ मुझे बहुत भूख लगा है। जाओ कहता है नहीं तुम खाना खाओ मुझे नहीं। वैन कहता है पर मेरा भूख तो इससे ही मिटेगा। जाओ कहता है नहीं बोला ना मैंने लाओ वैन पर वैन मानता नहीं है और जाओ के नेक पे किस करने लगता है। अपना जाओ मुस्कुरा रहा होता है फिर अचानक से वैन जाओ को किस करना छोड़ देता है और बहुत ही टाइट हग करके सो जाता है। वैन मन में ही कहता है मैं सब कुछ सही कर दूंगा और हम जिंदगी भर साथ रहेंगे मरते दम तक। जाओ भी फिर वैन को कस के हग कर लेता है और उसके सर पे हाथ रख के सोया रहता है। अब वो दोनों ऐसे ही लेटे लेटे सो जाते हैं। कमरे में किन आता है। किन और अनु साथ में रहते हैं और वैन ने ना जल्दबाजी में ढंग से गेट बंद नहीं किया था। किन जब गेट खोल के अंदर देखता है तो वो देखता है कि वैन और जाओ बड़े प्यार से सो रहे होते हैं और एक किन देख के बहुत ही खुश हो जाता है उसके चेहरे पे बहुत प्यारी स्माइल रहता है। किन अनु को पहले ही कह देता है कि अंदर आना तो एकदम धीरे आना कुछ मत बोलना। फिर अनु भी धीरे से आती है और उन दोनों को देख के वो भी एक स्माइल करती है। फिर किन और अनु वहाँ से चले जाते हैं। बाहर आते ही किन अनु को गोद में उठा लेता है और गोल गोल घुमाने लगता है। फिर किन रुकता है और खुशी से कहता है कि फाइनली मेरे भैया और जीजू एक हो गए। फिर किन अनु के चेहरे पे हाथ रखता है और कहता है एक बार उनकी शादी हो गई फिर हम भी शादी कर लेंगे। और ये कहते ही अनु के सर पे एक छोटा सा प्यारा सा किस करता है। अनु कहती है तुम्हें इतना खुश देख के मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। और ये कहते ही अनु किन के लिप्स पे हल्का सा छोटा सा किस करती है और ये देख के किन एकदम शॉक रहता है क्योंकि अनु ने आज तक उसे लिप किस नहीं किया ना ही उसने किया होता है। अनु तो वहाँ से चले जाती है पर किन अपना लिप्स पकड़ के बैठा रहता है। अब थोड़ी देर बाद जाओ की नींद खुल जाती है और जाओ तो सिर्फ वैन को ही देखा हो रहा होता है देख ही रहा होता और स्माइल कर रहा होता है। तभी वैन बोलता है कि बस कीजिए देखना मास्टर सू आप तो मुझे खा ही जाएंगे। और ये कहते ही वैन अपनी आँखें खोल लेता है। जाओ कहता है तुम सो नहीं रहे थे क्या। वैन कहता है सो रहा था पर नींद खुल गया। जाओ कहता है अच्छा तो तुम उठ के क्यों नहीं गए। वैन कहता है अच्छा तो आप उठ के क्यों नहीं गए जब आप जग गए थे तब। जाओ और वैन फिर दोनों साथ में मुस्कुराते हैं। फिर जाओ वैन के बालों को सही करता है और कहता है आज मैं ना तुम्हें किसी से मिलवाने वाला हूँ। वैन कहता है किससे। जाओ कहता है सब्र करो मेरे लव वैन अभी बता दूंगा। और ये कहते ही हेड पे किस करता है और उठ के वहाँ से चला जाता है। वैन भी फिर बेड पे बैठ जाता है और कहता है अब तो कुछ भी हो जाए मैं वांग का सच पता लगा के रहूँगा या फिर उस इंसान को तो मैं ढूंढ के ही रहूँगा जो जाओ सर के पीछे पड़ा है। मैं अब जाओ सर को अपने आप से तो अलग नहीं करूँगा उनको पाने के लिए मैं कुछ भी कर लूँगा। अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। अनु और अपना किन और जाओ और अपना वैन एक कमरे के बाहर खड़े रहते हैं। वैन बोलता है कि इस कमरे के अंदर क्या है मास्टर शू। जाओ बोलता है अरे यार सब्र करना तो सीखो। किन कहता है सही बात है जीजू को सब्र नहीं होता बहुत स्पीड में रहते हैं मेरे जीजू। वैन बोलता है हाँ हाँ साले साहिबा जो बोलना है बोल दीजिए। जाओ ये सुन के शौक रहता है। जाओ वैन से कहता है तुम इसे साले कब से बोलने लगे। वैन कहता है जब से तुमने मुझे और यही कह के शांत हो जाता है। किन कहता है क्या जब से तुमने मुझे क्या कहना क्या चाहते थे कंप्लीट कीजिए ना ये आधा अधूरा क्यों छोड़ रहे हैं। जाओ बात को काटता है और कहता है अंदर चल लेते हैं फिर आएंगे ना अंदर से तब जितना लड़ाई करना और जितना बहस करना हो कर लेना। और ये कहते ही जाओ कमरे का गेट खोल लेता है
उस कमरे में जाओ के सारे ही पूर्वज थे, मतलब जो जो मरे हुए थे उनकी वहाँ पे फोटो पड़ी हुई थी। चारों के चारों अंदर जाते हैं। जाओ जिसू अपने वैन का हाथ पकड़ लेता है और किन को इशारा करता है कि अपने अन्नो का हाथ पकड़ ले। किन भी फिर अन्नो का हाथ पकड़ लेते हैं। वैन तो जाओ को देखने लगता है, फिर जाओ प्यारी से स्माइल करता है तो फिर वैन भी प्यारी से स्माइल करता है। दोनों साथ में जाते हैं और एक फ़ोटो के सामने खड़े हो जाते हैं और जाओ कहता है उस फोटो के सामने कि मम्मी जी मैं ना आपका दामाद लेके आया हूँ, ये मेरा होने वाला पति है और मैं इसका होने वाला पति। वैन उस फोटो पे ध्यान नहीं दे रहा था, वैन सिर्फ जाओ के बातों पे ध्यान दे रहा था। फिर जाओ वैन का हाथ छोड़ता है और अन्नो को अपने पास लेता है और कहता है और ये इस घर की होने वाली हो अपनी किन की वाइफ। वैन ने तो उस फोटो के सामने कुछ नहीं बोला होता है, पर अन्नो उस फोटो के सामने झुकती है, उसे ग्रीट करती है और कहती है मैं आपके बेटे को हमेशा खुश रखूंगी, मैं ये वादा करती हूँ। और ये कहते ही किन का हाथ पकड़ लेती है और किन स्माइल करने लगता है। जाओ कहता है उससे पहले किन कहता है वैसे आपने मेरे चीजू को अपने होने वाला हस्बैंड कहा और आपको उसका होने वाला हस्बैंड, मतलब आप दोनों। जाओ कहता है तुझे सब कुछ पता रहता है फिर भी तुझे छेड़ने में मजा आता है ना। किन मुस्कुराता और कहता है हाँ मजा तो बहुत आता है। फिर जाओ वैन से कहता है देखो अन्नो ने ना मेरे मम्मी पापा के सामने ग्रीट भी किया और उनसे बात भी किया, पर तुम तो मुझे ही देखे जा रहे हो, जिंदगी भर मुझे ही देखना है, अब मेरे मम्मी पापा को ग्रीट करो। वैन फिर उस फोटो पे अपनी नज़रें डालता है और नज़रें डालते ही वैन बहुत शौक हो जाता है, वैन के ओसो हवास उड़ जाते हैं। वैन घोर से उस फोटो को ही देखने लग जाता है। ये फोटो उन्हीं कपल की रहती है जिसके मारने की सुपारी भूत घाटी को अपने राजकुमार ने दी होती है। वैन मन में ही कहता है मतलब राजकुमार ने जाओ की फैमिली को मारने की सुपारी दी थी, और ये सोच के ही वैन बहुत शौक रहता है। जाओ वैन से कहता है ऐसे क्या देख रहे हो मेरे मम्मी पापा को, ग्रीट करो। फिर वैन अपने ऐसे ना थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करता है, होश में आता है और जाओ के मम्मी पापा को ग्रीट करता है और कहता है कि मैं आपके बेटे का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं वादा करता हूँ। और ये कहते ही जाओ का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मरते दम तक इसका साथ निभाऊंगा, मैं इसके साथ कभी धोखा नहीं करूंगा। और ये बात सुनते ही जाओ तो बहुत स्माइल कर रहा होता है। ये सीन यही खत्म होता है। अब अपने वैन को दिखाया जाता है जो गार्डन एरिया में खड़ा रहता है। वैन अपने सर पे हाथ रखता है और कहता है एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, मैं अगर ये कह भी दूँ अपने जाऊ से मतलब अपने मास्टर शू से कि राजकुमार ने उनकी मम्मी पापा का कत्ल करवाया है तो वो मानेंगे भी नहीं, कि वो राजकुमार को इतना मानते हैं कि वो मेरे बात को ही झूठ ना समझें, अब मैं क्या करूँ। वैन ये सब सोच रहा होता है तभी वैन को पीछे से जाओ हक कर लेता है। वैन कहता है अरे मेरे लाओ वैन इतना क्या सोचते रहते हो। फिर वैन जाओ का हाथ पकड़ता है, उसके चेहरे की तरफ अपना चेहरा करता है और कहता है कुछ नहीं मेरे मोशिशु, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ। जाओ बोलता है पूछो ना मेरे लाओ वैन। वैन कहता है ये राजकुमार कैसे इंसान है। जाओ फिर वैन को छोड़ देता है और कहता है क्या हुआ तुम ना अचानक से सबके बारे में पूछने लग जाते हो, तुम्हारा मुझे वो समझ में ही नहीं आता है। वैन कहता है बोलो ना मास्टर शू राजकुमार कैसे इंसान है। जाओ कहता है वो काफी अच्छे इंसान है, उन्होंने मेरे से कभी झूठ नहीं बोला, जब मेरे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ था और जब वो चले गए थे मुझे छोड़ के तब राजकुमार ने ही मुझे संभाला था, इस बिजनेस को खड़ा करने के लिए उनने ही मुझे हिम्मत दिया था, वो काफी अच्छे हैं, मैं उन पर आंख बंद करके विश्वास करता हूं और उनके बारे में कोई गलत बोले ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैन कुछ बोल ही नहीं पाया आगे क्योंकि जाओ ने पहले ही बोल दिया था उनके बारे में कोई गलत बोले वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए वैन कुछ नहीं बोलता। फिर जाओ कहता है मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूं, पर मेरे दोनों दोस्त उनसे बहुत नफरत करते हैं। वैन कहता है क्यों। जाओ कहता है पता नहीं युवान तो उससे उतनी नफरत नहीं करता, पर ये भाई बहुत नफरत करता है, ऐसा लगता है कि अगर दोनों को अकेला छोड़ देना तो वो एक दूसरे की जान ले लेंगे। और ये कहते ही जाओ थोड़ा सा मुस्कुराता है। वैन मन में ही ये भाई का नाम लेता है। अब खाने का वक्त हो रहा होता है और आज वैन हान के लिए भी खुद ही खाना बनाता है। वैन हान के पास जाता है और उसे खुद ही खाना देता है। हान बोलता है क्या हुआ आज तुम खाना लाए हो। वैन कहता है हाँ वो मेरी बहन डॉक्टर है ना तो उनने खाना सजेस्ट किया है कि ये खाना खिलाओगे तो तुम जल्दी सही हो जाओगे, इसलिए। हान कहता है इतना सोचने के लिए थैंक यू, पर तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास वान है जो सब कुछ कर लेता है। वैन कहता है हाँ मुझे पता है, पर मैं आपके लिए कुछ करना चाहता था इसलिए मैंने ये कर लिया। फिर वैन वहाँ के बुक का पानी चेंज कर देता है। हान कहता है तुम पानी को चेंज करो। वैन कहता है ऐसे ही इस पानी में दवाई मिलाया है जो आपके हेल्थ के लिए सही है। हान कुछ नहीं कहता तभी वहाँ पे वांग आ जाता है और वैन को देख के कहता है वैन भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं और आपने आज हान सर के लिए खाना बनाया। वैन कहता है हाँ
गुजिया ने बोला था कि अगर मैं इन्हें ये खाना खिलाऊंगा तो ये जल्दी सही हो जाएंगे। वांग मुस्कुराता और कहता है, अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू वेन भाई, आप इतना कुछ कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हान सर एकदम सही हो जाएं और वो वापस हमारी तरह चलने फिरने लग जाएं। वेन आज थोड़ा सा ही मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है। वेन कमरे के बाहर जाता है तो वांग की तरफ देखता है। वेन कहता है, इसको देख के तो नहीं लगता कि इतना चतुर होगा, पर क्या पता, आजकल के इंसानों का कोई भरोसा नहीं। और अभी के लिए इतना ही है। कहानी स्टार्ट होती है अपने जाओ से। जाओ वैन का इंतज़ार कर रहा होता है, वैन कहीं बाहर गया होता है। जाओ कब से वैन का इंतज़ार कर रहा होता है पर वैन आया ही नहीं होता है। इस वजह से जाओ को नींद आ जाती है और वह सो जाता है। अब थोड़ी देर बाद वैन घर पे आ जाता है। वैन जैसे ही कमरे में जाता है वैसे ही जाओ जुसू की नींद खुल जाती है। जाओ जुसू कहता है, लाओ वैन तुम आ गए, और ये कहते ही फटाफट उठ के लाओ वैन के पास जाता है। वैसे ही देखता है कि जाओ जुसू की गाल लाल हो गई है, मतलब उसको बहुत तेज किसी ने मारा है या फिर गिर गया है। जाओ जुसू बहुत टेंशन हो जाता है और कहता है, तुम्हें चोट कैसे लगी। वैन जाओ जुसू का हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ पे एक प्यारी सी किस करता है और कहता है, कुछ नहीं मास्टर सू, बस मैं बाइक से गिर गया था। जाओ बोलता है, पक्का ना लाओ वैन। वैन कहता है, पक्का मास्टर सू, और ये कहते ही जाओ जुसू को गले लगा लेता है। जाओ जुसू बोलता है, तुम्हें क्या हुआ अचानक से। वैन बोलता है, मास्टर सू अगर मैं आपसे कहूँ तो आप गुस्सा तो नहीं होगे ना। जाओ वैन को थोड़ा सा अलग करता है अपने आप से, उसके गाल पे हाथ रखता है और फोरहेड पे किस करता है और कहता है, बोलो ना लॉवन, मैं तुम्हारी किसी बात से गुस्सा नहीं होगा। वैन थोड़ा थोड़ा कहता है, वैन पहले कहता है, अगर मैं कहूँ। जाओ बोलता है, क्या कहूँ। लॉवन फिर कहता है कि मैं आपको। जाओ बोलता है, तेज तेज बोलो ना लाओ वैन। वैन बोलता है, ठीक है अब मैं तेज तेज बोलूंगा, और ये कहते ही जाओ को गोद में उठा लेता है और गोल गोल घुमाने लगता है और कहता है, अगर मैं कहूँ कि मैं आपको ढेर सारा किस करना चाहता हूँ तो आप गुस्सा तो नहीं होंगे ना, मुझे करने देंगे ना। जाओ मुस्कुराता है और कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या लाओ वैन। वैन बोलता है, नहीं। जाओ बोलता है, अब मुझे नीचे उतारो। वैन बोलता है, नहीं उतारूंगा। जाओ बोलता है, उतारो। वैन बोलता है, नहीं नहीं मैं तो नहीं उतारने वाला, और ये कहते ही जाओ को बेड पे लेटा देता है। जाओ वैन से कहता है, लाओ वैन हटो मेरे से। वैन कहता है, मैं तो नहीं हटने वाला, और ये कहते ही अपनी आईब्रो हिलाने लगता है। जाओ बोलता है, ये आईब्रो क्यों ला रहे हो। वैन बोलता है, क्योंकि मैं आपको किस करने वाला हूँ, और ये कहते हैं किस करने वाला ही रहता है। तभी जाओ जिसू वैन के पेट पे एक हल्का सा मारता है और उसको वहाँ से हटा देता है। लाओ वैन को उतना तेज लगा भी नहीं होता है, फिर भी वो पेट पकड़ के बैठ गया होता है और कहता है, आ कितनी तेज लगी आपने, मुझे कितना तेज मारा, आपको पता है मुझे कितना दर्द हो रहा है, अब तो ये किस करने से ही सही होगा। और ये कहते हैं जाओ जुसू के पास किस करने जाता है। अपना जाओ जुसू वैन के चेहरे पर हाथ रख देता है और कहता है, तुम मानोगे नहीं ना, तुम इतने बदमाश कब से हो गए हो। अपना वैन बेचारा बच्चों वाला मुँह बना के कहता है, एक किस करने दो ना, एक किस करने से आपको क्या चला जाएगा। जाओ बोलता है, बहुत कुछ चला जाएगा, नहीं करना है, और ये कहते ही वैन के गाल ऐसे ना खींचने लगता है। वैन एक क्यूट सा पाउट बना के बैठ जाता है। जाओ मुस्कुरा रहा होता है, फिर जाओ अपने आप ही उसके लिप्स पे जाके हल्का सा किस कर लेता है। वैन कहता है, अरे ये क्या मेरे होंठ को छू के गया, ये किस होता है क्या मास्टर शू। जाओ शू बोलता है, तो क्या होता है। वैन कहता है, इसे किस नहीं कहते मेरे नज़रों में, और ये कहते ही जाओ के बालों को कस के पकड़ लेता है पीछे साइड से और उसे बहुत ही तेज किस करने लगता है। वैन का एक हाथ जाओ के बाल पे था और दूसरे हाथ उसके नेक पे, और वो बहुत ही तेज किस कर रहा होता है। वैन अपने दांतों से जाओ के लिप्स को बाइट करता है। जाओ के तो किस के वजह से सांसें भरने लग जाती है। जाओ का एक हाथ वैन के बाल पे था और दूसरा हाथ उसके कमर पे। अब जब दोनों की सांसें भरने लग जाती है तब वो रुकते हैं। जाओ ने अपना सर वैन के सर पे रखा था और वो दोनों की सांसें बहुत ही भर रही होती है और वो दोनों मुस्कुरा भी रहे होते हैं। वैन फिर थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है, मास्टर शू। अपना जाओ सु बड़े प्यार से कहता है, हाँ लाओ वैन। वैन बोलता है, अगर मैं कहूँ कि राजकुमार ने आपके माँ बाप को मरवाया है तो आप क्या कहोगे मुझसे। और ये सुनते ही जाओ जिसू वैन से दूर हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हारी बात को बिल्कुल नहीं मानूंगा। वैन सीरियस होकर खड़ा हो जाता है और तेजी तेजी से बोलने लग जाता है, मैं जब अपना डील कम्प्लीट करके अपने लीडर के पास जा रहा था कि मैंने उनको मार दिया ये बताने के लिए, तभी मैंने देखा कि एक आदमी किसी के कपल को मारने का डील लाया है, और वो आदमी और कोई नहीं राजकुमार थे, और वो जो कपल थे वो आपके माँ बाप थे। वो केस मुझे मिलने वाला था पर मैंने मना कर दिया था, तब वो किसी और को मिला था। मैं सच कह रहा हूँ मास्टर शू, मेरी बात को मानिए, राजकुमार ने आपके माँ बाप को मरवाया है। और ये कहते ही बड़े प्यार से जाओ जिसू के गालों
को पकड़ लेता है। जाओजुसु बहुत ही सीरियस रहता है। जाओजुसु बोलता है, सबूत क्या है? वैन का हल्का हल्का सा ऐसा रोने जैसा चेहरा हो जाता है। वैन कहता है, सबूत नहीं है मेरे पास, फिर मेरी बात पे विश्वास कीजिए माशुशु। जाओजुसु वैन का हाथ अपने गालों से हटा देता है और कहता है, कमरे से जाओ लाओ वैन। वैन कहता है, क्या? जाओ कहता है, कमरे से जाओ। वैन कहता है, मेरे बात पे विश्वास तो किसे? जाओ कहता है, अगर सबूत नहीं है तो मैं तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं करूंगा, सबूत हो तब आना। और ये कहते ही जाओ को कमरे से निकाल देता है, सॉरी वैन को कमरे से निकाल देता है। अब दो दिन बीत जाते हैं। जाओजुसु ने वैन से बिल्कुल बात नहीं की थी और वैन भी जाओ के आसपास नहीं रहता था। वैन वांग के पास ज्यादा रहता था ताकि वो देख सके कि वो हांग के खाने में कुछ मिला रहा है क्या। वैन इन दिनों हान का बहुत ही अच्छे से ध्यान दे रहा होता है और ये वांग इस बात को नोटिस करता है और कहता है वैन से कि आजकल आप बहुत ही ज्यादा हान सर की ख्याल रखते हैं, ऐसा क्यों? वैन बोलता है, ऐसे ही। क्या? वैन बोलता है, ऐसे ही। फिर वैन बोलता है, क्या हुआ? तुम चाहते नहीं हो कि हान जल्दी सही हो जाए? वांग बोलता है, ऐसी बात नहीं है, मैं तो चाहता हूँ वो एकदम सही हो जाए और फिर से जाओ सर की ड्यूटी पे चले जाए ताकि आपको थोड़ा आराम मिल जाए। वैन गुस्से में वांग को देखता है और कहता है, तुम चाहते हो मैं मास्टर सू से दूर हो जाऊँ? वांग बोलते हैं कि आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैं ये नहीं चाहता, आप गलत सोच रहे हैं पता नहीं क्यों। वैन भाई आप बुरा मत मानिएगा पर आजकल आप मुझे बहुत ही क्रीपी लगते हैं। और ये कहते ही वांग वहाँ से चला जाता है और वैन तो वांग को देख ही रहा होता है। अब कहानी शिफ्ट अपने जाओजुसु पे होता है। जाओजुसु कमरे में बैठा हुआ था। जाओजुसु मन में ही सोचता है कि उस दिन के बाद से वैन ने मेरे से बात करने की कोशिश भी नहीं की, वो हमेशा उस वांग के साथ ही रहता है। मन करता है उस वांग की जान ले लूं या फिर उसे काम से निकलवा दूं, उसका तो कुछ करना पड़ेगा। उसकी वजह से वैन मेरे करीब ही नहीं आ रहा है, मुझसे बात करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। जाओजुसु अपना बहुत ही गुस्से में था। अब कहानी शिफ्ट राजकुमार पे होती है। राजकुमार को दो दिन पहले एक मैसेज आया था जिसमें उस मैसेज में लिखा हुआ था कि मुझे पता है कि तुमने बहुत बड़े बिजनेसमैन के माँ बाप को मरवाया है। राजकुमार ने उस बात को उस समय सीरियस नहीं लिया था पर उस बंदे ने एक वीडियो भेज दिया जिसमें राजकुमार भूत घाटी में थे जो वहाँ के लीडर को पैसा दे रहे थे उसके माँ बाप को मरवाने के लिए। राजकुमार गुस्से से भूत घाटी के उस लीडर को फोन करता है और कहता है, तुमने मेरा वीडियो क्लिप बाहर क्यों निकाला? तुमने सीसीटीवी का फुटेज किसको कैसे दे दिया? तुम ऐसा डबल गेम खेल रहे हो क्या? तुम्हें पैसे चाहिए क्या अचानक से? उस लीडर को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है क्योंकि राजकुमार अचानक से फोन लगा के उस पे भीड़ पड़े थे। वो लीडर कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजकुमार कहता है, बड़े सीधे बन रहे हो, तुम्हें पता नहीं है? लीडर कहता है, नहीं। राजकुमार उस लीडर को फुटेज भेज देता है और कहता है, ये फुटेज बाहर कैसे आई? ये तुम्हारे सीसीटीवी कैमरा की है ना? ये देख के भूत घाटी का लीडर खुद शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ से ये सब अलाउ नहीं है, किसी को ब्लैकमेल करना, मतलब जो आपको डील देता है उससे फिर बाद में फुटेज दिखा कर ब्लैकमेल करना वहाँ का नियम नहीं है। वहाँ पे जो भी होता है बड़े गुप्त तरीके से होता है, पता ही नहीं चलता कि किसने किसको मरवाया है। वो लीडर कहता है, मैं अभी पता लगवाता हूँ कि काम किसने किया है। राजकुमार कहते हैं, जल्द से जल्द पता लगवा लो तो तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। वो लीडर और कुछ नहीं बोलता और फोन काट देता है और गुस्से में सबसे कहता है कि फुटेज किसने बाहर निकलवाई। सब कहते हैं, हमने ऐसा नहीं किया। वहाँ पे फई भी था जो कुछ नहीं बोल रहा होता है, लीडर को उस पे शक जाता है। लीडर फई से कहते हैं, तुमने तो ऐसा नहीं करवाया ना। फई बोलता है, मैं ये करवा के क्या करूँगा, मेरे पास अभी पैसे की कमी नहीं है, ठीक है, और मेरे पे शक करना बंद कर दो। और ये कहते ही वहाँ से चला जाता है और लीडर तो सोच ही रहा होता है कि फुटेज आखिर निकलवाई किसने होगी। कहानी सिर्फ राजकुमार पे होते हैं। राजकुमार के पास एक कॉल आता है जो अननोन नंबर होता है। राजकुमार फोन उठाता है और कहते हैं, हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? फोन वाला लड़का बोलता है, मैं तुम्हारा कॉल बोल रहा हूँ। राजकुमार बोलते हैं, क्या मतलब? वो लड़का बोलता है, क्या है ना, मुझे पता है कि तुम जाओजुसु के बहुत अच्छे हो इसलिए तुम उससे अपनी दोस्ती तो तोड़वाना नहीं चाहोगे। तुम जाओजुसु के एकदम अंकल टाइप हो, तुम उनके पापा के दोस्त हैं ना। राजकुमार समझ जाता है कि ये वही लड़का है जो उससे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। राजकुमार बोलते हैं, तुम चाहते क्या हो? वो लड़का बोलता है, कुछ नहीं, बस 20 लाख। राजकुमार बोलते हैं, 20 लाख? वो लड़का बोलता है, तुम्हारे और जाओ के रिश्ते से ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या तुम्हारे लिए 20 लाख? राजकुमार बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, कहाँ पे भिजवाना है या फिर किस अकाउंट में डलवाना है? वो लड़का बोलता है, अकाउंट में नहीं डलवाना है, मैं फंस जाऊंगा, अचानक से मेरे अकाउंट में इतने सारे पैसे आ गए तो तुम आ जाना पैसा लेके। वो राजकुमार बोलते हैं, कहाँ पे और कब? वो लड़का बोलता है, कल, और एक एड्रेस दे देता है। अब अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे राजकुमार पैसे वो ले जा रहे होते हैं। राजकुमार अपने ड्रोबर से एक बंदूक निकालते हैं और कहते हैं, पैसे तो तुझे मिलेगा नहीं,
पर तुझे मौत जरूर मिलेगी। और ये कहते ही बंदूक अपने पॉकेट में डाल देते हैं और चले जाते हैं वहाँ से। अब राजकुमार उस एड्रेस पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे उस लड़के ने उसे बुलाया था। राजकुमार पहुँचते ही कहते हैं, मैं आ गया हूँ, सामने आओ और ये पैसे ले जाओ। तभी एक लड़के की आवाज़ आती है जो कहता है, हाँ क्यों नहीं। और वो लड़का राजकुमार के सामने आता है। राजकुमार वो उस लड़के को देख कर कहते हैं, तुम? वो लड़का अपना वैन केजिंग रहता है। वैन केजिंग बोलता है, हाँ मैं। लाओ पैसे लाओ मेरे, तभी मैं तुम्हें तुम्हारा फुटेज दूंगा। राजकुमार मुस्कुराता है और कहता है, मुझे पता था तुम एक नंबर के कमीने हो। वैन मुस्कुराता है और कहता है, सेम टू यू, मुझे भी पता था तुम एक नंबर के कमीने हो। चलो ये तो बताओ, तुमने जाओजुसू के माँ बाप को मरवाया क्यों? राजकुमार हंसते और कहते हैं, चलो तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हारी लास्ट विश समझ के, क्योंकि अब तो तुम बच के नहीं जाने वाले। फैन मुस्कुरा के कहता है, अच्छा। राजकुमार कहते हैं, हाँ। और राजकुमार एक सीटी बजाते हैं, तभी बहुत सारे आदमी अंदर आ जाते हैं, कम से कम 20 आदमी थे। वैन उन आदमियों को देखता है और कहता है, अच्छा किया तुमने इतने सारे आदमी लाके, मेरी इज्जत बच गई, मतलब मुझ जैसे लोगों को मारने के लिए 2-3 आदमी काफी नहीं है ना, मैं जानता हूँ। राजकुमार बोलते हैं, अच्छा ये बताओ तुम्हें फुटेज कहाँ से मिली? वैन बोलता है, ये तो बताओ तुमने मास्टर सू के माँ बाप को मरवाया क्यों? राजकुमार हंसते हैं और कहते हैं, बस मेरा मन हुआ उन्हें मरवाने का तो मैंने मरवा दिया। और ये कहते ही अपने आदमियों को साइन देते हैं कि जाके वैन को मारो। सारे आदमी वैन को मारने के लिए आ जाते हैं और वैन सबको मारने लग जाता है। कोई भी आदमी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। वैन की फाइटिंग स्किल बहुत अच्छी थी। वैन हंसता और कहता है, मुझे मारने के लिए नहते ही आ गए, कम से कम एक बंदूक तो ला जाए मारने के लिए, हाथों से मारने आ गए, खुद को ज़्यादा स्ट्रांग समझ रखा है क्या? आधे से ज़्यादा लोग ऐसे ही ज़मीन पर पड़े हुए थे, एक ही था जो उनसे फाइटिंग ढंग से कर पा रहा था वैन से। वैन उस लड़के को कहता है कि आगे जाके बहुत अच्छे फाइटर बनोगे पर मेरे सामने नहीं चलेगा। और वैन उसकी गर्दन पे एक मारता है और वो लड़का खून की उल्टी करके बेहोश। राजकुमार कहते हैं, मैं उतना पागल नहीं हूँ जितना तुम समझते हो। वैन कहते हैं, मतलब? राजकुमार तभी अपने पॉकेट से वही बंदूक निकालते हैं और वैन पे अचानक से ही गोली चला देते हैं। वैन को वो गोली लग जाती है। वैन को जैसे ही गोली लगती है वैसे ही अचानक से वहाँ पे जाओजुसू आ जाते हैं और ये भाई भी। जाओजुसू वैन को गिरने से रोक लेता है और ये भाई भाग के जाता है और राजकुमार को कस के मुक्का मारता है और राजकुमार का बंदूक भी ले लेता है। राजकुमार वैन से कहते हैं कि तुमने मेरे साथ खेल खेला। वैन के हाथों से बहुत ही खून निकल रहा होता है। जाओजुसू को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। जाओजुसू बोलते हैं, मैं बताता हूँ खेल किसने खेला है। जाओजुसू गुस्से से उठते हैं और राजकुमार के मुंह पे बहुत ही तेज लात मारते हैं। जाओजुसू राजकुमार को खड़ा करते हैं और उसके मुंह पे पंचेस मार रहे होते हैं। जाओजुसू बहुत ही गुस्से में बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लाओ वैन को मारने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाप को मारने की? जाओजुसू की आंखों में आंसू आने लगता है। जाओजुसू कहते हैं, मैंने आप पे इतना विश्वास किया, मैंने अपनी लाओबेन की बात नहीं मानी पर आप ऐसे निकले। मैं अपने जिगरी दोस्त ये भाई से भी लड़ता था आपके लिए पर आप ऐसे निकले। और ये तो बहुत मार रहा होता है, रो भी रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि जाओजुसू तो आज राजकुमार को मार ही डालेगा। ये देख के अपना वैन उठता है जाओजुसू को रोकने के लिए, तभी ये भाई वैन को रोक लेते हैं। ये भाई कहते हैं, मारने दो उसे, वो उसी काबिल है। वैन कहता है, मैं नहीं चाहता कि मास्टर सू के हाथ किसी के खून से भरे। ये भाई बोलते हैं, मैं भी नहीं चाहता कि मेरा दोस्त किसी को मारे पर ये बुढ़ा बहुत डीट है, इतने जल्दी नहीं मरेगा, इसको मार खाना तो चाहिए ही, इसने जाओजुसू के माँ बाप को मारा है। अब तुम ही सोचो, अगर तुम्हारे माँ बाप को किसी ने मारा हो और वो कातिल तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम क्या करोगे? उससे एक दो पंचेस मार के जाने दोगे कि जाओ जो हो गया वो हो गया? नहीं ना। ये बात सुन के भी वैन वहाँ पे रुक जाते हैं और जाओजुसू को रोकने नहीं जाते हैं। और जाओजुसू रो रो के राजकुमार को मार ही रहे होते हैं। राजकुमार कहते हैं कि मेरी बात सुनो जाओ, मैंने तुम्हारे भले के लिए किया है। पर अपने जाओजुसू कहाँ सुनने वाले थे, वो तो बहुत ही मार रहे होते हैं। ज्यादा राजकुमार को मार दिए होते हैं तब ये भाई खुद जाके जाओजुसू को रोक लेता है। पर जाओजुसू तो रुकने वाला नहीं था, वो तो ये भाई को भी धक्का दे देता है। पर ये भाई बोलते हैं कि देखो वैन की हालत कितनी खराब हो रही है, उसका खून कितना निकल रहा है, तुम्हें अभी उसके पास जाना चाहिए ना कि इससे मारना चाहिए। ये बात सुनते ही जाओजुसू फटाफट भाग के लावेन के पास जाते हैं। कहते हैं, लावेन बहुत खून निकल रहा है ना, चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। वैन मुस्कुराता है और कहता है, मैं ठीक हूँ। वैन राजकुमार से बोलते हैं, बताओ तुमने मास्टर सू के माँ बाप को क्यों मारा? राजकुमार गुस्से से बोलते हैं, क्यों ना मारता मैं? जाओजुसू से
कब से प्यार करता हूँ, ये जब 10 साल का था तब से मैं इसे प्यार करता हूँ, पर इसके माँ बाप मुझे उसके करीब जाने ही नहीं देते थे। वो चाहो जिसु को मेरे से अलग कर रहे थे। राजकुमार हंसते और कहते हैं, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने मरवा दिया। मैंने तो सीए को भी मरवाने की कोशिश की थी पर ये बच गया। ये मुस्कुराते और कहते हैं कि तेरे जैसे चींटियों के हाथों से मैं नहीं मरने वाला। ये भाई राजकुमार के मुँह पे पंच मारते हैं और कहते हैं, ठरकी बुढ़ा कहीं का, मुझे पता था तेरी नीयत के बारे में। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पे पुलिस की सायरन बजने लग जाती है और वहाँ पे पुलिस आ जाते हैं और राजकुमार को पकड़ के ले जाते हैं। अब जावजुसु और ये भाई वैन को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं कि सही है कि गोली छू के चली गई, इसलिए कुछ ज्यादा खतरा नहीं है, पर इस हाथ का अब कम ही उपयोग करना तुम। वो डॉक्टर अपने वही वाले डॉक्टर रहते हैं, मतलब जावजुसु के फैमिली डॉक्टर एक तरीके से। जावजुसु उनसे बोलते हैं, मैं ना वैन को इस हाथ का बिल्कुल यूज नहीं करने दूंगा। ये बात सुन के वैन मुस्कुराते हैं। डॉक्टर ये भाई से बोलते हैं, वैसे तुम्हारा वो साइको दोस्त क्या कर रहा है जो बिन मतलब का सबको मारने लगता है। अपने ये बोलते हैं कि वो ठीक है और वो अब किसी को उतना नहीं मारता। डॉक्टर बोलते हैं, तब ठीक है। डॉक्टर बोलते हैं, वैसे अगले महीने फिर से हमें अपने हॉस्पिटल की सफाई करनी है, तो तुम उसे बुला दोगे तो सही है क्योंकि वो सफाई बहुत अच्छा करता है। ये भाई बोलते हैं, नहीं डॉक्टर, मैं तो उस दिन उसको सबक सिखाने के लिए लाया था, पर अब ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। डॉक्टर कहते हैं, मुझे पता है, मैं भी मजाक ही कर रहा था, ठीक है अब मैं चलता हूँ, तुम सब अपना ध्यान रखना। और ये कहते ही डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। जाओ जिसको बोलते हैं वैन से और ये भाई से, वैसे तुम दोनों एक दूसरे से कब मिले, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि तुम दोनों ने ये सब प्लान बनाया कब। जाओ बोलते हैं, मेरे पास तो अचानक से ये आता है और बोलता है चलो, मुझे पता ही नहीं कहाँ चलना था और चल क्या रहा है। फ्लैशबैक टाइम, अपना जाओ जिसको कमरे में बैठा हुआ था और गुस्से में ही अपने वैन के बारे में सोच रहा होता है कि वैन आज तक उससे बात करने नहीं आया। तभी कमरे में अचानक से ये भाई आते हैं और कहते हैं जावजुसु को चलने के लिए। जावजुसु बोलते हैं हाँ, ये भाई बोलते हैं चलो तुम चुपचाप, और ये भाई जावजुसु को ले जाते हैं। फ्लैशबैक खत्म। वैन बोलते हैं कि आपको याद है जब मैं मार खाया था। जाओ बोलते हैं, तुमने तो बोला था तुम बाइक से गिरो। वैन बोलता है, नहीं ये भाई ने मुझे मारा था। अब एक और फ्लैशबैक, वैन जाते हैं ये भाई के पास बात करने के लिए। ये भाई गुस्से में बोलते हैं, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और बिना सोचे समझे वैन को एक पंच मार देते हैं। वैन कहते हैं, जितना मारना हो मार लेना, पर मेरी एक बात सुनो। ये भाई तो शांत होने का नाम नहीं लेते और बहुत तेज मारने लग जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी वजह से मेरे दोस्त की जिंदगी खराब हो रही है, तुम चाहते क्या हो आखिरकार उससे, तुम उसके पास क्यों हो। वैन को समझ में आ जाता है कि ये भाई तो उसका बात आराम से सुनने वाले में से रहे नहीं, इसलिए वैन फटाफट कह देता है कि राजकुमार ने जावजुसु के माँ बाप को मरवाया है। और ये बात सुन के ये शांत हो जाता है और कहता है, क्या सबूत है। वैन बोलता है, सबूत आने वाला है, मुझे बस तुम्हारी छोटी सी मदद चाहिए और प्लीज थोड़ा विश्वास कर लो, जाओ तुम्हारा भी दोस्त है और मुझे पता है कि तुम राजकुमार से नफरत करते हो। ये भाई बोलते हैं, हाँ नफरत करता हूँ, पर इस बात पे मैं विश्वास कैसे करूँ, मुझे सबूत चाहिए। वैन बोलता है कि सबूत आने ही वाला है, कल तक आ जाएगा शायद। ये भाई मुंह बिगाड़ते हैं और कहते हैं, ठीक है जब सबूत आ जाए तब तुम आ जाना, और ये कहते ही वहाँ से चले जाते हैं। अब फ्लैशबैक खत्म होता है और ये भाई कहते हैं कि वैन अगले दिन सबूत लेके आ गया था, वो सीसीटीवी फुटेज। वैन ने बस इतनी सी मदद मांगी थी कि मैं तुम्हें कैसे भी करके वहाँ तक ले जाऊँ जहाँ पे राजकुमार है, और बाद में पुलिस को भी बुलवा लूँ। जावजी से बोलते हैं, वैसे वैन तुम्हें वो फुटेज कैसे मिली, तुम भूतघाटी वापस गए थे क्या। वैन बोलते हैं कि मैं भूतघाटी नहीं गया था, भूतघाटी में मेरा एक दोस्त था, मैंने उससे मदद मांगी। अब एक और फ्लैशबैक आता है जहाँ पे वैन फई से मदद मांगने गया था। फई बोलता है, तुम मेरे से मिलने की जिद क्यों किए थे, तुम जानते हो ना तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी मेरे से मिलने से, क्योंकि मैं तो भूतघाटी का हूँ और तुम तो इस शरीफों की दुनिया में रहने वाले हो। वैन बोलता है, फई तुम मेरी बात नहीं सुन सकते क्या सही से, तुम्हें हमेशा बहस जरूरी होता है क्या। फई बोलता है, ठीक है बको, तुम्हें क्या बकना है, तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। वैन सारी बातें बताता है। फई कहता है, सॉरी मैं वो फुटेज नहीं ला सकता, तुम जानते हो हमारे भूतघाटी के नियम, हमारे यहाँ से कुछ भी लीक नहीं होता है, और अगर लीक हो गया तो हमारे यहाँ की बहुत बदनामी होगी और मैं ये नहीं चाहता। वैन फई से बहुत जिद करता है पर फई मना ही कर रहा होता है। वैन काफी उदास हो जाता है और ये के और वहाँ से जाने लगता है। फई कहता है, तुम्हारे पास 10 रुपए हैं। वैन बोलता है, 10 रुपए क्यों। फई बोलता है कि नहीं। वैन बोलता है हाँ, और फिर वैन 10 रुपए निकाल के फई को दे देता है। फई वो 10 रुपए रख लेता है और कहता है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ, पैसे के बदले काम कर रहा हूँ, तो ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ,
मैं कल के डेट में तुम्हें वो फुटेज निकाल के दे दूंगा। और ये कह के जाने लगता है तभी वैन पीछे से फेय को गले लगा लेता है और कहता है तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। फेय वैन को अपने आप से दूर करता है और कहता है मुझे अपना दोस्त मत बोलना, ठीक है। और ये कह के जाने लगता है पर फेय के चेहरे पे एक अलग से और प्यारी सी स्माइल रहती है। वैन भी फिर मुस्कुराता है और फ्लैशबैक खत्म। और अभी के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अगर इस कहानी के बारे में और जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये FF जब भी आए सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आए। और सॉरी गाइस, मैं कहानी के बीच में बहुत अटक जाती हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा, पर मैं क्या करूँ, मेरे से कंटिन्यू बोला ही नहीं चाहता, तो मुझे माफ़ कीजिए और अपना दिल साफ कीजिए। और अभी के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। ते हैं कहानी स्टार्ट होती है अपने वूसी और युवान से। वो दोनों सिग्नल पे खड़े थे और सिग्नल को रेड होने का इंतजार कर रहे थे ताकि गाड़ी वहाँ पे रुक जाए। सिग्नल जैसे ही रेड होती है वो दोनों रोड क्रॉस करने के लिए चलते हैं, पर एक बंदा रेड सिग्नल को तोड़ के अपनी गाड़ी चलाता है जिस वजह से वुशी को लगने वाली रहती है वो गाड़ी। तभी युवान पीछे से वुशी को अपनी तरफ खींच लेता है और तेज हक कर लेता है, मतलब अपने युवान ने अपने वुशी को बचाया रहता है। युवान ने वुशी को जैसे ही हक किया था वुशी को भी आज थोड़ा सा अजीब लग रहा था, मतलब उसके दिल में वुशी के लिए थोड़ी थोड़ी फीलिंग आ रही थी। और अपना युवान तो बहुत ही घबराया हुआ था इसलिए उसने वुशी को बहुत ही टाइट हक किया था। वुशी युवान से थोड़ी देर बाद कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम मुझे छोड़ सकते हो। युवान भी वुशी को छोड़ देता है और कहता है सॉरी, वो मैं थोड़ा सा घबरा गया था। वुशी कहता है थैंक यू। युवान कहता है क्यों? वुशी कहता है मुझे बचाने के लिए। युवान कहता है मैंने तुम्हें नहीं अपने आप को ही बचाया है। और ये कहते ही वुशी का हाथ पकड़ लेता है और रोड क्रॉस करने लगता है। वुशी युवान को बहुत ही प्यार से देख रहा होता है। युवान मन में ही सोच रहा होता है कि अब काफ़ी दिन हो गए हैं मैं वुशी के साथ हूँ, वो थोड़ा बहुत तो वो मुझे पसंद करने लगा ही होगा। मैं कल ही उसे अपनी सच्चाई बता दूंगा और उसे प्रपोज भी कर दूंगा, अब जो होगा देखा जाएगा। कहानी शिफ्ट अपने ये और जाओ पे होती है। वो दोनों एक दूसरे से बात करते करते ही चल रहे होते हैं, बात तो नहीं साथ में चल रहे होते हैं। दोनों ही खामोश होते हैं, दोनों को बात करना होता है पर वो समझ में नहीं पा रहे होते हैं कि हम बात क्या करें। तभी दोनों साथ में बोलते हैं कि सब सही चल रहा है ना लाइफ में। दोनों ने एक साथ में ही बोला होता है, इस बात से उन दोनों को हंसी आ जाती है और वो हंसने लग जाते हैं। जाओ बोलता है मेरा तो एकदम ठीक ही है, तुम अपना बताओ, प्रिंस को तुमने अपनी सच्चाई बताई? ये बोलता है अभी नहीं बताई। जाओ बोलता है क्यों नहीं बताई? ये बोलता है कि मुझे डर है कि मैं बता दूंगा तो मुझे छोड़ के चला जाएगा। जाओ बोलता है तुमने ये कभी सोचा है कि अगर वो तुमसे प्यार करने लगा फिर तुमने उससे अपनी सच्चाई बताई तो उसे कितना हर्ट होगा? जाओ ये से बोलता है ये अगर आप शुरुआत में एक झूठ बोल दो ना तो आप कितना भी सच बोलो वो इंसान आपकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। जिस रिश्ते की बुनियाद ही झूठ से बसती हो वो रिश्ता कभी सफल नहीं हो सकता, इसलिए मेरी बात मानो तो तुम उसे आज ही सच बोल दो ताकि उससे बाद में हर्ट ना हो, क्योंकि अगर मेरे से कोई झूठ बोलता तो मैं उसकी जान ले लेता। मुझे तो समझ में नहीं आता कि प्रिंस तुम्हारे साथ क्या करेगा। ये बोलता है अगर तुम्हारी तरह किया तब तो मेरी खैर नहीं, क्योंकि तुम तो झूठ बोलने वालों की जान ही ले लेते हो। पता नहीं तुमने वैन केसिंग को कैसे छोड़ दिया, प्यार जो करते थे शायद प्रिंस भी मेरे से प्यार करता हो तो मुझे छोड़ दे, उतना कुछ ना करे मेरे साथ। वैन मुस्कुराता और कहता है ये भाई तुम्हें क्या लगता है मैं वैन केसिंग को झूठ बोलने पे छोड़ दूंगा? बिल्कुल नहीं, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे ज़्यादा उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे से झूठ ना बोले। अगर उसने मेरे से झूठ बोला अब तो मैं उसकी जान ले लूँगा, ये मेरा वादा है। ये हंसता है कहता है तब तो वैन को संभल के रहना पड़ेगा, अगर उसने थोड़ा सा भी झूठ बोल दिया नॉर्मली भी तब तो हो गया काम से। जाओ हंसता है कहता है मैं इतना साइको नहीं हूँ कि छोटा सा झूठ बोलने के लिए मार दूँ, मतलब थोड़ा झूठ चलता है पर बड़े झूठ नहीं चलते हैं। ये हंसता है कहता है मैं आज ही प्रिंस से सब सच बोल दूंगा, अब जो होगा देखा जाएगा, वैसे भी कल ही हमारा एक महीना ख़त्म होने वाला है, कल से तो हम मिलेंगे नहीं, तो आज है जो है वो मैं आज ही बता दूंगा उससे। जाओ मुस्कुराता है और कहता है अच्छी बात है। ये मुस्कुराता है और कहता है वैसे वैन केजिंग से बोल देना मुझे अब तुम दोनों के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने जो किया है वो बहुत बड़ी बात है, अगर वो चाहता तो इन सब बातों को साइड भी रख सकता था, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए, पर उसने तुम्हारे लिए इतना बड़ा रिस्क लिया, राजकुमार का सच बाहर निकाला, ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ, पर अगर उसने तुम्हारा दिल तोड़ा
तो तुम उसकी जान लो, उससे पहले मैं उसकी जान ले लूंगा, ठीक है। और ये कहते ही ये वहां से चला जाता है। फिर अपना जाओ भी वैन के पास चला जाता है। वैन कार में जाओ का कब से वेट कर रहा था। जैसे ही जाओ वैन के पास आता है, वैसे ही वैन कहता है, इतना देर कहाँ लग गई, कितनी देर से ये से बात कर रहे हो, मेरी याद नहीं आई क्या, मैं कब से कार में बैठ के तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जाओ कुछ नहीं कहता है और वैन के हेड पे किस कर लेता है। फिर जाओ कहता है, सॉरी थोड़ी सी लेट हो गई, वो ना ये ने तुम्हारे बारे में कुछ कहा है। वैन बोलता है, वो खड़ूस क्या बोला उसने मेरे बारे में। जाओ बोलता है, ये ने बोला कि उससे हम दोनों के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अगर तुमने मेरा दिल तोड़ा तो वो तुम्हारा मुंह तोड़ देगा, उसने ऐसे बोला। फिर वैन मुंह फुला के बैठ जाता है और कहता है, वैसे उसको तुम्हारी बहुत ही चिंता होती रहती है, मतलब इतना केयर क्यों करता है वो तुम्हारी। वैन बच्चों जैसा मुंह फुला के बैठ गया होता है और जाओ ये देख के मुस्कुरा रहा होता है। जाओ फिर उसको वैन को गले लगा लेता है कार में ही और कहता है, क्या है ना उससे मेरी बहुत फिक्र है, बचपन से जो उसके साथ हूँ मैं। वैन भी जाओ को गले लगा लेता है और कहता है, अब बोल देना उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं हूँ तुम्हारे लिए। जाओ बस मुस्कुराता है और कुछ नहीं कहता है। अब कान एक्सेप्ट होती है अपने काउ वैनिंग पे। काउ वैनिंग अपने बड़े भाई मुंह से बात कर रहा होता है। मुंह कहता है कि तुमने गुजियन को प्रपोज करने का कब सोचा है। काउ वैनिंग बोलता है, क्या भाई वो तो इन दिनों मेरे से बात ही नहीं कर रही है, वो मुझे इग्नोर कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है वो पूरे दिन उस लवलेस से बात करती रहती है। मुंह बोलता है, अगर हम अभी फोन पे बात नहीं कर रहे होते ना तो मैं तुम्हारा गाल खींच लेता, तुम्हें जलसी हो रही है। कॉविनिंग बोलता है, जलसी नहीं तो। मुंह बोलता है, अच्छा तो तुमने ये क्यों बोला कि वो पूरे दिन उस लड़के से बात करती रहती है, तुमसे बात नहीं करती। कॉविनिंग बोलता है कि ये सच है ना भाई, वो मेरे से बात ही नहीं कर रही, वो पूरे दिन उस लवलेस से बात करती रहती है। मुंह बोलता है, इससे कुछ नहीं होता, तुम ना एक प्यारे से डेकोरेशन करो और गुजियान को प्रपोज कर दो, नहीं तो दादाजी को कोई और अमीर लड़की मिल गई तो बोल देंगे कि इसे छोड़ो और उसे प्रपोज करो। कावेनिंग ये बात सुनकर घबरा जाता है और कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं कल ही गुजियान को प्रपोज कर दूंगा, मैं गुजियान को छोड़ के किसी और से शादी नहीं कर सकता। मुंह बोलता है, ये हुई ना बात। अब कहानी सिर्फ अपने वापस वैनजू पे होती है, मतलब अपने वैन और जाओ पे। वो दोनों घर पहुंच गए होते हैं। वो दोनों जैसे ही घर के अंदर जाते हैं वैसे ही किन उनके सामने आके खड़ा हो जाता है। किन बोलता है, कहाँ गए थे आप लोग, कितने देर बाद आए हो। फिर किन की नजर वैन की हाथ पर चोट पे पड़ती है। फिर किन घबरा जाता है और कहता है, जीजू आपको ये चोट कैसे लगी, आप ठीक तो है ना। जाओ कुछ बोलने वाला था उससे पहले ही वैन बोल देता है। वैन बोलता है, कुछ नहीं, वो बस मैं गिर गया था तो मेरे हाथ थोड़ी सी छिल गई और खून निकल रही थी। और तुम अपने भाई को तो जानते ही हो, वो मेरे लिए कितना प्रोटेक्टिव है, वो मेरी कितनी केयर करते हैं, इतने से छोटी चोट के लिए इतनी बड़ी पट्टी करवा दी मेरी। किन बोलता है, ओ तब ठीक है, नहीं तो आपको चोट लग जाती ना तो मेरे भाई तो रो रो के बेहाल हो जाते हैं। जाओ किन से कहता है, तो सुधरेगा नहीं ना, तो बहुत ज्यादा बोलने लगा है, रुक मैं तुझे बताता हूँ। और ये कहते ही जाओ किन के पीछे भागने लगता है और किन भी भागने लगता है। और वैन उन दोनों को देख के मुस्कुरा रहा होता है। वैन मन में ही कहता है कि इन दोनों के रिश्ते को कभी नजर ना लगे, ये दोनों ऐसे ही खुश रहे। और वैन के पीछे वांग खड़ा रहता है जो ये सब देख रहा होता है। फिर वांग भी वहाँ से चला जाता है। फिर वैन के पास अन्नु आती है जो उनसे पूछती है कि आपको ये चोट कैसे लगी। वैन बोलता है, बस मैं गिर गया था। अन्नू बोलती है, अपना ख्याल रखा करो, अगर आपको कुछ हुआ तो मेरे भाई ये सह नहीं पाएंगे और उनको तकलीफ में मैं नहीं देख सकती। और ये भी तो है ना कि अगर जाओ भाई को कुछ हुआ तो किन भी उदास हो जाएगा और किन और जाओ दोनों उदास हो जाएंगे तो मेरी ज़िंदगी ही उदास हो जाएगी। इन दोनों की वजह से ही तो मेरे चेहरे पे ऐसी आती है और ये दोनों ही उदास हो गए तो मेरा क्या होगा। तो इसलिए अपना ख्याल रखा करो, अपने खातिर नहीं पर उन दोनों के खातिर। वैन कुछ नहीं कहता, बस एक स्माइल देता है। फिर अन्नू भी वहाँ से चली जाती है। कहानी शिफ्ट अपने प्रिंस पे होती है। प्रिंस ये को कॉल लगाने वाला रहता है तभी ये का प्रिंस के पास कॉल आ जाता है। प्रिंस ये का कॉल उठाता है और कहता है, वाह क्या इत्तेफाक है, मैं भी तुम्हें ही कॉल लगा रहा था। ये बोलता है, सच्ची में पर तुम मुझे कॉल क्यों लगा रहे थे। प्रिंस बोलता है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ये बोलते हैं कि मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ। प्रिंस कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ये बोलते हैं कि मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। प्रिंस के चेहरे पे एक स्माइल रहता है। प्रिंस मन में सोचते हैं कि ये अपने दिल की बात बताने वाले हैं कि वो प्रिंस से प्यार करते हैं, पर अपना ये तो ये बताना चाहता था कि वो प्रिंस का बचपन का दोस्त बाई ही है। फिर प्रिंस एक एड्रेस बताते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ पे आ जाना। ये बाई बोलते हैं, ठीक है। फोन करते ही प्रिंस बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि वो मुझे पहले अपने दिल की बात बताए, उससे पहले मैं ये बता दूंगा कि मेरे पापा ने उसे बुलाया है। वो कितना खुश हो जाएगा ना। और अपना ये भाई वहाँ पे सोच रहे होते हैं कि पता नहीं प्रिंस ने मुझे क्या कहने के लिए बुलाया है, पर मैं उसे सबसे पहले अपनी सच्चाई बता दूंगा। अब कहानी सिर्फ अपने जाओ और किन पे होती है। जाओ किन के कमरे में बैठा हुआ था।
वो दोनों को सोच रहे होते हैं। किन जाओ से कहता है रेड रोज या फिर वाइट रोज, दोनों में से कौन सा अच्छा रहेगा। जाओ बोलता है मुझे क्या पता। जाओ थोड़ा सा नर्वस सा लग रहा होता है। किन जाओ से बोलता है अरे भाई आप इतने नर्वस हो कि आपको पता नहीं क्या काम करने को मिल गया है, आपको तो सिर्फ जीजू को प्रपोज ही करना है ना, फिर भी आप इतना टेंशन ले रहे हो। जाओ बोलता है प्रपोज तो करना है पर अजीब सा लग रहा है। किन बोलता है इसमें अजीब की क्या बात है, करना है तो करना है, प्यार करते हैं तो प्रपोज कर रहे हैं शादी के लिए बस। किन कहता है देखो भाई मैंने आपके लिए ये सब सोचा है ठीक है। जाओ कहता है हाँ पर। किन फिर कहता है ठीक है कुछ नहीं करते हैं, नहीं करना आपको प्रपोज ठीक है, ये सब बंद करते हैं। फिर जाओ कहता है अरे अरे नहीं 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 करना है ना प्रपोज, एक काम करो रेड रोज रख लो ये बहुत ही ट्रेंड में है। तभी वहाँ से पीछे से अनु आती है और कहती है ट्रेंड को फॉलो मत करो भाई, मेरे हिसाब से वाइट रोज रखो, वाइट बहुत प्योर होता है एकदम अपने प्यार की तरह, मतलब प्यार में कोई छल कपट नहीं होना चाहिए, एकदम प्योर होना चाहिए एकदम वाइट। जाओ अनु से कहता है मेरी बहन मेरे भाई से ज़्यादा समझदार है। किन बोलता हाँ क्या मतलब हुआ, माना ये मेरी गर्लफ्रेंड है पर मुझे बुरा लग रहा है कि आप उसकी तारीफ कर रहे हो। अनु मुस्कुराती है और कहती है जाओ भाई आप मेरी तारीफ मत कीजिए इनकी ही तारीफ कीजिए। जाओ कहता है कर तो लूँ पर ये तारीफ करने वाला काम ही क्या करता है जो मैं इसकी तारीफ करूँ। किन बोलता है हाँ भाई आप कितने दल बद्दू हो, कितने ब्लॉक करो, ये आइडिया किसने दिया है आपको प्रपोज करने का। जाओ बोलता है हाँ हाँ तुम भी काफी अच्छे हो। अरे कहते हैं जाओ मुस्कुराने लगता है, किन मुंह फुला के बैठ जाता है और अन्नो भी वहाँ पे मुस्कुराने लग जाती है। अब कहानी सिर्फ अपने ये पे होते हैं, ये वहाँ पहुँच गए होते हैं जहाँ पे प्रिंस ने उन्हें बुलाया था। ये प्रिंस के पास जैसे ही पहुँचते हैं वैसे ही वो कहने वाले रहते हैं, उससे पहले प्रिंस उसे हक कर लेता है, मतलब प्रिंस ये भाई को हक कर लेते हैं। ये को तो समझ में नहीं आया होता है कि अचानक से प्रिंस ने उसे हक क्यों किया। प्रिंस फिर ये से अलग होते हैं और कहते हैं तो मुझे प्रपोज करने वाले थे ना। प्रिंस फिर कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आई लव यू टू, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। और ये कहते हैं प्रिंस ये के लिप पे हल्का सा किस कर लेते हैं और कहते हैं कल मेरे पापा ने तुम्हें बुलाया है, शाम को आ जाना, प्लीज लेट मत करना। अपने प्रिंस के चेहरे पे तो एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल रहती है और अपना ये थोड़ा सा उदास सा रहता है। प्रिंस फिर वहाँ से जाने लगता है और कहता है मुझे कल के लिए बहुत सी तैयारी करना है, टाइम पे आ जाना शाम के 6 बजे ओके। और ये कहते ही प्रिंस वहाँ से चला जाता है। ये सोचते ही रह जाता है कि ये क्या हो गया, वो तो सच बताने वाला था। ये खुश तो था कि प्रिंस ने उसे प्रपोज किया था पर इस बात का दुख भी था उसे कि प्रिंस को उसकी सच्चाई नहीं पता है और सच्चाई पता चल गई तो वो उसे छोड़ देगा। ये बहुत ही घबराया हुआ था पर ये कहता है अपने आप को ही कोई बात नहीं कल मैं उसे सब सच सच बता दूंगा, वो मुझे पक्का एक्सेप्ट कर लेगा, मेरी गलती ही क्या थी, मैंने तो उसे बहुत बात करने की कोशिश भी की, इतनी लेटर भिजवाए पर उसने एक भी मैसेज का जवाब नहीं दिया। ये अपने आप को ही तसल्ली दे रहा होता है ये कह के कि वो मुझे माफ़ कर देगा, वो मुझे माफ़ कर देगा। अब कल सबके लिए बहुत ही प्यारा दिन था, सब अपने अपने पार्टनर को प्रपोज करने वाले थे। अब किसका दिल जुड़ेगा किसका दिल टूटेगा वो तो आपको नेक्स्ट पार्ट में ही पता चले हैं। कहानी नेक्स्ट डे से स्टार्ट होती है जहाँ पे वांग और हांग न्यूज़ देख रहे होते हैं। न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि आज बहुत तेज आंधी और बारिश आने वाली है। हान वांग से कहता है कि आज का दिन मुझे पता नहीं बहुत ही मनहूस लग रहा है और आज आंधी और बारिश भी आने वाली है। वांग के चेहरे पे एक स्माइल रहता है, वो कहता है आज का दिन खराब तो होने वाला है मुझे भी लग रहा है। वांग हान से कहता है मैं आज पूरे दिन आपके साथ ही रहूँगा। हान कहता है क्यों। वांग कहता है ऐसे ही बस मन कर रहा है और मुझे आपके साथ लूडो खेलने का भी मन कर रहा है, जैसे हम पहले खेलते थे तीन लोग खेलते थे ना लूडो, अब अंकल तो हमारे साथ नहीं है पर हम दोनों तो लूडो खेल सकते हैं ना। हांग कहता है क्यों नहीं। वांग एक स्माइल करता है। अब अपने किन अन्नो और जाओ को दिखाया जाता है जो टेरेस पे डेकोरेशन कर रहे होते हैं वैन के लिए। जाओ बहुत ही घबराया हुआ था और किन जाओ से कहता है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई जीजू को प्रपोज नहीं करने वाले हैं, उनसे सीधा शादी करने वाले हैं। किन कहता है फिर भाई अगर आप प्रपोज करते समय इतना नर्वस हो रहे हो तो शादी के समय कितना नर्वस हो गए। और ये कहते ही किन हंसने लगता है और अपनी अन्नो के चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाती है। जाओ कहता है किन टांग मत खींचो मेरा, मैं हूँ नर्वस, मैं क्या करूँ, मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ कर रहा हूँ। किन हंसते हुए कहता है और लास्ट भी होना चाहिए, ऐसा ना हो कि मेरा जीजू बदल लो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जाओ कहता है मैं ना बदलूंगा और ना ही उसे बदलने दूंगा, वैन मुझे छोड़ के तो बताए, मैं उसकी टांगे तोड़ के अपने पास रख लूंगा। किन तो अभी भी मुस्कुरा ही रहा होता है। किन कहता है कि आपको तो बस दादागिरी ही करनी आती है। उन तीनों ने टेरेस
बहुत ही प्यारा सजाया होता है वाइट रोज से, बहुत ही प्यारा लग रहा होता है। अब कहानी सिर्फ अपने प्रिंस पे होती है, जो बहुत ही खुश होता है कि आज उसका बॉयफ्रेंड उसके पापा से मिलने आ रहा है। प्रिंस ने बहुत ही तैयारी की होती है ये के आने के लिए। जाओ सिंह प्रिंस से कहते हैं, तुम तो बड़े खुश लग रहे हो। प्रिंस कुछ नहीं कहता और बस मुस्कुरा ही रहा होता है और थोड़ा सा शर्मा भी रहा होता है। जाओ सिंह कहते हैं, पहली बार मैंने अपने बेटे को शर्माते हुए देखा है। प्रिंस जाओ सिंह से कहते हैं, पापा आप मेरी टांग खींच रहे हो क्या? जाओ सिंह कहते हैं, नहीं तो मैं कहाँ खींच रहा हूँ, पर जो तुम ये लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो ना, उसका क्या करें? इतना कौन शर्माता है, मतलब ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं आ रहा, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड आ रहा है। प्रिंस मुस्कुराते हुए कहता है, हस्बैंड ही है एक तरीके से, मैं उसे शादी भी कर लूंगा अगर आपको अच्छा लग गया तो। जाओ सिंह अपने बेटे के सिर पे हाथ फेरते हैं और कहते हैं, अगर मेरे बेटे को अच्छा लगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, जिनकी तुम्हें काटनी है उसके साथ मुझे नहीं, तो जिसमें तुम्हारी खुशी है उसमें मेरी भी खुशी है, अगर तुम उसके साथ खुश रहोगे तो मैं भी खुश हूँ, अगर तुम उसके साथ खुश नहीं रहोगे तो मैं भी खुश नहीं हूँ। प्रिंस मुस्कुरा रहा होता है और पीछे से उनको लू और साव देख रहे होते हैं, वो दोनों थोड़े बहुत टेंशन में लग रहे होते हैं। जाओ सिंह प्रिंस के पास से चले जाते हैं, फिर प्रिंस की नज़र लू और साव पे पहुँचती है तो प्रिंस उन दोनों के पास जाते हैं। प्रिंस उन दोनों से कहते हैं कि क्या हुआ, इन दिनों तुम बहुत टेंशन में लग रहे हो, कुछ हुआ है तो मुझे तुम बता सकते हो, अपना मालिक समझ के नहीं पर अपना बड़ा भाई समझ के। तुम दोनों मेरे से छोटी हो तो मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, छोटा भाई मत समझ लेना। प्रिंस आज बहुत ही खुश थे। प्रिंस कहते हैं, बताओ क्या हुआ, बहुत टेंशन में हो तुम दोनों। भाई वर्ड सुनते ही सावना प्रिंस की तरफ बहुत ही प्यार से देखने लग जाती है, पर लुओ के चेहरे पे उतना कुछ इम्प्रेशन नहीं रहता है। लुओ कहती है कुछ नहीं और वहाँ से चली जाती है। साव प्रिंस से कुछ कहने वाली रहती है, तभी लुओ पीछे से साव को आवाज़ देती है, जिस वजह से साव को भी उधर से जाना पड़ता है। प्रिंस कहते हैं, बाद में, पता नहीं इन दोनों को क्या हुआ, ये दोनों इतने सीरियस क्यों रहते हैं। अब कहानी शिफ्ट अपने काउ वेनिंग पे होती है। काउ वेनिंग अपने भाई मुंह से वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहा होता है। काउ वेनिंग ने गुजियान के लिए प्यारा सा डेकोरेशन करवाया था एक पार्क में, वो दिखा रहा होता है। मुंह कहता है, बहुत सुंदर है, बस लड़की हाँ कह दे नहीं तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। काउ वेनिंग बोलता है, भाई आप मुझे डीमोटिवेट मत करो। वो कहता है, मैं तुम्हें डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं तो बस सच कह रहा हूँ। काउ वेनिंग बोलते हैं, ऐसा सच मत बोलो प्लीज़, सब मुझे डर लग रहा है, मैं प्रपोज करूँ कि ना करूँ मैं ये सोच नहीं पा रहा। मुँह मुस्कुराता है और कहता है, मैं मजाक कर रहा हूँ, करते पागल, प्रपोज करते, थोड़ा सा हिम्मत दिखा दे। काउ वेनिंग कहता है, मैं पक्का उसे प्रपोज कर दूंगा आज। अब कहानी शिफ्ट अपने वैन पे होती है। वैन अपने मनपसंद जगह गार्डन एरिया में घूम रहा होता है। वैन मन में ये कह रहा होता है कि सुबह से जाओ सर मेरे से बात ही नहीं की है, पता नहीं कहाँ पे है। वैन को गार्डन में एक पेपर दिखाई देता है। वैन उस पेपर को उठाता है तो उस पेपर पे कुछ लिखा हुआ रहता है। अब ये बाद में पता चलेगा कि उस पेपर में लिखा क्या है। अब कहानी शिफ्ट अपने ये पे होती है। ये अलग अलग कपड़े देख रहे होते हैं कि वो क्या पहन के जाए प्रिंस के पापा से मिलने, और ये थोड़ा घबराए हुए भी रहते हैं कि उनको आज अपनी सच्चाई बतानी है। पता नहीं ये के पापा और प्रिंस उसके साथ क्या करेंगे। ये बहुत ही घबराया हुआ रहता है पर वो तसल्ली ही दे रहा होता है कि वो उन्हें माफ़ कर देंगे। अब कहानी सिर्फ अपने युवान पे होती है। युवान ने आज छुट्टी ली होती है और युवान अपने ही घर को बहुत ही प्यार डेकोरेशन कर रहा होता है, वो उसी को प्रपोज करने के लिए और अपनी सच्चाई बताने के लिए। युवान ने भी बहुत क्यूट डेकोरेशन किया था, मतलब उसने ना कम बजट में बहुत ही प्यार डेकोरेशन किया था। युवान वुशी के लिए केक बना रहा होता है अपने हाथों से और कह रहा होता है कि फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, अच्छा हो जाए और उसी मुझे हाँ भी कर दे और मुझे माफ़ भी कर दे कि मैंने झूठ बोला कि मैं गरीब हूँ, पर मैंने उसके लिए तो किया ना, इतना सा तो गलती चलता ही है ना। युवान कहता है कि मैं ये भी जान के रहूँगा कि वुशी को अमीर लोगों से नफरत क्यों है। अब शाम का वक्त हो जाता है और न्यूज़ के हिसाब से सच्चे में काले काले बादल ऊपर आने वाले रहते हैं और थोड़ी बहुत तेज हवा भी चल रही होती है। ये अपना कार ड्राइव करके प्रिंस के पास जा रहे होते हैं। ये मौसम देख के बोलते हैं कि कितने मनुष्य दिन पे प्रिंस ने मुझे अपने घर बुलाया है, ये मौसम देख के तो ऐसा लगता है कि मेरी बहुत बैंड बजने वाली है। अब अपने जाओ को दिखाया जाता है जिसने पूरी डेकोरेशन कम्प्लीट कर ली होती है। जाओ कहता है मौसम देख के कि यार क्या मौसम बना हुआ है, इतने रोमांटिक से दिन को ये हॉरिबल दिन बनाने के लिए पड़ा हुआ है। किन बोलता है, अरे भाई बारिश भी बहुत रोमांटिक होता है,
ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। अनु मुस्कुराती है और कहती है, भाई के सामने ऐसी बातें तो नहीं करना चाहिए, पर मैं फर्स्ट टाइम किन को बारिश के वक्त पे ही देखा था। किन बच्चों की तरह बारिश में नहा रहा था और मुझे ये देख के किन पे दिल आ गया। किन मुस्कुराता है और कहता है, मैं हूँ ही इतना क्यूट, कोई भी मुझे पसंद कर बैठे। जाओ तब किन को छेड़ते हुए कहता है, तुम क्यूट नहीं हो, अन्नू की आंखें खराब हो गई है जो तुम्हें पसंद कर लिया। किन मुंह फुला लेता है और कहता है, भाई आप मेरा नाम कभी तारीफ नहीं करते। और जाओ तो अपना हंसने लगता है। अब कहानी शिफ्ट अपने वूसी पे होता है। वूसी अपना काम कर रहा होता है, तभी वूसी की नज़र एक न्यूज़पेपर पे पड़ती है। न्यूज़पेपर में एक इंसान की फ़ोटो थी और वो फोटो देख के किन शौक हो जाता है, मतलब अपना वूसी शौक हो जाता है। अब अपने गुजरन को दिखाया जाता है। गुजरन एक जगह बैठे हुए थे, तभी लवलेस गुजरन से कहता है, आजकल तुम मेरे से बहुत ही बात करती हो, तुम उस काउ बेनिंग से बात नहीं करती, ऐसा क्यों? गुजरन बोलती है, मुझे उसके बारे में कुछ बात ही नहीं करना है, अगर तुम्हें काउ बेनिंग के बारे में कुछ बात करना है तो तुम जा सकते हो या फिर मैं ही चले जाऊँ। लवलेस सॉरी कहता है और कहता है, ऐसी कोई बात नहीं थी, पर अचानक से तुमने काउबेनिंग से बात करना बंद कर दिया, ऐसा क्यों? गुजरन कहती है, अमीर लोग खराब नहीं होते, पर मुझे उन जैसे अमीर लोगों से नफरत है। लवलेस गुजरन से कहता है, पर बात क्या हुई है? गुजरन बोलती है, कुछ नहीं, अगर तुम्हें और काउबेनिंग के बारे में बात करना है तो तुम करते रहो, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। लवलेस कहता है, अरे नहीं कर रहा बात, तुम बैठी रहो। गुजरन कहती है, गुड। अब अपने ये भाई को दिखाया जाता है जो प्रिंस के घर पहुँच गए होते हैं। ये भाई प्रिंस के घर को देख के अपने बचपनों की बातें याद कर रहे होते हैं कि जैसे कैसे वो बचपन में सब साथ में खेला करते थे और प्रिंस की मम्मी भी उनके साथ रहती थी। प्रिंस की मम्मी ये को बहुत मानती थी, लाइक अपने दूसरे बेटी की तरह मानती थी, उससे बहुत ही प्यार करती थी। प्रिंस जैसे ही ये को देखता है फटाफट भाग के उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। प्रिंस ये से कहता है, अंदर आओ ना, बाहर क्या कर रहे हो? ये कहता है, हाँ मैं आ ही रहा था। वो दोनों अंदर जाते हैं। प्रिंस अपने घर के बारे में बताने लगता है कि ये लिविंग एरिया है, ऊपर मेरा कमरा है और साइड में मेरे पापा का कमरा है। ये सारी बातों पे हाँ हाँ कर रहा था, पर ये तो प्रिंस के घर को पहले से ही अच्छे तरीके से जानता था। प्रिंस कहने लगते हैं कि मेरे पापा अभी आ रहे हैं, तब तक मैं तुम्हें अपना घर दिखा देता हूँ। ये प्रिंस को अपनी सच्चाई बताने के लिए कुछ कहने ही वाला था, पर प्रिंस उसकी बात सुन ही नहीं रहा था और अपना घर ही दिखा रहा था। अब प्रिंस अपनी मम्मी के कमरे में ये को ले जाता है और उनका घर दिखाने लगता है। प्रिंस ये को अपनी मम्मी के फोटो के पास ले जाता है और मतलब ये को अपनी मम्मी से मिलाता है और अपनी मम्मी को ये से मिलाता है। प्रिंस ये से कहता है, ये मेरी ब्यूटीफुल मदर है, और अपनी माँ से कहता है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। कैसा लगा मम्मी आपको? अच्छा है ना? ये देख के ये के ना मन में अजीब सा हो रहा होता है। ये प्रिंस से सॉरी बोलते हैं। प्रिंस बोलते हैं, क्या? ये कुछ और बोल पाते तभी प्रिंस को कोई नीचे से आवाज़ दे देता है और प्रिंस नीचे चले जाते हैं। ये कमरे में ही देख रहे होते हैं, फिर ये एक बुक सेल्फ की तरफ देख रहे होते हैं। ये को बचपन की बात याद आती है कि कैसे ये पहले उस बुक सेल्फ का एक किताब निकालने वाले थे, तब प्रिंस की मम्मी ने उन्हें डांटा था। ये ने तो उस वक्त कुछ नहीं बोला था और वहाँ से चले गए थे, पर अगले दिन ये उस बुक सेल्फ के पास फिर जाते हैं और वहाँ से एक किताब निकाल लेते हैं। जैसे ही वहाँ से एक बुक निकालते हैं, वैसे ही वो बुक सेल्फ थोड़ा आगे आ जाता है और पीछे एक गेट दिखाई देता है। वहाँ पर प्रिंस की मम्मी आ जाती है और ये से कहती है, तुम्हें पता चल गया ना? प्रिंस की मम्मी ये से कहती है, भाई ये है ना हम दोनों के सीक्रेट रहेगा कि यहाँ पे एक सीक्रेट रास्ता है जो हर जगह जाता है, ठीक है? ये प्रिंस की मम्मी से वादा करते हैं कि वो किसी को नहीं बताएंगे कि उनके कमरे से एक सीक्रेट रास्ता है जो हर जगह जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। अपना बड़ा वाला ये एक बुक निकालता है और वो सीक्रेट रास्ता खुल जाता है। ये बिना सोचे समझे उस सीक्रेट रास्ते के अंदर चला जाता है। ये बोलता है, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। ये बोलता है, मुझे वापस जाना चाहिए नहीं तो प्रिंस को मेरी फिक्र होगी। ये जाने वाला रहता है तभी ये को पीछे से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। ये कहता है कि सीक्रेट रास्ता किसी और को भी पता है क्या? तभी वहाँ से आवाज़ें आने लगती है किसी इंसान की कि कोई कुछ बोल रहा हो। ये उस आवाज़ की पीछा करता है तो देखता है वहाँ पे जाओजिंग बैठा हुआ है। जाओजिंग अपने पत्नी के फोटो के पास बैठा हुआ था। ये को लगता है कि जाओजिंग को अपनी पत्नी की याद आ रही है। ये की आंखों में आंसू आने लगते हैं तभी जाओजिंग अचानक से अपनी पत्नी की फोटो को नीचे फेंक देता है और ये देख के ये शॉक हो जाते हैं कि ये क्या किया इन्होंने। जाओजिंग फिर अपनी पत्नी की फोटो से कहता है, तुम ना
मेरे लिए सर दर्द हो, मरते मरते भी मेरा दिमाग खराब करके गई हो। पता है ना, मैंने इस जायदाद को पाने के लिए कितनी कोशिश की है। ये प्रॉपर्टी मुझे चाहिए, ये सारा पैसा मुझे चाहिए। इन पैसों की वजह से ही तो मैंने तुमसे शादी की थी। ये सब सुन के अपना ये भाई तो बहुत शोक रहता है। जाओ सिंह ने ये को देखा नहीं होता है, इसलिए वो अपने पत्नी के फोटो से कुछ ना कुछ कहता जा रहा था। जाओ सिंह कहता है, मैंने इस पैसे को पाने के लिए कितनी मेहनत की है। मैंने अपनी पत्नी को छोड़ा, तुम्हारे पति को मरवाया, तुमसे शादी किया, तुम्हारे बेटे को अपना नाम दिया। मेरा खुद का एक बेटा था, मैंने उसे छोड़ दिया इन सब पैसों के लिए। और तुमने क्या किया, जाते जाते सारी जायदाद अपने बेटे के नाम कर दी। और ये भी लिखवा दिया कि प्रिंस जब तक 25 साल का नहीं हो जाता तब तक वो अपना पैसा किसी और को नहीं दे सकता, और अगर प्रिंस मरा तो सारी जायदाद चैरिटी में चली जाएगी। मैंने कितने मुश्किल से तुम्हारे कार का एक्सटेंड करवाया था। और ये सुनते ही अपना प्रिंस शॉक हो जाता है कि जावजिंग ने अपनी पत्नी को खुद मरवाया था। जावजिंग कहते हैं, पर तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है ना, जैसे ही पैदा हुई इतना सारा पैसा मिल गया। जब तुम मरने वाली थी तब वो पिद्दा बाई ने कितने मुश्किल से तुम्हें हॉस्पिटल में पहुंचाया था और तुम बच भी गई थी। कितने मुश्किल से मैंने हॉस्पिटल के डॉक्टरों को पैसा दे के तुम्हें वापस मरवाया था, पर जिसने तुम्हारा इलाज किया था वो डॉक्टर बड़ी ईमानदार थी। मेरे घर पे आ गई केस लेके कि आपकी बीबी को मरवाया है, आप केस कीजिए उस हॉस्पिटल वालों पे। मतलब तुम्हारे लाइफ में जो भी आया है काफी ईमानदार लोग आए हैं। और वो भाई अभी तक प्रिंस का पीछा नहीं छोड़ रहा। कितने मुश्किल से प्रिंस के दिल में मैंने उसके लिए नफरत जगाया था, पर वो वापस आ गया प्यार जताने के लिए। आज मैं उससे ही मिलने वाला हूँ। तुम्हारा बेटा उसे दिल दे बैठा है, पर उसका दिल टूटने वाला है, क्योंकि मैं तो उन दोनों को मिलने नहीं दूंगा। क्योंकि अगर वो दोनों मिले तो भाई ही तो कभी सारी जायदाद मेरे नाम होने नहीं देगा। वो तो हमेशा से जाता था कि प्रिंस ही इन सब बिजनेस को संभाले, इसलिए तो मैंने उस पिद्दे को अपने बेटे से दूर किया। नहीं तो उस पिद्दे की गलती क्या थी। अपने ये भाई को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है। मतलब बचपन से चाल चला जा रहा था उसको प्रिंस से दूर रखने के लिए। प्रिंस की पाँव थोड़ी सी पीछे जाती है तो प्रिंस के पाँव से कुछ गिर जाती है, जिस वजह से एक आवाज़ आती है। जावजिंग डर जाता है और कहता है, कौन है उधर। पर अपना ये भाई पहले ही वहाँ से भाग चुका था। ये भागते भागते कहता है, मुझे ना प्रिंस को सब सच्चाई बतानी पड़ेगी। अब कहानी अपने जाओजीसु पे शिफ्ट होती है। जाओजीसु एकदम तैयार होके एकदम प्यारा सा ड्रेस पहन के बैठा हुआ था। जाओजीसु इवेंट का इंतज़ार कर रहा था। जाओजीसु ने वैन को बोला था कि इतने बजे उसको टेरेस पे आना है, पर अपना वैन अभी तक आया नहीं होता है। जाओजीसु कब से वैन का इंतज़ार कर रहा होता है। अपने काउ वैनिंग का भी यही हालत होता है। काउ वैनिंग ने गुजन को एक लेटर पहुंचाया था कि इतने बजे इस पार्क में उसने बुलाया होता है गुजन को, पर गुजन अभी तक आई नहीं होती है और काउ वैनिंग कब से इंतज़ार कर रहा होता है। और मौसम उतना ही काला होता जा रहा है और हवा भी तेज होती जा रही है। अपना युवान भी वूशी का कब से इंतज़ार कर रहा होता है। तभी वूशी वहाँ पर आ जाता है। युवान वूशी को देख के खुश हो जाता है और कहता है, तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। पर वूसी आज बहुत ही सीरियस था। वूसी युवान से कहता है, क्यों इंतज़ार कर रहे थे और ये डेकोरेशन क्यों किया है तुमने। वूसी थोड़ा नर्वस होते हुए कहता है, वो क्या है ना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वूसी एक टेढ़ी स्माइल करता है और कहता है, बताना तो मुझे कुछ तुम्हें है। अब वूसी युवान को क्या बताना चाहता है और ये भाई क्या प्रिंस को सच बता पाएगा, और अगर बता भी लिया तो प्रिंस क्या यकीन कर पाएगा, और अपना वैन अपने जॉब के पास कब आएगा, और अपनी गुरजान भी क्या काउ वैनिंग के पास जाएगी, और गुजरान से काउ वैनिंग से इतनी नफरत क्यों करती है।